ये चैप्टर जो है ना, ये सिंध बोर्ड की अगर आप बुक देखो ना, तो उसमें इन्होंने चैप्टर नंबर 13 बनाया हुआ है, और इसका नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड आई गेस सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये इसका नाम है। अगर आप पंजाब बोर्ड में देखो तो इसको डिवाइड किया हुआ उन्होंने चैप्टर नंबर 13 और 14 में। 13 में उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है, 14 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया। तो मेनली दो ही टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना। कुछ और भी छोटी छोटी बातें हैं उनको भी हम जरा डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली दो टॉपिक है जिनको डिस्कस करना है। जो न्यू आपके सिंध बोर्ड की बुक है या केपी बोर्ड की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 12 है ये, उसमें तो खैर कंबाइन उन्होंने किया हुआ था, लेकिन एंड की जो एक्सरसाइज है ना 12 चैप्टर की, उसमें आपका टॉपिक मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब इसको समझने से पहले आपको मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे, उसके लिए आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। आप लोग इसके लिए क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। मैंने डिटेल में आप लोगों को बताया था, इनके ग्राफ भी आप लोगों को बताए थे, इनकी डोमेन रेंज डिटेल में, इनके पॉइंट्स भी ग्राफ के ऊपर, हर चीज मैंने क्लियर की थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। अब आ जाओ जरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या होता है। सबसे बेसिक बात, ये जो इनवर्स फंक्शन जिसका जिक्र किया जा रहा होता है, ये आप लोगों का सेकेंड ईयर का टॉपिक था सिंध बोर्ड वालों का, पंजाब बोर्ड वालों ने तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था इनवर्स फंक्शन। मैं एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ, आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, अगर किसी को नहीं याद तो देख लो कि इनवर्स फंक्शन आप निकालते कैसे थे। एक हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं सिंपल, ताकि समझने में आसानी हो, कि आपके पास लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1, ये एक फंक्शन मौजूद है, आपको इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने का पहला स्टेप था कि आप एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट कर दो, ठीक है। वैसे इसको दो तरीकों से निकाल सकते थे, एक तरीका क्या है वो कहता है कि आप यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट कर दिया, यहां से x निकालो, x क्या होगा y -1 2 को डिवाइड करना, तो x की वैल्यू निकालोगे, ये x की वैल्यू आ रही होगी। फिर ये जो आपके पास आ गया ना, ये एक इनवर्स फंक्शन आ गया, आप क्या करो x की जगह पे इनवर्स की नोटेशन यूज करो, ये आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली आपको पता है कि वेरिएबल हम x रखते हैं, तो इस स्टेप के बाद वो क्या कहता है कि भाई आप y की जगह x लिख दो, क्योंकि हमारी कोशिश क्या होती है कि x के अंदर ही हम सब काम कर रहे हो। तो अगर ये आपके पास फंक्शन है तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये इसका इनवर्स होगा। ये तरीका था जिसके तहत आप इनवर्स निकालते थे। इसी टाइप का एक और स्टेप है, वो यहां से करते हो आप, जैसे आपने एंड पे यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया है ना, दूसरे तरीके में क्या होता है कि आप शुरू में ही वेरिएबल को चेंज कर दो, और जहां पे एक्स लिखा हुआ है वहां पे वाई लिख दो, जहां पे वाई है वहां पे एक्स, मतलब इस तरीके से जहां पे एक्स था मैंने वाई लिख दिया, जहां पे वाई था मैंने एक्स लिख दिया, रिजल्ट सेम ही मिलेगा। ये करने के बाद आप वाई की वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू आ रही होगी। फिर ये मेथड कहता है वाई की जगह पे आप पुट कर दो एफ ऑफ इनवर्स एक्स, दैट्स इट। तो दोनों में आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा, जिस भी आप मेथड से करो, पहले इंटरचेंज करो बाद में करो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरचेंज आप जरूर कर रहे होते हो, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक फंक्शन और उसके इनवर्स में फर्क क्या होता है, चीजें इंटरचेंज हो जाती हैं। जो आपके फंक्शन की डोमेन होती है ना, वो रेंज बन जाती है आपके इनवर्स की, और जो आपके फंक्शन की रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है इनवर्स की। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स वाई को आपने इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे एक्स था डोमेन, आपने इंटरचेंज करके यहाँ पे जो एक्स है ना वो रेंज बन गया इसका। इसकी मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि एज्यूम कर लो आपका एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है, इसको ना फंक्शन को अगर आपको याद हो तो, यार ये टॉपिक अब मैंने इतना पढ़ाया है नहीं, ये बाय द वे है तो सेकेंड ईयर का टॉपिक, लेकिन थोड़ा बहुत देख लो, सेकेंड ईयर पढ़ी भी तो होगी आप लोगों को, इतना तो आइडिया होगा कि लेट से आपका फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इस नोटेशन में होता क्या है कि आपने इनपुट 1 किया है, आउटपुट आपको 2 मिला है। इसी तरीके से लेट से आपने फंक्शन के अंदर इनपुट 3 किया, आपको आउटपुट 4 मिला। आपने फंक्शन के अंदर इनपुट लेट से 5 किया, आउटपुट आपको 6 मिला। ये आपके पास एक फंक्शन है। अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है, जिसको मैं लिखता किस तरीके से हूं, एफ और उसके ऊपर -1 लगाता हूं, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, जस्ट आप इंटरचेंज कर दो, ये हो जाएगा 2,1, ये हो जाएगा 4,3, ये हो जाएगा 6,5, तो ये इनवर्स आ गया। तो इनवर्स में आप करते क्या हो, एक्स और वाई के रोल तब्दील कर देते हो। अगर आप देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसकी डोमेन है 1, 3, 5, डोमेन होता है जो पहली वैल्यू आपको नजर आ रही है, इसकी डोमेन है 1, 3, 5, जबकि इसकी रेंज क्या है 1, 3, 5, तो जो इसकी डोमेन है वो उसकी रेंज बन गई। इसी तरह इसकी रेंज है 2, 4, 6, इसकी डोमेन क्या है 2, 4, 6, तो चीजें जो है ना वो इंटरचेंज हो जाती है फंक्शन और उसके इनवर्स के अंदर। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए जो आपको यहाँ पे काम करना है, बाकी इनवर्स फंक्शन की डिटेल हम सेकेंड ईयर में भी पढ़ रहे होंगे, वहां पे तो और मुश्किल फंक्शन भी आएंगे, बाकी बातें वहां पे पढ़ लेंगे। तो ये बेसिक बात आपके जहन में होनी चाहिए।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। देखो जब भी आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं ईकेड पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट ईयर आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा, सेकंड ईयर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था आप लोगों ने, कि जितने बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, अगर ऐसा फंक्शन है जो वन टू वन हो और साथ साथ ऑन टू हो। अब इन दोनों टाइप को मैं ब्रीफली बता देता हूं आप लोगों को। वन टू वन फंक्शन वो होता है कि जिसमें आप एक एक्स पुट करो तो आपको डिफरेंट वाई मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला है, ये वन टू वन नहीं है, क्यों? जब मैं इसमें x की जगह 2 पुट करूंगा तो y 4 मिल रहा है, लेकिन अगर मैं x की जगह -2 पुट करूंगा तब भी y 4 मिल रहा है। मतलब दो डिफरेंट x के ऊपर मुझे सेम y वैल्यू मिल रही है, 2 पे भी 4 मिल रही है, -2 पे भी 4 मिल रही है, तो ये 1 टू 1 नहीं होगा। 1 टू 1 की डेफिनेशन क्या है कि हर x पे यूनिक y मिलना चाहिए आपको। अगर x 2 पुट करने पे 4 मिला है तो -2 पुट करने पे कुछ और y आना चाहिए, इसको आप कहते हैं 1 टू 1 फंक्शन। दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में होता है कि नॉर्मली आपने फंक्शन की, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, फंक्शन की नोटेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूं ना, इसका मतलब सेकंड ईयर में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा जो मैं अभी से कवर कर रहा हूं, तो चीजें अभी से जो सीख रहे हो वो बाद में बार बार डिस्कस नहीं होंगी। कोई भी फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है ना, उसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप लिखते हो एफ, ये कॉलन लगाया आपने, उसके बाद लेट से आपने ये चीज लिखी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, एरो से पहले जो चीज लिखी हुई है ना वो रिप्रेजेंट करती है फंक्शन की डोमेन क्या है, एरो के बाद जो लिखा हुआ है उसको नॉर्मली आप कोडोमेन कहते हो। दो चीजें होती हैं, इसको आप बोलोगे डोमेन और इसको आप बोलोगे कोडोमेन। अच्छा, पर रेंज क्या होती है? मतलब हमने डोमेन कोडोमेन तो देख लिया, रेंज क्या होती है? देखो डोमेन का तो सबको मतलब पता है कि इनपुट का सेट होता है जहां से आप इनपुट कर रहे होते हो। कोडोमेन और रेंज में फर्क ये होता है कि जो कोडोमेन होती है ना आपकी, वो आपको बताती है कि यार यहां मतलब इस वाले सेट से ना आपकी वैल्यूज आ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मुझे पता है कि जब भी मैं कुछ इसमें एक्स पुट करूंगा मेरे पास कुछ रियल आंसर आएगा, ये मैं बता सकता हूं आपको। ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे पास इमेजिनरी आंसर आ जाएगा, रियल ही आएगा। तो अगर मैं इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करूं तो ये जो चीज मैंने लिखी, ये मैंने इसकी रेंज नहीं लिखी, ये मैंने इसकी कोडोमेन लिखी है। कोडोमेन का मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि क्या वैल्यूज आ सकती हैं। तो हमने एक्सपेक्ट यही किया है कि इसकी कोई रियल वैल्यूज आएंगी, कोई इमेजिनरी नहीं होंगी, कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगी, कुछ रियल वैल्यूज आ रही होंगी कुछ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को पता है इसकी एक्चुअल आउटपुट क्या है? एक्चुअल आउटपुट किसी को पता है क्या है इसका? मैंने बताया था, क्या कर रहे हो? तो करे किसी ने बता दिए, -1 से लेके 1। मैंने बताया था साइन के केस में आपको -1 और 1 के दरमियान ही वैल्यू मिलती है, 1 भी मिल सकती है, -1 भी मिल सकती है। तो देखो एक्चुअल जो उसका आउटपुट था ना वो ये है, जबकि ये जो आपने लिखी है ना ये कोडोमेन होता है। कोडोमेन का मतलब कि हमने इस सेट में से एक्सपेक्ट किया था कि क्या वैल्यूज आएंगी। तो आपको पता है ये रियल वैल्यूज है ना सारी, तो ये आपने एक्सपेक्ट किया था ये कोडोमेन होगी, जबकि एक्चुअल जो आउटपुट होता है ना उसको आप रेंज बोलते हैं। करेक्ट टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको बता रहा हूं, तीन वर्ड होते हैं डोमेन, कोडोमेन, रेंज। डोमेन होता है इनपुट का सेट, रेंज होता है आउटपुट का सेट, जबकि कोडोमेन होता है कि आपको आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कि कहां कहां से आपके पास आउटपुट आएगा। तो हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि रियल ही आएगा, तो ये कोडोमेन है, पूरा रियल नंबर का सेट जो है वो कोडोमेन कहलाया जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल में आपके पास आउटपुट आया है उसको आप बोलोगे रेंज। ये बात सीखना बड़ी इंपॉर्टेंट थी ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन के लिए। तो अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? भाई ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें कोडोमेन और रेंज ये आपस में इक्वल हो जाए, उसको आप ऑन टू फंक्शन कहते हो। ऐसा फंक्शन जिसमें कोडोमेन और रेंज ये आपस में इक्वल हो जाए उसको आप ऑन टू फंक्शन कहते हो। जैसे ये जो मैंने अभी लिखा है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर मैं इसको ऑन टू बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? अगर मैं यहां पर यह लिख दूं, अब ये फंक्शन क्या हो गया? अब ये ऑन टू फंक्शन हो गया। क्यों? अगर आप इसकी कोडोमेन देखो, -1 से लेकर 1 है, और आपको पता है इसकी रेंज भी यही होती है, इसका मतलब यहां पर कोडोमेन और रेंज बराबर हो गए, इस वाले फंक्शन को आप बोलोगे ऑन टू फंक्शन। मुझे बताओ इन दोनों की डेफिनेशन सबको क्लियर है? यस। तो याद रखना, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जो फंक्शन वन टू वन भी हो और जो फंक्शन ऑन टू भी हो, उस वाले फंक्शन को आप क्या बोलते हो? बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको डिफरेंट अंदाज से भी हम समझेंगे ग्राफ के जरिए से, जो कि असल बात है जो समझानी है, लेकिन अभी मैं आपको अल्जेब्रिक अंदाज में पूरा सिखा रहा हूं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है ना उनका इनवर्स पॉसिबल है। अब इस जुमले का मतलब क्या? लेट से मैं यहां पे काम करता हूं, ऑब्जर्व करना मैं क्या चेंजिंग की है।
अगर आप इस फंक्शन के बारे में गौर करो तो आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कि ये फंक्शन वन टू वन नहीं है। वन टू वन क्यों नहीं है? मैंने वन पुट किया, मुझे टू आंसर मिल रहा है। मैंने थ्री पुट किया, मुझे थ्री पे भी टू आंसर मिल रहा है। मैंने क्या बोला था, वन टू वन की डेफिनेशन क्या है कि अगर आप डिफरेंट एक्स पुट कर रहे हो तो डिफरेंट वाई आना चाहिए, जबकि यहां पे तो दोनों में आपको सेम वाई मिल रहा है। इसका मतलब ये वन टू वन नहीं है। और नुकसान क्या होता है, जब फॉर एग्जाम्पल ये वन टू वन नहीं है, आपको पता है कि वन टू वन फंक्शन नहीं है, आप जब इसका इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स कैसे निकालते हैं, आपको पता है, इंटरचेंज करते हो, ये वन टू है टू वन हो जाएगा, ये थ्री टू था तो टू थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक वन टू वन फंक्शन नहीं था, मैं लिख देता हूं नॉट वन टू वन फंक्शन। अब देखो मसला क्या हो रहा है, वन टू वन नहीं था, मैंने इसका इनवर्स निकाला। जब मैं इसके इनवर्स को गौर से देखूंगा तो बच्चा इसका जो इनवर्स है ना वो फंक्शन ही नहीं है। अब फंक्शन क्या होता है, किसी को पता है यहां पर, जल्दी से बताओ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन ये कि उसका एक डिस्टिंक्ट आंसर होना चाहिए, यानी कि रेंज होनी चाहिए, लेकिन इसके दो आ रहे हैं, मतलब दो, टू पे वन भी आ रहा है और टू पे थ्री भी आ रहा है। डिस्टिंक्ट रेंज गलत जुमला है, ये अच्छा नहीं रहेगा डेफिनेशन में। वो तो वन टू वन बता दिया, डिस्टिंक्ट रेंज ये अच्छा जुमला नहीं है। कोई और ट्राई करो, बाकी भी मौजूद है ना क्लास में यहाँ पे। मतलब ये कि सिर्फ उसका एक ही आंसर, एक ही इनपुट हो तो एक ही आउटपुट हो, इस तरीके से। हाँ, ये अच्छी डेफिनेशन है। फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपने एक वैल्यू पुट की है ना तो आंसर में भी आपको एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये फंक्शन नहीं है, मैं अगर x की जगह 4 पुट करूंगा तो मुझे प्लस टू भी मिलेगा, मुझे माइनस टू भी मिलेगा, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है। एक और पॉइंट भी होता है लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। रेलिवेंट पॉइंट जो मैंने बता दिया है कि एक एक्स पे एक ही वाई मिलना चाहिए, दो वाई नहीं मिल सकते आपको। तो हुआ क्या, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन था, देखो एक एक्स पे आपको एक ही आंसर मिल रहा है, वो अलग बात है कि इन दोनों एक्स पे आपको सेम आंसर मिल रहा है, वो अलाउड है। क्या चीज अलाउ नहीं है, ये वाली चीज अलाउ नहीं है। अब जरा देखो क्या ये फंक्शन है या नहीं, मुझे देखो टू पे भी आंसर वन मिल रहा है और मुझे टू पे आंसर थ्री मिल रहा है, मतलब एक एक्स वैल्यू पे मुझे दो आंसर मिल रहे हैं, वन भी मिल रहा है थ्री भी मिल रहा है। जरा आप इस फंक्शन को इमेजिन करो कि एक फंक्शन था जिसमें आपने पुट किया टू, आपको वन आंसर मिल रहा है और आपको साथ साथ थ्री भी आंसर मिल रहा है, मतलब एक इनपुट पे आपको दो आउटपुट मिल रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो मसला मैंने क्या डिस्कस किया आप लोगों से कि अगर कोई फंक्शन वन टू वन नहीं है, अच्छा ये फंक्शन है, यहां पे देखो एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं मिल रहे, यहां पे हो रहा है कि दो इनपुट का सेम आउटपुट मिल रहा है आपको, ये अलाउड है कि दो इनपुट है अलग अलग उनका सेम आउटपुट मिल जाए, अलाउड है, फंक्शन माना जाएगा, लेकिन एक इनपुट पे दो आउटपुट मिलेंगे ये अलाउड नहीं है। तो ये मेरे पास एक फंक्शन था लेकिन ये वन टू वन नहीं था क्योंकि उसकी डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतर रहा था। तो जब मैं इसका इनवर्स लूंगा ना तो इनवर्स के रिजल्ट में मुझे फंक्शन नहीं मिलेगा। तो तभी मैंने क्या जुमला बोला था, अगर कोई फंक्शन वन टू वन नहीं है तो जब आप उसका इनवर्स लोगे तो उसका इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा। अब मैंने देखो वन, हालांकि मैं लिखा बाइजेक्टिव है लेकिन मैं बात वन टू वन की कर रहा हूं। देखो बहुत ही रेयर केसेस हैं जिसमें आपका फंक्शन वन टू वन भी हो लेकिन फिर भी उसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, वो बहुत ही रेयर केस है, तभी ऑन टू की शर्त भी मैंने डाली है। वो मैं इस लेवल पे नहीं आपको समझा रहा, मैंने करेक्ट बात बतानी है आपको कि जुमला होना चाहिए बाइजेक्टिव, वन टू वन खाली आप जिक्र नहीं करो, क्योंकि एक ऐसा केस है के यार बता देता हूं, जब बात स्टार्ट होगी बता देता हूं। लेट से आप ये करो, लेट से ये कर लेते हैं। अब जब बात स्टार्ट होगी तो अब बात दूर तक जाएगी। फंक्शन की एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इनपुट हो तो आउटपुट एक ही होना चाहिए, ये एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट फंक्शन के अंदर ये होता है कि हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आप इस फंक्शन को गौर से देखो तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन है, फंक्शन के डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलेगा, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। अब जरा समझो ऑन टू क्यों नहीं है, मैं इसको ना आप लोगों को जो मैपिंग डायग्राम जिस तरह बना देते ना उस तरह समझाता हूँ। एज्यूम कर लो जो इसकी डोमेन है वो रियल है और जो इसका आउटपुट है जिसको कोर डोमेन हमने बोला था वो भी रियल है, यहाँ सारे आपको रियल नंबर मिल जाएंगे, यहाँ पे सारे रियल नंबर होंगे, इधर भी सारे रियल नंबर होंगे, दरमियान में कुछ ऐसे रियल नंबर होंगे माइनस वन जीरो फिर वन, मतलब माइनस वन और वन के दरमियान कुछ रियल नंबर होंगे, मतलब इसके ऊपर भी रियल नंबर हैं, इसके नीचे भी रियल नंबर हैं, पूरा रियल नंबर का सेट है ना, तो इसके दरमियान के माइनस वन जीरो वन इनके दरमियान भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, 0.5 इस टाइप की वैल्यूज होंगी। तो फंक्शन में आप मैपिंग किस तरह करते हो, लेट से मैंने इस एक्स की जगह फॉर एग्जाम्पल कुछ वैल्यू पुट की मुझे एक आउटपुट मिल गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एक्स पुट किया था मुझे जीरो आंसर मिल गया, मैंने कुछ एक्स पुट किया था मुझे माइनस वन आंसर मिल गया,
मैंने कुछ एक्स पुट किया था, मुझे वन आंसर मिल गया। इसी तरह मैंने कुछ एक्स पुट किया होगा, मुझे कुछ और आंसर मिल गया होगा। ये मैपिंग कर रहे होते हो, जैसे ये वाला फंक्शन था ना, इसमें मैक्सिमम कैसे करोगे, इनपुट है 1 3 5, आप लिखोगे 1 3 5, आउटपुट का सेट क्या है 2 2 6, फॉर एग्जाम्पल 2 6 है, तो 1 पे मुझे 2 मिला था, 3 पे मुझे 2 मिला था, 5 पे मुझे 6 मिला था। आप इसी चीज को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हो, इसको कहते हैं मैपिंग डायग्राम। फंक्शन की एक नोटेशन ये भी होती है, एक नोटेशन ये भी होती है। तो मैंने इसी चीज को इस फॉर्म में बनाया हुआ। अब ये ऑन टू नहीं है, अब देखना मसला क्या होगा, क्योंकि पंजाब बोर्ड की बुक में ये मेंशन हुआ है कि जो 1 to 1 फंक्शन है ना, उन्हीं का इनवर्स पॉसिबल है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका फंक्शन किसी केस में अगर 1 to 1 है भी, फिर भी जरूरी नहीं है कि उसका इनवर्स होगा, ऑन टू की शर्त भी जरूरी है। दैट्स व्हाई मैं पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। ज्यादातर लोग जो है वो 1 to 1 बोलते हैं, हालांकि करेक्ट वर्ड क्या होता है, बाइसेक्टर। तो मसला बता रहा हूं क्या होगा। तो लेट से अगर आप देखो, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई थी, कि कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए। आपको देखने में लग रहा है ये पूरा कोडोमेन है और रेंज आपकी छोटी सी होगी, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान में बताना चाह रहा हूं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, सब एग्री करेंगे इस बात से। जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा ना, इनवर्स में क्या होता है, ये जो पहले चीज होती है ये बाद में आ जाती है, और जो बाद में चीज होती है पहले आ जाती है। अब देखना क्या होगा, इस वाली चीज को पहले ले आओ, इस वाली चीज को बाद में ले आओ। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं, इस वाली चीज को बाद में बना देता हूं, और यहां पे जितने भी होंगे ना, जितनी भी एक्स वैल्यूज होंगी, वो कुछ ना कुछ आंसर आपको मिल रहे होंगे। आपको पता है मैं यहां पे साइन की जगह कुछ भी पुट कर दूं, एक्स की जगह पे कुछ ना कुछ तो आंसर मिल रहे होंगे ना। तो जितना भी रियल नंबर का सेट होगा, मैं कुछ भी पुट करूंगा, आंसर मुझे इन्हीं में से कुछ मिल रहा होगा। तो ये मैंने एज इट इज लिखा, इस वाली चीज को मैं दोबारा यहां पे कॉपी करता हूं लेट्स से, और ये एरोज मैं इस तरह बनाता हूं कि आपको कुछ वैल्यूज यहां से मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं। अब हुआ क्या, कंबाइन करके मैं बता रहा हूं कि जो आपकी डोमेन थी अब वो आपकी रेंज बन गई, जो आपकी रेंज थी वो आपकी डोमेन बन गई। अब नुकसान क्या होगा, अगर आप इसको देखो तो ये फंक्शन ही नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? कोडोमेन की वजह से ये फंक्शन इसलिए नहीं है कि आपने फंक्शन की दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, हर एक्स का वाई आपको मिलना चाहिए। देखो फंक्शन के अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, गौर से समझो बात को, सीखो कुछ मैथ यहाँ पे, कि एक पॉइंट होता है कि आप कुछ एक्स पुट करो, आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, एक इनपुट का एक ही आउटपुट हो। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने कुछ पुट किया और आपको आउटपुट ही नहीं मिल रहा। दोनों बातें देखनी है, हर इनपुट का एक ही आउटपुट हो और हर इनपुट का आपको आउटपुट मिले, ऐसा ना हो कि आपने कुछ पुट किया आपको आंसर ही नहीं मिल रहा, ये इसके साथ हो रहा है। अब ऑब्जर्व करो, ये जो इसके ऊपर नीचे वैल्यूज हैं और ये इसके जो नीचे नीचे वैल्यूज हैं, ये खाली हैं, इनके साथ कोई भी एरो नहीं जा रहा। मैंने देखो, अब ये चीज जिसको समझ आ रही है सही, जिसको नहीं समझ आ रही उसको नहीं समझ आएगी, अभी नहीं आएगी, बाद में फिर रिसर्च करना समझ आ जाएगी। जिसको समझ आ रही है बहुत अच्छी बात है। ये चीज जो थी ये पहले थी फंक्शन के अंदर, सिंपल साइन फंक्शन के अंदर क्या था कि जो भी मैंने एक्सपुट किया था मुझे ये वाई वैल्यूज मिल रही थी, बाकी नहीं मुझे मिल रही थी। जब मैं इसको इन्वर्स करूंगा ना, तो अब ये इनपुट बन गया और जो पहले डोमेन थी वो आउटपुट बन गया। अब हो क्या रहा है कि इस वाले सेट में से जस्ट ये वाली वैल्यूज यूज हो रही थी, जस्ट ये वाली वैल्यूज यूज हो रही, ये वाली फारिग थी, लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन ही ये कहती है कि इनपुट के अंदर कोई भी एलिमेंट फारिग नहीं होना चाहिए, हर इनपुट का आउटपुट मिलना चाहिए। इसको आप इस तरह समझो कि फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आसान करके, 1 2 3 मजीद आसान करके देता हूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। लेट से मैं एरो लगाता हूं, ये 2 का 5 पे, 3 का 6 पे, मुझे बताओ ये 1 to 1 फंक्शन है। तुम लोग छोड़ो, मैं बता देता हूँ, 1 to 1 फंक्शन सर नहीं है, क्योंकि 1 का आउटपुट 4। अच्छा डायग्राम आपको समझ ना आई हो, 2 का आउटपुट 5, 3 का आउटपुट 6, तो ये 1 to 1 फंक्शन है, क्योंकि हर ऑन टू नहीं है, हर एक्स का डिफरेंट वाई मिल रहा है आपको, तो ये 1 to 1 तो है ना बिल्कुल, लेकिन क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आप देखो कोडोमेन में एलिमेंट फारिग बैठा हुआ है। मैंने क्या बोला था, ये पूरा कोडोमेन का सेट है और इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है 4 5 6, जबकि कोडोमेन क्या है 4 5 6 7, ठीक है ना। इसका मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। और जब इस फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो देखना क्या होगा, ये वाली चीज पहले आ जाएगी और ये वाली चीज बाद में चली जाएगी। अगेन वही, 4 का 1 से जा रहा था, 2 का 5 से जा रहा था और 6 का 3 से जा रहा था। अब देखो ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि इनपुट के अंदर एक एलिमेंट फारिग बैठा हुआ है। जब तक ये आउटपुट के सेट में था हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन अगर ये इनपुट के सेट में कोई एलिमेंट फारिग होगा तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाता,
क्योंकि फंक्शन का दूसरा पॉइंट था कि हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। तो ये वो बात है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, इस लेवल पे किसी ने डिटेल में नहीं बताया होगा, इस लेवल पे सबने बात बोली होगी कि जितने भी वन टू वन फंक्शन है उनके इनवर्स फंक्शन होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल दी है जिसमें ये वन टू वन है लेकिन फिर भी फंक्शन नहीं है। अब इससे डिटेल में और क्या मैथ हो सकती है। तो दैट्स व्हाई मैंने दोनों पॉइंट डिस्कस किए कि वन टू वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब जिसको आप बाइजेक्टिव कहते हो। तो जितने बाइजेक्टिव फंक्शन है ना उनका इनवर्स फंक्शन होगा। जैसे अगर मैंने इसको बाइजेक्टिव बनाना, मैं सेवन को मिटा देता हूं, अब ये इसका इनवर्स फंक्शन है, देख लो इनवर्स इसका फंक्शन है। तो मैंने आपको एक ऐसी एग्जांपल भी दी है जिसमें अगर फंक्शन वन टू वन नहीं है तो उसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। मैंने एक ऐसी एग्जांपल भी दी कि अगर वो ऑन टू नहीं है तो उसका फंक्शन जो है वो इनवर्स नहीं होगा, मतलब जो उसका इनवर्स है वो फंक्शन नहीं होगा। तो ऑल टुगेदर आपने कंबाइन करके क्या याद रखना है कि जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है उनका इनवर्स निकालोगे तो फंक्शन आएगा। अब ये बात ट्रिग्नोमेट्री में कहां से आ गई है, ये असल सवाल है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना बच्चों, वो वन टू वन ही नहीं है, मतलब इन शॉर्ट वो बाइजेक्टिव नहीं है। तो जब आप उनके इनवर्स निकालोगे उनके इनवर्स तो फंक्शन ही नहीं होंगे, जबकि आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फंक्शन का जुमला लिखा हुआ है आपने। तो अगर आप किसी नॉन बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है और आप उसका इनवर्स निकालोगे तो वो फंक्शन ही नहीं आ सकता। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है। कैसे बाइजेक्टिव नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। दो इनपुट पे सेम आपको मिल रहा होता है, लेट्स से आप साइन के अंदर जीरो पुट करते हो, आप साइन के अंदर पाई पुट करते हो, आप साइन के अंदर टू पाई पुट करते हो, इनफिनिट वैल्यूज में आपको बता सकता हूं जिन पे सब पे साइन की वैल्यू जीरो है। मल्टीपल इनपुट्स हैं, सेम आउटपुट मिल रहा है, ये वाला केस है कि वन पे भी टू मिल रहा है, थ्री पे भी टू मिल रहा है। साइन के केस में आप जीरो पुट करो, साइन के अंदर पाई पुट करो, टू पाई पुट करो, थ्री पाई पुट करो, इन सब पे आपको साइन की वैल्यू जीरो मिलेगी। मतलब डिफरेंट इनपुट पे सेम आपको आउटपुट मिल रहा है। सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं होते। तो मसला यही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कि वो बाइजेक्टिव नहीं है, उनको हमें बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा। जैसे हम बाइजेक्टिव बना लेंगे उसके बाद आप उनका इनवर्स निकाल सकते हो, वरना आप उनका इनवर्स नहीं निकाल सकते। ये जो पूरी चीज थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, बाइजेक्टिव के लिए फिर ये बताना पड़ा, फिर इनवर्स बताना पड़ा। तो जहन में क्या याद होना चाहिए अभी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं है। आसान लैंग्वेज के लिए ना आप वन टू वन बोल देते हो, लेकिन अभी मैं भी शायद कभी आसानी के लिए आपको वन टू वन बोल दूं, लेकिन जहन में रखना ऑन टू वाली शब्द भी होती है, लेकिन आसानी के लिए हम नॉर्मली वन टू वन बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जांपल्स जो होती है ना उसमें ये ऑन टू वाला मसला होता नहीं है, जिक्र भी नहीं इतना हो रहा होता, ज्यादातर वन टू वन पे फोकस किया जा रहा होता है। लेकिन करेक्ट मैंने बता दिया, लेकिन नॉर्मली वन टू वन चल रहा होता है। वन टू वन को चेक करने का ग्राफ का भी एक तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, मैं ना साइन फंक्शन, बल्कि साइन से रिलेटेड डिस्कस करते हैं ना, हाँ आ जाओ भाई साइन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। साइन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी को अभी भी नहीं पता तो भाई तुम्हारा अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि डिटेल इससे ज्यादा हो नहीं सकती थी। सब पॉइंट्स मैंने बताए थे, ये जीरो है, 90 पे आपको वन मिलता है, पाए पे आपको जीरो मिलता है, थ्री पाए पॉइंट टू पे आपको माइनस वन मिलता है, टू पाए पे आपको जीरो मिलता है। इसी तरीके से माइनस 90 पे आपको माइनस वन मिलता है, ये हो गया माइनस पाई, दैट्स इट, उधर जाने की जरूरत नहीं है ना। ये सिंपल साइन फंक्शन है। अगर आपने चेक करना है ना कि आपका फंक्शन बाइजेक्टिव या वन टू वन है या नहीं है, इसका एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अगर मुझे चेक करना है, एक फंक्शन होता है पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये बाइजेक्टिव है, आप खुद देख के बता सकते हो नहीं है, क्योंकि जब मैं एक इनपुट कर रहा हूंगा एक्स टू पे भी आंसर फोर मिलेगा, माइनस टू पे भी आंसर फोर मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन ग्राफ से भी बता सकते हो। आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, कोई भी ग्राफ है ना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है, ये बहुत आसानी से बता सकते हो। इसको आप कहते हो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो आपने क्या करना है, बस ग्राफ के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है इसका मतलब वो बाइजेक्टिव है, अगर एक पॉइंट में नहीं कर रही इसका मतलब वो बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव अच्छा वर्ड नहीं होगा, वन टू वन होगा, क्योंकि ऑन टू का चक्कर जो है ना वो उसी वक्त आएगा जब मैं आपको इसकी कोड डोमेन भी बताऊंगा, रेंज भी बताऊंगा, वो मैं भी बता नहीं रहा। तो दैट्स व्हाई मैं डिस्कशन सिर्फ वन टू वन की कर रहा हूँ, क्योंकि ऑन टू का कंडीशन वही है, कोड डोमेन आपको बतानी चाहिए। अभी मैंने कोड डोमेन जिक्र ही नहीं किया यहाँ पे, कोई मैंने कोई जिक्र किया इसका आउटपुट या कोड डोमेन या रेंज क्या है, कुछ भी जिक्र नहीं किया हुआ। तो दैट्स व्हाई नॉर्मली वन टू वन डिस्कस किया जाता है, लेकिन ये जो जुमला है ना कि सिर्फ वन टू वन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन होगा, जुमला गलत है। कंप्लीट जुमला क्या है कि बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स जो है ना वो फंक्शन होगा, लेकिन जब हम इधर बात करेंगे ना तो बाइजेक्टिव का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ऑन टू की कंडीशन कोई गिवन ही नहीं होगी, तो हम नॉर्मली वन टू वन के जिक्र कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपने चेक करना है कि वन टू वन है या नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ,
अगर वो एक पॉइंट पे क्रॉस कर रही है तो 1:1 है, अगर एक पॉइंट पे नहीं क्रॉस कर रही इसका मतलब 1:1 नहीं है, वो दो पॉइंट पे कर सकती है, वो तीन पॉइंट पे कर सकती है, ये चीज आप खुद यहाँ पे देख के बता सकते हो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाओ उस पर अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे इनफिनिट पॉइंट को क्रॉस करेगी वो, जरा बना के देखो पूरी यहाँ पे कितने पॉइंट्स को क्रॉस करती हुई जाएगी, रुका नहीं ये तो चल रहा है, इसी तरह ये भी चल रहा है, तो डेफिनेटली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कहीं से भी 1:1 फंक्शन है। अब अगर कोई 1:1 फंक्शन नहीं है और आपको उसका इनवर्स निकालना है और आप चाह रहे हो कि उसका इनवर्स फंक्शन है, तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डोमेन रिस्ट्रिक्शन। आप उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो देसी लैंग्वेज में कि आप ग्राफ को थोड़े से हिस्से पे डिस्कस करो बाकी पे मिटा दो। क्या मतलब, मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं कि ये पॉइंट जो है ना -90 वाला, मैं इसके बाद ना ग्राफ को डैश कर देता हूं। अब बाइजेक्टिव बनाते कैसे, मैंने बताया था कि आप डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दो, मतलब थोड़ी सी एक्स वैल्यूज पे आप ग्राफ को देखोगे। ठीक है, हमने क्या किया, मैंने -90 से लेके 90 तक इतना ग्राफ कंसीडर किया, बाकी जो भी ग्राफ था मैंने उसको हटा दिया। अगर आप देखो मैंने बाकी ग्राफ को डैश किया हुआ, इसका मतलब कि मैंने बाकी ग्राफ को हटा दिया। आप इसको मिटा भी सकते हो, यहाँ से खूबसूरती हो रही थी इसलिए मैंने डैश किया था यहाँ पे, आप इसको मिटा दो यहाँ से, 90 और -90 के दरमियान आप इसको कंसीडर करो, बाकी आप इसको मिटा दो। अब अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे, अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेगी। तो ये तरीका क्या होता है, अगर आपने किसी फंक्शन को 1:1 बनाना है तो आप क्या करो, आप उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, इतनी डोमेन उसकी रिस्ट्रिक्ट करो कि जब उस पे आप अगर लाइन बनाओगे हॉरिजॉन्टल तो वो एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही होगी। इसको हम कहते हैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके आपने किसी फंक्शन को 1:1 बना दिए। ये कहानी आई है समझ, इसमें कोई सवाल होना चाहिए, सवाल वैसे तो सवाल यहां पे नॉर्मली होता है कि सर आपने ई क्यों रिस्ट्रिक्ट किया, आगे भी तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा था, मतलब 90 से लेके 370 तक, इसको भी तो कंसीडर कर सकते थे। अगर आप 90 और 270 के दरमियान कंसीडर करोगे वो भी 1:1 होगा, लेकिन हमने ये वाला हिस्सा इसलिए कंसीडर किया है कि इसमें जो एंगल्स है ना वो बड़े मजे के एंगल्स हैं। देखो बचपन से हम कंफर्टेबल किन एंगल्स में होते हैं, 0 से लेके 90, बचपन से आपने 30-45 इनके दरमियान सारे एंगल हैंडल किए हैं ना, तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप इनके दरमियान ही इस फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करो। अगर आप इनके दरमियान रिस्ट्रिक्ट करोगे या -90 से लेके -270 तक रिस्ट्रिक्ट करोगे कोई भी आप लोगे, तो उसमें जो एंगल होंगे वो बहुत अजीब से होंगे, -100 -150 माइनस, फॉर एग्जाम्पल अगर इधर आप कंसिडर कर रहे होगे, और अगर आप इधर कंसिडर करोगे तो 100 150 200 250 टाइप के एंगल्स होंगे। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि ये वो जगह है जिसमें एंगल जो है वो काफी कंफर्टेबल है उनको सॉल्व करने में। दैट्स वाई साइन के ग्राफ की जब डोमेन रिस्ट्रिक्ट की जाती है ना तो -π/2 से लेके π/2 तक डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो ये 1:1 फंक्शन, ये मेन पॉइंट है जो आपको जहन में रखना है। तो आपका इसको आप बोलते हो प्रिंसिपल साइन फंक्शन। एक आपका होता है नॉर्मल साइन फंक्शन, सिंपल मैंने लिखा हुआ है y=sin x, ये नॉर्मल एक साइन फंक्शन है जिसके डोमेन आपके सब रियल नंबर्स होंगे। लेकिन ऐसा साइन फंक्शन जिसकी डोमेन को आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, उसके लिए हमने एक नाम रखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल साइन फंक्शन। और नॉर्मली कुछ बुक्स इस नोटेशन को फॉलो करते हैं, वो क्या कहते हैं कि s को कैपिटल कर दो, अगर s कैपिटल होगा इसका मतलब ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन की बात की जा रही है। अगर कोई नहीं भी कैपिटल कर रहा फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बोल रहा है कि प्रिंसिपल साइन फंक्शन है ये मैटर कर रहा हो। तो जब आप नॉर्मल साइन फंक्शन की तो डोमेन रेंज मैंने आपको बताई हुई थी, जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, कि इसकी डोमेन आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी कहां से लेके कहां तक, -90 से लेके 90 तक, तो उसको आप कैसे लिखोगे, -π/2 से लेके π/2 तक, जिसमें -90 भी शामिल है और 90 भी शामिल है, ये इसके डोमेन है। और रेंज में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी आपको यहां पे 1 मिलता था, नीचे -1 मिलता था, तो रेंज तो इसकी अभी भी वही है। मसला डोमेन के अंदर होता है, रेंज को तो हम छेड़ते भी नहीं है, रेंज वैसे की वैसी है। तो अगर आपसे सवाल में एमसीक्यू तो पूछा जाए कि प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन रेंज क्या है, ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, 1:1 फंक्शन नहीं था, हमने उसको 1:1 बना दिया। अब जब मैं इसके इनवर्स मालूम करूंगा ना, अब जो मेरे पास फंक्शन आएगा वो कहलाया जाएगा इनवर्स साइन फंक्शन, क्योंकि अगर मैं इसको 1:1 बना दूंगा तो जो इसका इनवर्स होगा वो भी फंक्शन कहलाया जाएगा, और उसको हम बोलेंगे इनवर्स साइन फंक्शन। ठीक है, जिसको लिखते किस तरीके से, इस तरीके से y=sin inverse x, ये रिप्रेजेंट करेगा इनवर्स साइन फंक्शन को। और अगर मैं बोल रहा हूं इनवर्स साइन फंक्शन, इसका मतलब मैं इससे इस पे नहीं आया, क्योंकि अगर मैं इससे आता इनवर्स पे तो ये फंक्शन नहीं होता, मैं यहां से यहां पे आया हूं, क्योंकि ये था प्रिंसिपल साइन फंक्शन जिसकी मैंने डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी।
अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स निकालूंगा तो ये चीज आएगी। और आप इस फंक्शन का इनवर्स निकाल भी सकते हो, जो मैंने तरीका बताया था, जैसे फंक्शन है ना y इज इक्वल टू साइन एक्स, इनवर्स कैसे निकालोगे, दोनों तरीके बताए थे, किसी भी तरीके से निकाल लो। लेट से आप x और y इंटरचेंज करो, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है इस बेसिक बात को याद रखना कि जब आप ऑपरेटर्स को हटाना चाह रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी नंबर को हटाना चाह रहे हो, 2x is equal to 1, आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो आप क्या करते थे, दोनों तरफ 2 डिवाइड करते थे, तो आपके पास x की वैल्यू आती थी। लेकिन अगर आपने ऑपरेटर को डिवाइड करना है तो ये कभी नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं होता ऑपरेटर के अंदर। क्या आपको वहां से y की वैल्यू निकालनी है, आप साइन से डिवाइड कर दो, साइन कोई चीज ही नहीं है। ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं होता जब तक कोई उसके सामने नंबर ना हो या कोई चीज ना हो जिसपे वो ऑपरेट हो, खाली ऑपरेटर की सेंस नहीं बनेगी। तो जब भी आपने ऑपरेटर को हटाना होता है तो आप उसका इनवर्स ऑपरेटर लाते हो। याद रखना इस बात को, जहन में बिठा लेना अपने, पता नहीं क्या बोलने लगा था। हाँ हाँ, इसके नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, और मैं भी बोल रहा होता आसानी के लिए, कि यहाँ पे साइन है वहां पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। ये वहां पे कुछ नहीं जा रहा, कोई कहीं भी नहीं जा रहा, सब अपनी जगह पे मौजूद है। तो ये मत कहना कि भाई एक चीज इधर है तो वो वहां पे जाएगी तो इनवर्स हो जाएगी, कोई कहीं नहीं जा रहा। असल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो है ना वो ये होता है कि अगर आपको यहाँ पे साइन हटाना है ना तो आप दोनों तरफ साइन का इनवर्स ले लो, आप यहाँ पे भी साइन का इनवर्स ले लो जिसको इनवर्स साइन कहते हैं, आप यहाँ पे भी इनवर्स साइन ले लो, ठीक है। ये साइन और इनवर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, पीछे बचेगा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है। तो अगर आपने, अब देखो मैंने कहां से इनवर्स निकाला, यहां से निकाला। अब जब मैंने यहां से निकाला तो मुझे पता है कि यार इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है। जब मैं इनवर्स निकालूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो इनवर्स फंक्शन होगा, इसके बारे में मजीद बताऊंगा। लेकिन बताओ यहां तक कहानी समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अगर आप नॉर्मल साइन का इनवर्स निकालते ना, जैसे ये वाला फंक्शन था, अगर आप इसका नॉर्मल इनवर्स निकालते तो आपको नजर आता कि वो फंक्शन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो मैं बात बताने लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास नोट कर लेना इस चीज को। दो किस्म की चीजें आपने पढ़ी हैं, एक आपने पढ़ा है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक आपने अभी पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दोनों का मतलब आपको आना चाहिए। क्या बात कह रहा हूं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनपुट क्या होता है, उसके इनपुट में आप एंगल पुट करते हो। याद रखना, कोई भी फंक्शन है, साइन के अंदर आप 30 डिग्री पुट करोगे, साइन के अंदर आप फॉर एग्जांपल 5 बाय 6 पुट करोगे, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप एंगल पुट करते हो। रिजल्ट में जो आपको मिलती है ना वो वैल्यू मिलती है, उसको रेशो भी आप कह सकते हो, क्योंकि साइन वो रेशो होता था ना, आप रेशो भी कह सकते हो। लेकिन अगर आप इनवर्स की बात करोगे तो ये आमतौर पर टीचर्स आसानी के लिए ना, या कोई गलती कर रहा होता है या कोई वैसी आसानी के लिए बोल देता है कि साइन इनवर्स के अंदर हमने क्या एंगल पुट करना है, एंगल बोल देते हैं। ये जुमला गलत है, साइन इनवर्स के अंदर आप एंगल नहीं पुट करते, साइन इनवर्स के अंदर आप वैल्यू या रेशियो पुट करते हो और ये आपको आउटपुट में एंगल देता है। अब इन चीजों में फर्क है, ये बहुत बेसिक सी बात है लेकिन फर्क पता होना चाहिए। जैसे अगर आप कैलकुलेटर में पुट करते हो साइन 30 डिग्री तो ये आंसर में आपको एक रेशो देगा, लेकिन अगर आप साइन इनवर्स के अंदर कुछ पुट करोगे ना तो कुछ एंगल पुट नहीं करोगे, आप वैल्यू पुट करोगे और ये रिजल्ट में आपको एंगल देगा। ये जरा मतलब समझ लो इन चीजों के, साइन के अंदर एंगल पुट किया, रिजल्ट में आपको एक रेशो मिला, इनवर्स के अंदर आप रेशो पुट करते हो और रिजल्ट में आपको एंगल मिलता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब आज उस टॉपिक के ऊपर, कि मैं बोल रहा था कि अगर आप ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे सिंपल इस फंक्शन का, अगर आप इनवर्स निकालोगे तो आप यहाँ पे एक मसला देखोगे। और मसला क्या है, लेट से मैंने आपके सामने ये इक्वेशन लिखी है साइन इनवर्स 1/2, मैंने इसका आंसर लिखा 30 डिग्री, लेकिन इसका आंसर सिर्फ 30 नहीं है। आप ये समझो कि साइन इनवर्स आपसे पूछ क्या रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपने मैथ अपनी अच्छी करनी है ना तो आपको सबसे पहले ये बात समझ आ जानी चाहिए कि इक्वेशन आपसे पूछ क्या रही है, मतलब आपने इक्वेशन से कॉन्वर्जेशन करनी है, बातें करनी है, कि इक्वेशन आपसे डिमांड क्या कर रही है, पहले उसकी डिमांड समझो तो उसके बाद पूरी करोगे। अगर इक्वेशन आपको बोल रही है या कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हुई साइन इनवर्स 1/2, ये आपसे क्या पूछ रही है, ये आपसे पूछना चाह रही है कि ऐसा एंगल बताओ जिसपे वैल्यू 1/2 थी। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, कि ऐसा एंगल बताओ जिसपे वैल्यू 1/2 थी। तो आप बोलोगे 30 डिग्री, कि यार साइन 30 डिग्री जो था वो 1/2 होता था। इसी तरीके से अगर मैं लिख रहा हूं कॉस इनवर्स 1/2, तो ये क्या मुझसे डिमांड कर रही है, मुझसे डिमांड ये कर रही है कि मैं इसको बताऊं ऐसा एंगल जिसपे कॉस क्या था 1/2, तो क्या होना चाहिए 60। एक्सीलेंट, 60।
इन चीजों का मतलब आपको आने चाहिए। तो बिल्फर्स इस वाली इक्वेशन को देखो, ऐसे किस एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 होती है, 30 पे भी होती है, लेकिन सिर्फ 30 पे तो नहीं है, 150 पे भी तो होती है। यकीन नहीं आ रहा, कैलकुलेटर में 150 डिग्री पुट करके देख लो, 1/2 मिलेगा। अच्छा सिर्फ 150 पे नहीं होती, 390 पे भी होती है, यकीन नहीं आ रहा कैलकुलेटर में पुट करके देख लो। अच्छा सिर्फ 390 पे नहीं होती, आप कैलकुलेटर में यहाँ पे 510 डिग्री पुट कर लो, उस पे भी साइन 1/2 होगा। ये मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये मैं बताना इसलिए ये चाह रहा हूँ कि अगर आप इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते ना, तो ये चीज फंक्शन नहीं बनती, क्योंकि आपने एक इनपुट किया, आपको पता नहीं इनफिनिट आउटपुट मिलेंगे। यही तो चीज मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपके फंक्शन 1:1 नहीं है, तो जब आप उसका इनवर्स निकालोगे तो आपको एक इनपुट में मल्टीपल आउटपुट मिल रहे होंगे, ये देखो सारे आउटपुट मिल रहे होंगे। लेकिन अगर आप उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, जैसे इसकी थी, अब मैं अगर इनवर्स मालूम करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए इनवर्स का आउटपुट कहां से लेके कहां तक होगा। एंगल थे -π/2 से लेके π/2, तो मुझे इसी के दरमियान ही कोई एंगल निकालना है, और इसके दरमियान कौन सा एंगल है, 30 डिग्री। बाकी जितने भी एंगल है देखो इसके अंदर नहीं है, 150, 390, 510 इसके अंदर नहीं आते, ये फायदा होता है। तो जब आप डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हो ना, अब आपको एक ही आंसर मिलता है। तो अगर आपको याद हो, कैलकुलेटर आपको एक ही आंसर देता है, क्योंकि कैलकुलेटर की एल्गोरिथम में इनवर्स फंक्शन है, वो आपको बाकी आंसर नहीं दे रहा हूं। और रही बात कि 150 क्यों नहीं दे रहा था, 30 उसने क्यों दिया, क्योंकि 150 इसके अंदर आते ही नहीं है। जिस जो रिस्ट्रिक्शन आपने लगाई है उसमें एंगल किसके अंदर है, -90 से लेकर 90 के दरमियान, तो आपको रिजल्ट में इनके दरमियान ही एंगल मिलेगा। तभी मैंने बोला था कि कैलकुलेटर में साइन इनवर्स के आंसर में कभी भी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल मिलेगा ही नहीं। हालांकि 150 आ सकता था, लेकिन कैलकुलेटर नहीं देगा। उसकी वजह आज आप लोगों ने पढ़ी है, कैलकुलेटर क्यों नहीं देगा, वो आपको इसी के दरमियान देगा, क्योंकि आपने डोमेन ही रिस्ट्रिक्ट की हुई है इन एंगल्स के दरमियान। तो साइन इनवर्स के केस में हमेशा आपको -90 से लेकर 90 के दरमियान एंगल मिलेगा, कुछ भी कर लो इसके बाहर आपको एंगल मिल ही नहीं सकता। यहां पे किसी को मसला, एक साइन का समझ लो, बाकी सब खुद ही समझ आ जाएंगे, सिर्फ एक केस सही तरह समझ लो। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूं, एक साथ एक टॉपिक बड़ा मुश्किल है, मैंने पहले ही बताया, पहली दफा में बहुत कम ही बच्चों को समझ आता है, तो मैं एक एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं ताकि आप लोगों को मसला ना हो। अगर इस स्टेप पे पहुंच गए तो अब आखिरी चीज जो इसकी डोमेन रेंज लिखनी होती है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फंक्शन की डोमेन होती है वो उसके इनवर्स की रेंज होती है, जो फंक्शन की रेंज है वो उसके इनवर्स की डोमेन होती है, उस वक्त जब आप फंक्शन को 1:1 करोगे। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन को 1:1 कर दिया ना, तो अब जो इस फंक्शन की डोमेन है वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो इनवर्स साइन की रेंज क्या होती है, इनवर्स साइन की रेंज होगी -π/2 से लेके π/2। इसी तरीके से जो इस फंक्शन की रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी, डोमेन क्या है, -1 से लेके 1। तो तभी अगर आप कैलकुलेटर में 1/2 पुट करोगे ना, तो आउटपुट में आपको एंगल मिलेगा। अभी मैंने बताया था इनवर्स के अंदर आप रेशियो पुट करते हो, रिजल्ट में एंगल मिलता है। तो अगर आप इसके अंदर 1/2 पुट करोगे, तो इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है -90 से लेके 90, आपको ये इनके दरमियान ही एंगल देगा। और -90 और 90 के दरमियान एक ही एंगल है जो इस बात को सेटिस्फाई करेगा, वो है 30 डिग्री। तो कैलकुलेटर आपको 30 डिग्री आंसर देगा। अब देखो चीजों को समझो, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने कॉलेज में सवाल पूछा था, बच्चे जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। आप कैलकुलेटर में पुट करते हो 210 डिग्री, -210 डिग्री, तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा -1/2। अब इक्वेशन आपको देखने में लग रहा है बैलेंस नहीं हो रही, मतलब अगर आप इसका रिवर्स करोगे, नॉर्मली बच्चों ने जुगाड़ याद रखी होती है ना, क्या मैं इनवर्स लेके जाऊंगा, इस तरह करते थे। तो बिल्फल अगर मैं साइन इनवर्स करूंगा -1/2, तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 210 डिग्री। असूली तौर पे जब साइन 210 -1/2 है, तो साइन इनवर्स -1/2 210 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 210 डिग्री मिलेगा ही नहीं। आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो, मिल ही नहीं सकता। आप क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि भाई 210 डिग्री इसकी रेंज में नहीं आता, ये कभी भी आपको 210 डिग्री नहीं देगा। तो ये आपको क्या देगा, मैं बताता हूं, अभी बताता हूं, 210 डिग्री कहां पे होता है, 210 ये 180 है ना, तो 210 तकरीबन यहां पे होगा, ये पूरा 210। कैलकुलेटर कभी भी आपको 210 नहीं देगा, हालांकि उसको देना चाहिए लेकिन वो नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो सिंपल ये कहेगा कि साइन जो है ना वो वाई वैल्यू होती है, जो 210 पे आपको ये वाई वैल्यू मिल रही है ना पूरी, सेम वाई वैल्यू की यहां पे भी मिल रही होगी, जितनी इसकी है ना वाई वैल्यू, सेम वाई वैल्यू उतनी मिल रही होगी। तो आपको क्या करेगा, आपको ये वाला एंगल दे देगा, ये कहेगा आपको वैल्यू से मतलब है ना भाई, इनवर्स के रिजल्ट में आपको कोई एंगल देना होता है, सॉरी एंगल से मतलब है, तो मैं आपको वो एंगल दूंगा जो मेरे मतलब का है। इसके मतलब का कौन सा एंगल है, जो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है। तो असूली तौर पे आपने देखा कि आंसर 210 डिग्री आना चाहिए था, लेकिन ये आपको 210 नहीं देगा, ये कहेगा वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में, मैंने आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल देना है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा यहां पे वाई वैल्यू वही है, यहां पे वही वाई वैल्यू, तो ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा,
और इसका आंसर आपको -30 डिग्री दे रहा होगा। क्यों? वजह मैंने बता दी, वजह यही है कि जब आपने इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी तो आपने इसके अंदर डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी, तो इनवर्स की जो रेंज है वो इसी के दरमियान है, तो आपको इसी के दरमियान आंसर मिलेगा। आप कुछ भी मेहनत कर लो, ये आपको यहाँ पे 210 डिग्री दे नहीं सकता। ये सब एंगल को या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फॉर एग्जांपल आपका कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है उसकी वाई वैल्यू, सेम एंगल यहाँ पे भी तो हो सकता है, सेम वाई वैल्यू आपको यहाँ पे भी मिल सकती है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई होगा ये आपको उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आएगा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले आएगा। हमेशा आपको फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सॉरी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपको दे रहा होगा, उसके अलावा नहीं देगा आपको कभी। ये मैंने एग्जांपल से भी आपको बता दी बात। अच्छा सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं देगा, फॉर एग्जांपल ये भी एक कंफ्यूजन हो सकती है, मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूं साइन 330 डिग्री, कैलकुलेटर देगा -1/2, हालांकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, तो सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं दे रहा ये, साइन भी बड़ा मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 करूं तो ये -30 दे रहा है। अब मुझे बताओ -30 और 330 में कोई फर्क नहीं है, ये कोटर्मिनल एंगल है। अगर आप इस तरह जाओगे तो -30 होगा, अगर आप इस तरह जाओगे तो 330 होगा, लेकिन फिर भी ये आपको -30 दे रहा है। अब जरा देखो, अगर आपको मैथ ना बताओ ना तो आपको आसानी से कोई कंफ्यूज कर सकता है कि यार सेम ही एंगल है दोनों, सेम एंगल है बिल्कुल, लेकिन कैलकुलेटर -30 क्यों दे रहा है, वो 330 क्यों नहीं दे रहा, बताओ मुझे वजह इसकी। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट होगे तो कहोगे रुको जरा सबर करो, इस वजह से कि जब आपने डोमेन रिस्ट्रिक की थी तो ये नेगेटिव वाला पार्ट आपने रखा था डोमेन के अंदर, तो अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव नहीं मिलेगा आपको, आपको नेगेटिव मिलेगा क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट करते हुए नेगेटिव वाले पार्ट को रखा था, तो ये आपको -30 देगा, 330 नहीं देगा। दोनों एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है लेकिन ये आपको नेगेटिव वाला दे रहा होगा क्योंकि यही इसकी डोमेन है, मतलब इनवर्स की रेंज में -30 आ रहा होगा। कंप्लीट टॉपिक इनवर्स का मैंने कंप्लीट करवा दिया, कोई सवाल कोई मसला है तो पूछ लो। नो सर, सर इसमें टेंजेंट इनवर्स का नहीं आया था? नहीं सब आएगा, रुक तो जाओ, सब बता दूं अभी से बता दूं सर, ये चीज समझ आ रही है। कंप्लीट हो गया, बोला साइन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसका टेबल होता है। MCQs में ना टोटल आपसे 36 वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। अभी 36 वैल्यूज कैसे आई, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज, कितनी वैल्यूज हो गई, 12 वैल्यूज हो गई। फिर आओ प्रिंसिपल साइन फंक्शन पे, 6 के 6 प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, 6 डोमेन प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, 6 रेंज प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, टोटल कितने हो गए 24। फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है, इनवर्स का, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज, तो टोटल 36 वैल्यूज हैं, सबके रट्टे मारोगे क्या, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो डोमेन रेंज मैंने बता दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक की, अभी प्रिंसिपल साइन की बता दी, इनवर्स साइन की बता दी। ये पूरा टेबल है जो आपकी बुक में बना हुआ होगा, मैं समझा रहा हूं, टेबल वहां से देख लेना, एक दफा चीज समझ आ जाए फिर तो मसला नहीं होता ना। यार मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा बात, ये एक पॉइंट है जो छोटा सा मैं बताना चाह रहा हूं, कैलकुलेटर से रिलेटेड ये पॉइंट है कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था अगर कैलकुलेटर आपका डिग्री के अंदर है ना तो आपको एंगल भी डिग्री के अंदर पुट करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेटर डिग्री के अंदर है और आप अपनी तरफ से रेडियन में पुट कर रहे हो आंसर गलत आएगा, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। डिग्री में है तो डिग्री में पुट करना, अगर रेडियन में पुट करना चाह रहे हो तो कैलकुलेटर को भी रेडियन में कर लेना। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही थी, इनवर्स पे जरा आओ, इनवर्स में आप वैल्यू पुट करते हो रिजल्ट में आपको एंगल मिलता है। तो लेट्स से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1/2, अच्छा यहाँ पे गलत नहीं आ सकता, कैलकुलेटर आपका डिग्री में हो रेडियन में हो आंसर गलत नहीं हो सकता, यहाँ पे आंसर गलत हो सकता था, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत है। यहाँ पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आपने कैलकुलेटर में पुट किया साइन इनवर्स 1/2, अगर कैलकुलेटर डिग्री के अंदर है तो आंसर आपको डिग्री के अंदर दे देगा 30 डिग्री, और अगर आपका कैलकुलेटर रेडियन के अंदर हुआ तो वो आपको आंसर दे देगा रेडियन के अंदर, गलत नहीं आपका होगा। अब आप अगर रेडियन में आंसर चाह रहे हो तो अपने कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट कर लेना, अगर आप डिग्री में आंसर चाह रहे हो तो कैलकुलेटर को डिग्री में करना। इस टाइप का कुछ कौन सा ग्राफ हुआ करता था, वैल्यूज पता हो, ये जीरो वैल्यू है, ये 90 है, ये आपको पाए है, ये जो है 3π/2 है 270, और यहाँ पे आपको 2π मिल रहा होता है। सेम नेगेटिव पे वैसे हम जाएंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन चाहो तो लेबल कर सकते हो -π/2 -π, यहाँ तक जाओगा। अब अगेन 1:1 फंक्शन नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देख लो भाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पता नहीं कितने पॉइंट को क्रॉस करेगी, 1:1 इसको बनाना है। अब 1:1 बनाने के लिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप लोग बताना कौन सा चूज करोगे। लेट्स से 1:1 बनाने के लिए जो हमने हिस्सा चूज करना है, ये हिस्सा भी हो सकता है,
यहां से लेके यहां तक, अगर आप इस फंक्शन को सिर्फ इतने हिस्से में देखो तो ये 1 to 1 है। तो माइनस पाए से लेके जीरो वाला हिस्सा आप चूज कर सकते हो, जीरो से लेके पाए तक का हिस्सा चूज कर सकते हो, ये दूसरा है। फिर पाए से लेके 2π तक हिस्सा कंसिडर कर सकते हो। ये मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, तो आप लोग क्या सिलेक्ट करोगे, कौन सा हिस्सा आप लोगों को पसंद है, क्या लग रहा है देखने में, हम क्या चूज करेंगे अगर हमारे ऊपर होता तो? जीरो से पाए, नेचुरल सी बात है भाई, जीरो से पाए को हैंडल करना बड़ा आसान है। जीरो से पाए तक 90 डिग्री तक तो वही एंगल है ना, फिर 150, 160 इनको भी हैंडल कर ही लेंगे हम। अब पाए से लेके 2π तक एंगल अजीब से होंगे, 250, 280, 330 मुश्किल है, और नेगेटिव के अंदर तो अगर बचो जितना उतना अच्छा है। तो दैट्स व्हाई कॉस के अंदर आप लोगों ने खुद मुझे जवाब दिए, तो मैं तो कोई नई चीज बता ही नहीं रहा। एक नेचुरल सी बात क्या है कि आप इस वाले हिस्से को कंसिडर करोगे, क्योंकि आपके लिए बड़ा आसान है इस हिस्से को पढ़ना, स्टडी करना हर चीज। तो इनवर्स कॉस के अंदर ना, ये जो प्रिंसिपल कॉस मैंने बताया ना, एक होता है सिंपल कॉस फंक्शन, एक है प्रिंसिपल कॉस फंक्शन जिसकी आपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। तो हम उसके डोमेन को कहां से लेके कहां तक करते हैं, जीरो से लेके पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब अगर आप इस फंक्शन को देखोगे तो ये 1 to 1 फंक्शन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रिंसिपल टेंजेंट, सॉरी प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन क्या है, तो आप बोलोगे सर डोमेन है जीरो से लेके पाई तक। आप जब जीरो से लेके पाई तक देखोगे, जिसमें जीरो भी शामिल है पाई भी शामिल है। अगर मैं आपसे पूछूं रेंज, रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी आपको 1 और -1 मिल रहा हो, ये तो अपनी जगह पे है। तो ये आपने इसकी रिस्ट्रिक्ट कर दी। अब जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, तो इनवर्स में मैंने बताया था इंटरचेंज हो जाती है। अगर मैं आपसे बोलूं इनवर्स कॉस फंक्शन जो है इसकी डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होगी, जो इसकी रेंज थी, और रेंज क्या होगी, जो उसकी डोमेन थी। लाइफ आपकी इजी। दो बातें यहां से देख लो, जैसे साइन फंक्शन बताया ना आप, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर में मुझे बताओ क्या मैं ये पुट कर सकता हूं या नहीं, क्यों नहीं कर सकता, या कर सकता हूं? नो सर, क्यों नहीं कर सकता, वजह? सर साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 तक होती है। एक्सीलेंट, मैं देखो सिंपल सी बात है, इसको वैसे भी समझो, इसका मतलब क्या है कि साइन किस एंगल पे 2 है, साइन के अंदर कुछ भी एंगल पुट कर दो 2 आंसर आता ही नहीं। तो ये नेचुरल सी बात है, साइन के अंदर 1 और -1 से छोटा बड़ा एंगल मिलते ही नहीं आपको। तो वैसे भी आप समझ सकते हो, या इस तरह भी समझ सकते हो, इसके डोमेन में 2 आ ही नहीं रहा तो आप पुट ही नहीं कर सकते। सेम चीज कॉस के अंदर भी है, कॉस के डोमेन में -1 से लेके 1 है, तो अब कॉस इनवर्स की, तो कॉस इनवर्स के अंदर आप कभी भी 1 से ग्रेटर कुछ पुट नहीं कर सकते, -1 से छोटा कुछ नहीं पुट कर सकते। ये बेस आपको कौन सा पता होना चाहिए, ठीक है। रेंज इसकी क्या होती है, 0 से लेके π। तो अब जब भी आप कैलकुलेटर में पुट करोगे ना, लेट से मैं यहाँ पे पुट करता हूँ कॉस इनवर्स -1/2। अगर आप कैलकुलेटर में अपने जाओ, कैलकुलेटर में आप यहाँ पे 120 डिग्री पुट करो तो भी आंसर आपको -1/2 मिलेगा। अगर आप कैलकुलेटर में 240 डिग्री पुट करो तब भी आंसर -1/2 मिलेगा। और भी बेतहाशा एंगल है जिसमें मिल रहा है, लेकिन जब आप कॉस इनवर्स -1/2 करते हो तो कैलकुलेटर देखता है कौन सा ऐसा एंगल है जो इसके रेंज के अंदर आता है, तो वो है 120 इस रेंज के अंदर आता है, 0 और 180 के दरमियान, 240 इस रेंज के अंदर नहीं आता। तो कैलकुलेटर हमेशा आपको यहाँ पे 120 डिग्री आंसर देगा। तो कॉस के केस में अगर आप कॉस इनवर्स के केस में एंगल देखो, 0 से लेके π है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल्स हैं, आपको हमेशा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल्स मिलेंगे, इससे बाहर आपको एंगल नहीं मिल रहा। आप कैलकुलेटर में कुछ भी पुट कर दो कॉस इनवर्स के केस में, इवन आपको कभी नेगेटिव एंगल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी रेंज ही 0 से लेके π है, कभी आपको नेगेटिव नहीं मिल रहा होगा, हमेशा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल मिलेगा या आपको सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल मिल रहा होगा। हालांकि आपको पता है कि लेट से अगर मैं यहां पे पुट करता हूं कॉस -30 डिग्री, तो कैलकुलेटर मुझे आंसर देगा √3/2। पुट करके देख लेना, तो अगर मैं कॉस इनवर्स √3/2 कर रहा हूं तो असली तौर पे मुझे -30 मिलना चाहिए, लेकिन आपको -30 नहीं मिलेगा, क्योंकि -30 की रेंज में नहीं आता। कैलकुलेटर क्या करेगा भाई, -30 ये होता है, आपको पता है कॉस एक्स वैल्यू होती थी, तो इस वाले की एक्स वैल्यू क्या होगी, ये एक्स वैल्यू होगी, क्या करेगा एग्जैक्ट ऊपर एक ऐसा एंगल बना देगा जिसकी सेम एक्स वैल्यू होगी। अगर आप इन देखो, इन दोनों एंगल की एक्स वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाला एंगल क्या होगा 30 डिग्री का। तो असली तौर पे -30 आना चाहिए था, लेकिन ये आपको 30 देगा, क्योंकि 30 में सेम आपको एक्स वैल्यू मिल रही है जो -30 की थी, और अच्छी बात क्या है कि ये इस रेंज के अंदर है, तो ये आपको हमेशा -30 नहीं देगा, हमेशा 30 दे रहा होगा। हालांकि अगर आप कैलकुलेटर में कॉस -30 पुट करो या कॉस 30 पुट करो, दोनों पे आपको √3/2 मिलता है, लेकिन इनवर्स पे जब आप √3/2 निकालोगे हमेशा 30 आंसर मिलेगा।
क्यों? रेंज के अंदर आता है। टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ आपको बेसिक सा पता होना चाहिए, तब आपको बातें समझ आएंगी। 90 पे आपको एसिम्प्टोट्स मिलता था, मैंने बताया था, इसी तरह माइनस 90 पे भी मिलता है। इसी तरह एक आपको इस तरह टेंजेंट मिलेगा, एक आपको इस तरह टेंजेंट मिलेगा। तो ये पूरा टेंजेंट का ग्राफ है। लेवलिंग आपको आनी चाहिए, जीरो है। 90 पे आपको एसिम्प्टोट मिलता था, एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था। ये 80 डिग्री है, इसी तरह ये माइनस 80 है, ये माइनस 90 है, ये सब लेवलिंग है टेंजेंट के ग्राफ की। कॉन्सेप्ट वही है कि आपने इसको 1:1 बनाना है। अभी 1:1 नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे इन्फिनिट पॉइंट को क्रॉस करेगी। अब हम कौन सा पीस चूज करेंगे? नेचुरली इसकी डोमेन वही होगी जैसे साइन की आपने की थी, कि माइनस 90 से लेकर 90 तक ये वाला जो पीस है ना, इसको हम चूज करेंगे। हम बाकी वाली पीसेस को क्या करेंगे? मिटा देंगे, इनको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे यार ये वाला पीस जो है ये काम का है, इसमें एंगल जो है बड़े मजे के हैं, इसी को हम चूज करेंगे। तो अगर आप मुझसे बोलो जो प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन है उसकी मैंने डोमेन क्या रखी, तो मैंने डोमेन रखी माइनस 90 से लेकर 90। बस एक चीज का फर्क है इसमें और साइन के अंदर। अगर आपको याद हो, साइन के अंदर माइनस 90 और 90 शामिल होता था, टेंजेंट के अंदर नहीं होता, क्योंकि आपको दिखने में लग रहा है यहां पे भी एसिम्प्टोट मिल रहा है, यहां पे भी एसिम्प्टोट मिल रहा है। ये टेंजेंट जो है ये कभी भी 90 से क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा उसको। ये एसिम्प्टोट की डेफिनेशन होती है, ये हमेशा माइनस 90 और 90 के पास होगा लेकिन कभी क्रॉस नहीं करेगा। दैट्स व्हाई टेंजेंट की डोमेन में माइनस 90 और 90 इंक्लूड नहीं होता, तभी मैंने यहां पे राउंड ब्रैकेट लगाई। अगर आप बात करो यहां पर रेंज की, तो रेंज आपको दिखने में लग रही है कि इसकी रेंज जो होती है वो सब रियल नंबर होती है, क्योंकि रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डोमेन स्टिक करो। रेंज तो वैसी रहेगी जैसे साइन कॉस की थी, तो टेंजेंट की रेंज जो है वो सब रियल नंबर होती थी, अभी भी सब रियल नंबर रहेगी। तो जब आप इनवर्स निकालोगे ना, इनवर्स की मैंने आपको बताया था उल्टा हो जाता है सब, क्या होगा? जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज थी, तो इसकी डोमेन रियल नंबर हो जाएगी। वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। आप कुछ भी एक्स यहां पे पुट कर सकते हो, डोमेन इसकी सब रियल नंबर है। रही बात रेंज, रेंज क्या होगी इसकी? जो उसकी डोमेन थी। तो आप टेंजेंट इनवर्स के अंदर कोई भी एक्स पुट कर सकते हो, कोई भी रियल एक्स आप पुट कर सकते हो, लेकिन जो आपको आंसर मिलेगा वो माइनस 90 और 90 के दरमियान मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल साइन इनवर्स वाला केस है, और साइन इनवर्स में आपको 90 और माइनस 90 मिल जाया करता था, यहां पे नहीं मिला करेगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट वही है जैसे साइन के अंदर आपको पहले क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता था, सेम ऐसी होगा। या तो पहले क्वाड्रेंट में मिलेगा जीरो से लेके 90, या जीरो से लेके माइनस 90, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मिल जाएगा। तो बेशक आप ये बोलते रहो कि अगर मैं टेंजेंट 135 निकालूंगा तो कैलकुलेटर आंसर मुझे माइनस 1 देगा, अगर मैं टेंजेंट इनवर्स माइनस 1 निकालूंगा तो कैलकुलेटर मुझे आंसर 135 नहीं देगा। हालांकि देना चाहिए था उसको, क्यों नहीं देगा? क्योंकि 135 इसकी रेंज में आता ही नहीं है, तो क्या करेगा? ये आपको यहां पे माइनस 45 दे रहा होगा। अच्छा, इस चीज को याद रखो, ये जो कॉस होता है ना, सबसे पहले साइन की बात करते हैं। साइन बेसिकली वाई वैल्यू होती थी, जो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है ना वाई वैल्यू, सेम आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगी। जैसे कोई भी एक एंगल है, लेट्स से हमने यूनिट सर्किल में पढ़ा था, कोई आप यहां पॉइंट पिक करो, ये एंगल है, इसी तरह कोई यहां पॉइंट पिक करो, एंगल देखो चेंज होगा, एंगल ये बड़ा है लेकिन हाइट आपको सेम नजर आएगी दोनों पॉइंट की। तो यहां से हमने देखा, और ये वाई वैल्यू क्या होती है? साइन होती है। यहां से हमने देखा कि अगर कोई आपका सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आ रहा है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट पे जो आपको वाई वैल्यू मिल रही है वही आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी मिल रही होगी। और ये आप चेक भी कर सकते हो, आप कैलकुलेटर में साइन 150 डिग्री पुट करो तब भी 1/2 आएगा, साइन 30 पुट करो तब भी 1/2 आएगा। तो कैलकुलेटर क्या करेगा? फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर में पुट करते हो साइन इनवर्स 1/2, तो कैलकुलेटर के पास ये दोनों ऑप्शन है कि वो किसी भी क्वाड्रेंट में दे सकता है, लेकिन वो आपको किस क्वाड्रेंट में देगा? वो हमेशा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज जो है ना वो 0 से लेके 90 और 0 से लेके माइनस 90 इसके दरमियान रहती है। तो तभी मैंने कहा था ऑप्शन दो होंगे, लेकिन कैलकुलेटर आपको वो वाला ऑप्शन दे रहा होगा जो उसके इनवर्स की रेंज होगी। इसी तरह अब कॉस के अंदर अगर आप देखो, जैसे साइन के अंदर साइन वाई वैल्यू होती है ना, सेम अगर आप कॉस का जिक्र करो, साइन के केस में आप इतना समझ लो कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको सेम वैल्यू मिलती है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको सेम वैल्यू मिलेगी। लेट से कोई एंगल यहां पे आपने बनाया हुआ है, कोई एंगल आपने यहां पे बनाया हुआ है, दोनों की वाई वैल्यू सेम होगी, वाई वैल्यू सेम ही होती है ना। आप इसको यहां पे एक पॉइंट होगा सेम वाई वैल्यू होगी, यहां पे एक पॉइंट होगा सेम। तो साइन जो है ना वो इस तरीके से सेम होता है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड फोर्थ, इनमें साइन फर्स्ट सेकंड में या तो सेम होगा, सेम वाई वैल्यू मिलेगी आपको, या थर्ड फोर्थ में आपको सेम वैल्यू मिल रही होगी। कॉस का अगर आप जिक्र करो ना, तो कॉस इस तरीके से होता है, या तो फर्स्ट फोर्थ में या सेकंड थर्ड में। क्यों? क्योंकि कॉस होता था एक्स वैल्यू। अगर आप देखो यहां पे आप कोई पॉइंट पिक करो, मैं इसके डायग्राम को थोड़ा चेंज करता हूं,
फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पे पॉइंट पिक करो या आपको यहां पे पॉइंट पिक करो, आप ऑब्जर्व करोगे कि इसकी भी एक्स वैल्यू यही है, ये जो एंगल आपका पूरा बना हुआ है इसकी भी एक्स वैल्यू यही है, और ये जो नीचे एंगल बना हुआ है इसकी भी एक्स वैल्यू यही है। तभी आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कैलकुलेटर में कॉस 30 पुट करो या कैलकुलेटर में कॉस माइनस 30 पुट करो, दोनों पे आपको रूट 3/2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक है फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेम एंगल है, डायरेक्शन का फर्क है ना, एंगल तो सेम ही है। तो कहने का मतलब आपको सेम एक्स वैल्यू मिल रही होगी कॉस के केस में, तो कॉस या तो फर्स्ट और फोर्थ में आपको सेम मिलेगा या सेकेंड और थर्ड में आपको सेम मिल रहा होगा। तो अब देखो आपको पता चल गया कि कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, जीरो से लेके पाए। अब कोई भी एंगल अगर आपका जीरो से लेके पाए का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, अब अगर कोई आपका थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होगा तो मैंने बताया था जो थर्ड में वही सेकंड में वैल्यू होगी, तो कैलकुलेटर आपको सेकंड में उठा के दे देगा। अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कैलकुलेटर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे देगा। इसका बहुत अच्छी बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई थी कि फॉर एग्जाम्पल आप ये जो कॉस माइनस 30 है आपको पता है इस पे वैल्यू रूट 3/2 होती है, तो जब आप कॉस इनवर्स रूट 3/2 करोगे तो आपको माइनस 30 मिलना चाहिए था, लेकिन माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस इनवर्स क्या करेगा उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले आएगा, तो माइनस 30 की एग्जैक्ट वही वैल्यू होगी जो 30 की होगी, तो कैलकुलेटर आपको माइनस 30 नहीं 30 देगा। ये बातें छोटी छोटी मैं आप लोगों को बता रहा था, ये पूरा टॉपिक समझा मैं आपको क्या रहा हूं कि कैलकुलेटर में आप साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी पुट करो आंसर आपको फर्स्ट फोर्थ में मिलेगा, आप कुछ भी कर लो आपको सेकंड थर्ड में नहीं मिल सकता एंगल। इसी तरीके से आप कैलकुलेटर में कॉस इनवर्स पुट करोगे तो हमेशा जीरो से लेके 180 के दरमियान एंगल मिलेगा, ऐसा कभी नहीं आप देखोगे कॉस इनवर्स का आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि जीरो से लेके पाई में सारे एंगल पॉजिटिव है, नेगेटिव एंगल आ ही नहीं सकते कॉस इनवर्स के केस में, जबकि साइन इनवर्स के केस में आ सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या थी, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, मतलब माइनस 90 से लेके 90, इसमें नेगेटिव आ सकते हैं। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स की भी अगर आप रेंज कहो तो माइनस 90 से लेके 90 है, बस थोड़ा बहुत फर्क है, इसमें 90 और माइनस 90 शामिल थे, इसमें शामिल नहीं है क्योंकि मैंने बताया था ये एसिम्प्टोट्स आपको मिल रहे होते हैं टेंजेंट के अंदर। ये जैसे मैंने आप लोगों को साइन और कॉस के से बताया था ना कि साइन की फर्स्ट सेकंड में सेम वैल्यू मिल सकती है, थर्ड फोर्थ में सेम मिल सकती है, कॉस को या तो फर्स्ट फोर्थ में सेम मिलेगी या सेकंड थर्ड में सेम मिलेगी। टेंजेंट के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, याद रखो टेंजेंट के केस में लेट से अगर आप कैलकुलेटर में 45 डिग्री पुट करते हो टेंजेंट के केस में तो आपको आंसर 1 मिल रहा होता है, क्या ये 1 किसी और एंगल पे भी आपको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करता ना तो मैं क्या कहता कि एग्जैक्ट 45 डिग्री का यहाँ पे एक रेफरेंस एंगल बना दो, क्योंकि साइन फर्स्ट और सेकंड में सेम होता है, तो जो साइन की इस पे मिल रही होगी वही साइन की इस पूरे पे मिल रही होगी अगर ये साइन होता। अच्छा अगर ये कॉस होता और मुझसे सवाल पूछा जाता कि यार कोई और एंगल है, मतलब 0 और 360 के दरमियान की बात कर रहा हूं मैं अभी, कि कोई और एंगल है जिसपे सेम एक्स वैल्यू होगी जो 45 पे, तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल है, क्या करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाते हैं, जो इस एंगल की ये भी माइनस 45 होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो इसकी एक्स वैल्यू है मतलब कॉस वैल्यू है सेम आपको माइनस 45 की मिलेगी, तो साइन कॉस का तो हमने देख लिया। टेंजेंट के केस में क्या होगा, क्या आपको इस तरह मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, थोड़ी बताने लगा हूं कि लेट से आपके पास 45 डिग्री है, आपको पता है टेंजेंट 45 पे 1 होता है, ये आपको दोबारा कहां पे मिलेगा? जस्ट आप क्या करो इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दो, ये आपको बेसिक मैंने ज्योमेट्री के अंदर बताया था कि अगर ये 45 एंगल है तो ये भी 45 होगा, तो ऑल टुगेदर अगर बात की जाए तो ये पूरा एंगल यहां तक क्या हो जाएगा 225 डिग्री, यहां तक 180 है, 180 प्लस 45 225 डिग्री। तो अगर आप कैलकुलेटर में टेंजेंट 225 डिग्री पुट करो या टेंजेंट 45 पुट करो, दोनों पे आपको आंसर 1 मिलेगा। तो टेंजेंट में आपको क्या करना होता है, जो एक एंगल मिल गया आप उस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दो, जो दूसरा एंगल मिलेगा उस पे भी टेंजेंट की वही वैल्यू होगी। इसी तरह या तो फर्स्ट और थर्ड में टेंजेंट सेम होगा, या फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लो आपका एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है, लेट से मैं यहां पर डिस्कस करता हूं 135 डिग्री है, कैलकुलेटर आपको टेंजेंट 135 का आंसर देगा माइनस 1। अब दूसरा माइनस 1 कहां पे मिल सकता है आपको, इस लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दो इस तरीके से, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा माइनस 45 अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे इस तरीके से पूरा तो ये तकरीबन होगा 315। दोनों पे चेक कर सकते हो, कोट एमिनल एंगल है आपकी मर्जी है, आप कैलकुलेटर में टेंजेंट 315 डिग्री पुट करो या कैलकुलेटर में टेंजेंट माइनस 45 पुट करो, दोनों केसेस में आपको पता चलेगा आंसर माइनस होना। ये कॉन्सेप्ट है, रट्टा नहीं है, कुछ भी नहीं, याद नहीं रखना, मैंने कुछ याद नहीं रखा हुआ, जस्ट मुझे पता है कि जो मुझे एंगल मिलता है टेंजेंट के केस में उसको पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, सेम आंसर मुझे मिलेगा। तो जैसे
साइन में आप इस तरीके से जा रहे थे या नीचे जा रहे होगे दोनों क्वाड्रेंट में, कॉस में आप इस तरीके से जा रहे थे या इस तरीके से जा रहे थे, टेंजेंट के केस में आप बिल्कुल डायगोनली जा रहे होते हो, या तो फर्स्ट थर्ड में सेम मिलेगा या सेकंड फोर्थ में आपको सेम मिलेगा। ये वो बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं काम आएंगी, क्योंकि खासतौर पर जब अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, उसमें तो जरूर ये काम आएंगी, और अगर अभी काम नहीं आ रही सेकंड ईयर में कहीं ना कहीं काम आएंगी। ये जो टॉपिक मैंने बताया ना आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो सेकंड ईयर आप लोग कर आयो, सिंध बोर्ड में एक सवाल था एक्सरसाइज 2.4 के अंदर, जहां पे दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालते थे आप, वहां पे देखना एक दफा जब आप एंगल निकाल रहे थे ना तो कैलकुलेटर से आपको एंगल मिल रहा था -45 डिग्री, जबकि मैं वहां पे आंसर क्या लिखवाता था कि -45 सही आंसर नहीं है, अच्छा आंसर क्या होगा 135। तो वो लॉजिक कहां से मैं लाता था, वो लॉजिक यहां से लाता था, क्योंकि अगर मुझे कैलकुलेटर -45 देगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा -45 को ड्रॉ करूंगा, क्योंकि हम एंगल को पॉजिटिव रखते थे, वहां टॉपिक की डिमांड ऐसी थी कि एंगल पॉजिटिव होंगे नेगेटिव नहीं होंगे वहां पे, वरना मजा नहीं आएगा, बात तो एक ही होगी लेकिन फिर मजा नहीं आ रहा होगा चीज का। तो अब मुझे कॉन्सेप्ट पता था कि यार ये -45 है, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है, तो क्या कोई ऐसा पॉजिटिव एंगल होगा जिसपे जो इस पे मुझे वैल्यू मिल रही है उस पे भी वही मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा सिंपल इसको पीछे एक्सटेंड कर दूंगा। तो अगर ये 45 है, बेसिक ज्योमेट्री मुझे कहती है अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ऑल टुगेदर ये कितना हो जाएगा 135, क्योंकि 135 45 180 होता है। तो दैट्स व्हाई मैं बच्चों को क्या बोला करता था, वहां पे मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताता था, या शायद मैं लाइन एक्सटेंड करने का बता देता हूंगा, वहां मैंने क्या बोला था कि अगर नेगेटिव एंगल आ रहा है टेंजेंट के केस में तो उसके अंदर 180 ऐड कर दो, आप -45 में 180 ऐड करोगे तो 135 आ रहा होगा। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा था। तो ट्रिग्नोमेट्री वो चीज है जो हर टॉपिक में थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं आ जाएगी, कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आसानी से कर पाओगे, वरना रट्टा मारना पड़ेगा। मेन चीज आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए जो मैंने लिखवाए थे, ठीक है, कॉट के केस में। अब ये अगर आपको याद नहीं है इसका मैं कोई हल तो नहीं निकाल सकता, लेकिन याद कर लो तो बेहतर है। ये जीरो होता है, ये कॉट के केस में पाई बाय टू होता है, एसिम्प्टोट आपको पाई पे मिलता है। एसिम्प्टोट्स मैंने बताया था कि जब आप कैलकुलेटर में पुट करो और अनडिफाइंड आपके पास आंसर आ जाए। लेट्स से अगर मैं आपको बोलता हूं आप मुझे वैल्यू निकाल के दो कॉट पाई की, कैलकुलेटर में कॉट का बटन तो नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे, आप कैलकुलेटर में जाओगे और लिखोगे 1/tan π, बराबर ही होंगे। टेंजेंट पाई आपको पता है जीरो होता है और 1/0 अनडिफाइंड, तो कैलकुलेटर आपको एरर दे रहा होगा जब आप 1/tan π करोगे। अच्छा खैर इस बात को मैं कंप्लीट कर लेता हूं। तो कैलकुलेटर जब आपको एरर दे रहा होगा तो समझ जाना इसका मतलब यहां पे एसिम्प्टोट आपको मिल रहा होगा, तो पाई पे आपको एक एसिम्प्टोट मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहां पे कॉट जीरो भी निकालना चाहो तो कैलकुलेटर में जब 1/tan0 पुट करोगे एरर आ जाएगा, समझ जाना एक आपको जीरो पे भी एसिम्प्टोट मिल रहा है जो बेसिकली वाई एक्सिस है। इसी तरीके से आप यहां पे बेशक 2π पुट कर दो 360 तब भी आपको मिल रहा होगा। तो ये सब बातें जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। यहां पे मैं एक सवाल का जवाब देता हूं। मैं कॉलेज गया था, वहां जब मैंने एक सवाल पूछा बच्चों से कि मैथ एरर कब आता है, बल्कि कोई सवाल चल रहा था, तो वो कह रहे थे कि सर मैथ एरर उस वक्त आता है जब आपके पास इन्फिनिटी आंसर आ रहा होता है। एक तो ये जहन से निकाल दो, ये बहुत बड़ी गलती है जो मेजोरिटी टीचर्स कर रहे होते हैं, और उन्हीं में से फिर बच्चे भी, मतलब ये बच्चों ने खुद तो नहीं पढ़ा ना, कोई बताता है उनको, तो मेजोरिटी ये गलती कर रहे होते हैं कि वो हमेशा टेंजेंट 90 को बोलेंगे इन्फिनिटी है, या 1/0 आ रहा होगा वो बोलेंगे इन्फिनिटी है। ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है जो कि फिर बच्चों में चलता रहता है, उनको जब भी बोलो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। हालांकि करेक्ट तरीका क्या होता है, 1/0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है, आप उसको किसी नंबर या इन्फिनिटी नंबर नहीं है ना जो आप बोलोगे 1/0 इन्फिनिटी के बराबर है, तो नंबर नहीं है ये तो लिमिट के अंदर आपने पढ़ा था कि 1/0 की लिमिट निकालोगे तो वो इन्फिनिटी आ रहा होगा, अभी लिमिट का तो कोई सीन ही नहीं है, तो अच्छा वर्ड क्या है अनडिफाइंड आप बोलते हो। तो मैंने जब उन बच्चों ने सवाल पूछा वो कहते हैं मैथ एरर उस वक्त आता है जब इन्फिनिटी आता है, तो मैंने उनको बोला चलो इन्फिनिटी भी तो बाद में आते हैं, मैं तुम लोगों का मतलब समझ गया हूँ, तुम लोग ये कहना चाह रहे हो कि 1/0 पे मैथ एरर आता है, कहते हैं। तो उनका मैंने जवाब दे दिया कि सिर्फ 1/0 पे मैथ एरर नहीं आता, अगर आप कैलकुलेटर में ये वाली चीज भी पुट करोगे ना तो कैलकुलेटर मैथ एरर ही आपको देगा। कैलकुलेटर में दो किस्म के एरर आते हैं, एक होता है सिंटेक्स एरर, एक होता है मैथ एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब होता है आपने कोई मिस्टेक की है, ब्रैकेट नहीं लगाई या कुछ ना कुछ, प्लस के साथ आगे कुछ लिखा नहीं है, जबकि मैथ एरर का मतलब होता है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में आपने मिस्टेक की है। जैसे 1/0 आप निकाल रहे हो, मतलब टेंजेंट 1/0 निकाल रहे हो, अब 1/0 का तो आंसर ही नहीं है, तो कैलकुलेटर दे देगा मैथ एरर। इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेटर में साइन इनवर्स 2 पुट करोगे इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन का मतलब है कि साइन किस एंगल पे 2 है, साइन कभी 2 ही नहीं होता,
तो कैलकुलेटर आपको कोई एंगल इसका मतलब कोई पॉसिबल ही नहीं है इसका यहाँ पे, तो कैलकुलेटर एरर दे देगा आपको। तो रट्टा नहीं मारना कि भाई मैथ एरर का मतलब होता है कि बस अगर अनडिफाइंड फॉर्म आएगी तभी मैथ एरर होगा, ऐसा नहीं होता। कोई और पॉसिबिलिटीज भी होते हैं जिसपे आपको मैथ एरर मिल रहा होता है। ये मेरे जहन में बात आ गई थी तो मैंने कहा ये भी चलो बता दो। खैर अब आ जाओ क्वाड के ग्राफ के ऊपर। अगेन मसला वही है कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो वो इन्फिनिट पॉइंट को क्रॉस करती हुई जा रही होगी, ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। बेस्ट जो आपको नजर आ रहा है ना, आप ये वाला पीस यूज कर सकते हो पूरा, लेकिन यहाँ पे एंगल होंगे माइनस पाई से लेके जीरो, मतलब माइनस 180 से लेके जीरो, सारे नेगेटिव एंगल होंगे। क्यों नेगेटिव में पढ़ रहे हो? ये वाला पीस यूज कर लिया तो सारे एंगल होंगे 180 से लेके 360 तक, इतने अजीब अजीब एंगल होंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप इस वाले कॉट के ग्राफ को कंसिडर करो जीरो से लेके पाई तक, बाकियों को आप क्या करोगे यहां से हटा दोगे। अब अगर आप जस्ट इस वाले पीस को देखो तो अब ये वन टू वन फंक्शन है। अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो वो एक एक पॉइंट भी क्रॉस कर रही होगी। आपने कॉट को वन टू वन बना दिया, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल कॉट फंक्शन। ठीक है, अब रही बात इसकी डोमेन रेंज क्या होगी, तो कोई मसला नहीं अभी निकाल देते हैं। अगर आप डोमेन देखो तो आपको नजर आ रहा है जीरो से लेके फाइव, लेकिन जीरो भी शामिल नहीं है फाइव भी शामिल नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, राउंड ब्रैकेट लगाओगे जीरो से लेके पाए। अगर मैं आपसे रेंज पूछूं तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ा, हम सब काम डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लगा रहे होते हैं, रेंज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते। रेंज पहले भी वो सब रियल थी, इसमें भी सब रियल है, पॉजिटिव नेगेटिव सब आंसर मिलेगा, रेंज में कोई मसला नहीं। तो अब ये प्रिंसिपल कॉट फंक्शन है, अब ये वन टू वन हो गया। अब जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो अब क्या होगा, जो इसकी डोमेन थी वो इसके इनवर्स की रेंज बन जाएगी, और जो इसकी रेंज थी वो इसके इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। तो ये हो गया इनवर्स कॉट फंक्शन, ये डोमेन रेंज है। अब इससे आपने सीखा क्या, इससे आपने ये सीखा कि सबसे पहले तो ये बेसिक बात आपने सीखी थी, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की डोमेन जो थी ना वो माइनस वन से लेके वन होती थी। और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर आप वन से ग्रेटर कुछ पुट नहीं कर सकते थे, माइनस वन से छोटा कुछ पुट नहीं कर सकते। जबकि कॉट इनवर्स इसी तरीके से टेंजेंट इनवर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इनकी डोमेन रियल नंबर है। आप टेंजेंट इनवर्स के अंदर कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी यहां पे पुट कर लो, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। इसी तरीके से आप कॉट इनवर्स के अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आपको आंसर मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो आंसर मिलेगा कॉट के केस में जीरो से लेके पाई तक मिलेगा। अगर आपको याद हो इसकी रेंज जो है ना वो कॉस से मिलती जुलती है। कॉस की रेंज क्या होती थी, कॉस इनवर्स की, जीरो से लेके पाई, जिसमें जीरो पाई शामिल था, इसमें जीरो और पाई शामिल नहीं है। तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, साइन इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स एक जैसे, मैं याद करने की टेक्निक बता रहा हूं। साइन इनवर्स की या टेंजेंट इनवर्स की आप रेंज देखोगे ना, तो रेंज इनकी साइन इनवर्स की है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, और टेंजेंट इनवर्स की है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, बस ब्रैकेट का फर्क है। इसी तरीके से आप कॉस इनवर्स की रेंज देखो जीरो से लेके पाई, और अगर आप कॉट इनवर्स की देखो तो ब्रैकेट का फर्क है, बाकी एग्जैक्ट वही है। तो याद करने में आपको फायदा हो जाएगा। इसी तरह सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स जो है उनकी भी सिमिलर होगी, याद करने में इस तरह आसानी होगी आप लोगों को। खैर तो अगेन वही बात है, कॉट इनवर्स के अंदर जो भी एंगल मिलेगा आपको वो जीरो से लेके पाए तक मिलेगा, कोई इसमें झगड़ने की बात नहीं है। अब से आप लोगों का मसला स्टार्ट है, लेकिन ये मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। वो वजह ये कि कैलकुलेटर में ना कॉट इनवर्स का बटन है, ना सेक इनवर्स का बटन है, ना कोसेक इनवर्स का बटन है। मेरा एक सवाल है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि लेट्स से मुझे मालूम करना हो कॉट इनवर्स रूट थ्री, तो मैं कैलकुलेटर में कैसे इसकी वैल्यू निकालूंगा, किसी को पता है? 1/10 करके आप निकाल सकते हैं सर, अपना साइन इनवर्स का तो बटन है ना। एक सेकंड, पहले एक स्टूडेंट को, मतलब आपके मुताबिक ये कर लूं ना मैं, यही जवाब दिए ना आपने, जवाब देके शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा दूसरे स्टूडेंट ने क्या बोला सर, कॉट इन टेन इनवर्स करें और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर दें। तुमने तो मेरी वीडियो देखी भी है ना। अच्छा तो यही काम करना है अभी, ये मैं आप लोगों को बाद में भी बताऊंगा कि ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो बच्चों के जहन में होता है। क्या छोड़ो उस बात को, नहीं डिस्कस करते। होता यह है कि हमने पढ़ा हुआ होता है कॉट बराबर होता है 1/tan के, सेक बराबर होता है 1/cos के, तो हम समझते हैं इनवर्स के अंदर भी यही होता है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है आपकी। रीजन ये है सिंपल सी कि जो कॉट है, जो सेक है, जो कोसेक है, इनको हमने डिफाइन ये किया था कि रेसिप्रोकल है साइन कॉस टेंजेंट के,
मतलब 1 अपॉन sin cos x होगा, 1 अपॉन cos x होगा, 1 अपॉन tan cot होगा, ये हमने डिफाइन किया हुआ था। जबकि ये कहां पे लिखा हुआ है कि cot इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन tan इनवर्स के, ये हमने कहीं डिफाइन नहीं किया कि tan इनवर्स का रेसिप्रोकल जो है वो cot इनवर्स होगा। ये तो कॉन्सेप्ट ही टोटली डिफरेंट है, एक बात। दूसरी बात, अगर आप ये काम करोगे इसका मतलब आप 1 डिवाइडेड बाय एंगल कर रहे होगे। ये काम आपने कब किया है कि 1 को डिवाइड कर दो एंगल से, ये एंगल आएगा। जबकि वो अगर आप इसको लिखते ना cot इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट, उसमें ये सीन नहीं होता था। cot भी रेशो है, टेंजेंट भी रेशो है, सेम चीजें हुआ करती थी। तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो, मसला तो नहीं है 1 डिवाइड बाय कोई भी रेशो कोई भी वैल्यू। लेकिन यहां पे आप 1 डिवाइडेड बाय एंगल कर रहे हो। उसके रिजल्ट में फॉर एग्जांपल tan इनवर्स रूट 3 जो है ना वो 60 डिग्री होता है। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं बनेगी इसके। तो ये तो दूसरी तरीके से मैंने बता दिया। और इसका मजीद एक प्रूफ भी होता है कि मैं इस वाले स्टेज से यहां पे नहीं जाऊंगा, इस वाले स्टेज से मैं यहां पे आऊंगा। अगर मुझे करेक्ट देखना है ना कि cot इनवर्स किसके बराबर होता है, तो छोटा सा इसका प्रूफ है जो बराबर होगा tan इनवर्स के, जो ये पूरी बात एक स्टूडेंट ने बताई है। तो ये वो टॉपिक है जो मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूं। मैं ग्राफ वाला पोर्शन पूरा पढ़ा दूं, फिर एक छोटे छोटे मसले हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कशन करनी, ठीक है। एक और चीज जो मेरे ध्यान में आ गई कि स्टूडेंट का आमतौर पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि साइन इनवर्स एक्स जो है ये बराबर होता है 1 अपॉन साइन एक्स के। ये आमतौर पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट का होता है। तो याद रखो ये जो माइनस वन है ये पावर नहीं है यहाँ पे। माइनस वन हमेशा इनवर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ऑपरेटर्स मैंने बताया था मैथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों को ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए हमेशा। आपने जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक में, जब भी मैथ के अंदर लॉग आपने यूज किया होगा, तो जब भी कोई स्टूडेंट बताए, ताकि मैं उसी की गवाही ले लेता हूं, कि जब भी आप लॉग लेने लगते थे तो आप इंग्लिश में क्या जुमला लिखा करते थे ऊपर, किसी को याद है? तो मैंने लॉग लेना है नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ, तो मैं क्या जुमला ऊपर लिखा करता था, किसी को याद है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम लिखा करते थे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, या हम ये लिख सकते थे अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। कभी आपने सोचा है कि हमने ये नहीं लिखा कि मल्टीप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड? अच्छा, गलती में आमतौर पर ये भी लोग बोल रहे होते हैं कि लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, सेंस नहीं बनती इन बात की। जैसे गलती में सब लोग ये बोल रहे होते हैं cot इनवर्स के अंदर क्या एंगल पुट करना है, cot इनवर्स के अंदर एंगल नहीं पुट किया जाएगा, cot इनवर्स के अंदर वैल्यू पुट की जाएगी, रिजल्ट में एंगल मिलेगा। तो ये वो गलत चीजें हैं जो बच्चे पिक कर लेते हैं और पूरी जिंदगी फिर वो गलत ही बोलते रहते हैं। फिर जब वो टीचर बनेंगे वो भी गलत बोल रहे होंगे, तो ये पूरी चेन चलती रहती है। तो करेक्ट जुमला क्या होता था, हम बोलते थे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्यों बोला करते थे? क्योंकि ऑपरेटर्स कभी मल्टीप्लाई नहीं होते, ऑपरेटर्स हमेशा अप्लाई किए जाते हैं, हमेशा अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। जैसे इस वाले केस के अंदर है, आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मैंने साइन को मल्टीप्लाई किया एक्स से, हमेशा बोलोगे मैंने एक्स का साइन लिया है, जिसको इंग्लिश में बोलोगे टेकिंग साइन या अप्लाइंग साइन, ठीक है, ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए। तो सेम यही चीज है, ये जो माइनस वन है यहां पर कोई पावर नहीं है, ये साइन माइनस वन ये पूरा एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर की एक नोटेशन है सिंपल। ये माइनस वन पावर नहीं है यहां पे, इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे साइन ऑपरेटर है एक, इसी तरीके से साइन इनवर्स ऑपरेटर है। तभी कुछ बुक्स में आपको, आपकी बुक्स में मिलेगा कि इसको इस तरीके से लिखा होगा। दोनों मेथड ठीक है, आपके पास साइन के ऊपर माइनस वन लिखा जाए ये भी इनवर्स साइन को रिप्रेजेंट करेगा, या आपके सामने लिखा जाए आर्क साइन ये भी इनवर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर का खाली कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसको इनपुट नहीं देते। अब अगर मैं इसके सामने एक्स लिखूंगा, अब इसका मतलब बनेगा साइन इनवर्स एक्स, जो भी एक्स है उसका साइन इनवर्स निकालो। इसी तरीके से यहां पे आर्क साइन एक्स, इसका मतलब एक्स का अगेन वही इनवर्स साइन आपको निकालना है। तो याद रखो जो माइनस वन है ये कोई पावर नहीं है, तो आपने इस पर कोई पावर की प्रॉपर्टी नहीं लगानी कि डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, या कुछ इस तरह भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी पावर टू आ जाए तो स्टूडेंट ये कर देंगे गलती से कि अलजबरा का रूल है पावर्स मल्टीप्लाई होती है, वो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, या वो क्या कहेंगे माइनस वन पावर को बाहर लिख दो, माइनस टू बाहर लिख दो। तो ये सब चीजें गलत हैं, ये कॉन्सेप्ट की खराबी है, याद रखो। तभी इनवर्स, जब मैंने आप लोगों को कल की क्लास से बताया था, तो इनवर्स अगर नॉर्मल फंक्शन को इस तरह लिखते हो ना, तो इनवर्स को इस तरह लिखते हो, तो क्या ये माइनस वन पावर है? नहीं, जब भी इनवर्स लिया जाता है ये माइनस वन उसकी नोटेशन होती है, या आप आगे लेवल तक यूज करते जाओगे। जब भी कोई नया ऑपरेटर पढ़ोगे उसका इनवर्स में हमेशा ही नोटेशन होती है कि उसके ऊपर आप माइनस वन लगा देते, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। सीकेंट का अगेन आपको ग्राफ पहले पता होना चाहिए, जरा ग्राफ बना लेते हैं हम।
अगेन आपको बाकी चारों ग्राफ में ना एसिम्प्टोट्स मिलते हैं, साइन कॉस में आपको एसिम्प्टोट्स नहीं मिला करते थे। अब सेक क्या होता था, वन अपॉन कॉस, जहां पे कॉस जीरो है ना वहां पे आपको एसिम्प्टोट मिलेगा। अब कॉस जीरो कहां पे होता था, 90 पे, 270 पे, इसी तरह माइनस 90 पे, तो इन सब पे आपको एसिम्प्टोट मिलेंगे। तो मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊंगा, एज्यूम कर लो ये पॉइंट 90 है, यहाँ पे आपको ना एक एसिम्प्टोट मिल रहा है, ये 90 है, इसी तरीके से ये माइनस 90 है, इसी तरीके से ये जो है ये तकरीबन 270 होगा। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और एज्यूम कर लो ये वैल्यू 1 है, तो इस तरीके से आपका एक सेक का ग्राफ बनता है। एक आपको ऊपर मिलता है, एज्यूम कर लो ये वैल्यू माइनस 1 है, एक आपको सेक इस तरीके से मिलता है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे आपको नीचे एक मिलेगा, अगेन दोबारा मिलेगा इस तरीके से, सेम यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये सब ये सैक का पूरा ग्राफ होता है। तो आप याद अगर भूल जाओ, क्योंकि सैक और कोसैक के ग्राफ काफी मिक्स करते हैं, सेम ही शेप होती है, बस सैक और कोसैक में फर्क क्या होता है कि सैक में आपको एसिम्प्टोट 90 पे, 270 पे इस पे मिलता है, जबकि कोसैक में आपको 0, 180, 360 पे मिल रहा होता है। ये थोड़ा बहुत फर्क है। तो लेबलिंग करते हैं, ये तो 0 है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू माइनस 1 है। अच्छा एक्स एक्सिस की बात करो, ये 90 है, अच्छा ये जो है ये 270 मतलब 3π/2। अच्छा ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये कहाँ पे मिलेगा, पाई के ऊपर मिलेगा। इसी तरीके से ये जो है ये माइनस 90 है। अब ये स्केलिंग आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती टाइम लगाओ सीखो तब आपको याद हो जाएगी। शुरू में मुझे भी नहीं होता था, लेकिन जब आप वक्त लगाओगे चीजों को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये शुरू शुरू में आपको मसला होगा, नेचुरल चीज है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एक अच्छे स्टूडेंट में और एक निकम्मे स्टूडेंट में फर्क ये होता है। मेरा एक सिंपल रूल होता है कि जब भी कोई क्लास होती है कोई भी स्टूडेंट क्लास में नालायक नहीं होता। ये जुमला बहुत गलत था जो बचपन से हमने सुनते हुए आए अपने टीचर से, कि जो क्लास में हल्का सा किसी ने हंस लिया या हल्की सी किसी ने तफरी कर ली तो बोलते नालायक बच्चा ये, तुम्हारे तो नंबर ही नहीं आएंगे, तुम तो निकम्मे हो, तुम तो फलाने हो, तुम ये हो। मेरी डिक्शनरी में निकम्मा नालायक वो बंदा होता है जो मेहनत नहीं करता, क्योंकि हर बंदा मैथ पढ़ने के लिए नहीं बना हुआ। कुछ लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट भी होते हैं कि जिनको नहीं समझ आ रहा मैथ, वो डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं या एजुकेशन वैसे भी जरूरी होती है। तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर कोई क्लास में पढ़ नहीं रहा तो उसका मतलब वो निकम्मा है, नालायक है, मे बी वो किसी और फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो हमारा काम है, असल चीज क्या है कि अगर कोई क्लास में नहीं भी पढ़ना चाह रहा वो खामोश बैठा हुआ है, दैट्स इट। आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं कि आप उसको जाके बोल दो कि निकम्मे हो तुम, नालायक हो। निकम्मा नालायक एक ही होता है जो मेहनत नहीं करता, जिसको अगर कुछ भी बोलो कहेगा यार मेरा दिल नहीं चाह रहा, यार सुस्ती हो रही, यार मैंने काम नहीं करना, वो नालायक है, निकम्मा, जो बोलना है उसको बोल। तो मेरा यही रूल होता है कि भाई मैं स्टूडेंट का साथ देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई चीजों को टाइम लगाओ, ठीक है, अगर आप निकम्मे बनना चाह रहे हो तो फारिग बैठ जाओ, दैट्स इट। अगर आप थोड़ी भी मेहनत करोगे तो चीजों को सीख जाओगे। मेहनत बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंट मेहनत जो होती है कि आप मुस्तकिल एक चीज को पढ़ते रहो, वक्त आएगा कि आप उस चीज में एक्सपर्ट बन जाओगे। तो पहली बारी में आप लोग ग्राफ नहीं सीख पाओगे, जाहिर सी बात है मेरा और आप लोग में फर्क होगा, मैंने तो टाइम लगाया हुआ मैथ के ऊपर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, स्टूडेंट थोड़े घबरा जाते हैं कि यार टीचर को आगे हमें नहीं आ रहा या कैसे सीखेंगे। सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, टाइम लगाना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। कल ही मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर दाऊद यूनिवर्सिटी की शॉर्टकट बता दें कैसे करूं। मैंने कहा कोई शॉर्टकट नहीं, सिंपल लिखा नो शॉर्टकट, दैट्स इट। मेरा दिमाग ही नहीं इन चीजों पर चलता कि शॉर्टकट देख लो दाऊद में चलेगी, आगे जाके क्या करना है, चार साल क्या करोगे, कोई पता नहीं, शॉर्टकट चाहिए बस। तो कोई शॉर्टकट नहीं, वक्त जितना लगाओगे उतना मैथ को सीख पाओगे। सिर्फ मैथ नहीं है, एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, वो आपको जिंदगी में बहुत चीजें सिखाती है। एक इंजीनियर जो है ना उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक उसकी बहुत अच्छी होती है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम नहीं होते, वो डेली लाइफ के प्रॉब्लम भी होते हैं। वो आपका कहीं जॉब कर रहे हो वहां के प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि आपका बाय बिल्टन चार साल आपकी तरबियत हुई भी होती है कि आपने किस तरीके से प्रॉब्लम को टैकल करना। तो अगर आप सही मेहनत करोगे तो आपको सिर्फ मैथ के अंदर फायदा नहीं होगा, आपको अपनी बाकी फील्ड में भी होगा। एजुकेशन का तभी फायदा ही होता है कि वो आपको ओवरऑल सब फील्ड में फायदा हो रहा होता है। एक एजुकेटेड बंदे में और एक नॉन एजुकेटेड बंदे में, जाहिल बोलूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, फर्क होता है उनके, हर चीज में फर्क आपको नजर आएगा। पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं ऑब्वियसली, वो वाले केस भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी आप देखोगे एजुकेशन आपको काफी पॉलिश कर रही होती है। तो वो ये मैथ पढ़ते पढ़ते आपको समझ नहीं आता कब आपका लेवल बढ़ता जा रहा है। मैथ पढ़ो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर चीज, फौरन फर्क समझ नहीं आएगा, मेहनत करते रहोगे, वक्त के साथ चीजें समझ आ जाती हैं। तो असल चीज क्या होती है कि आपने किसी चीज को कितना टाइम दिया, जितना आप टाइम दोगे उतना एक्सपर्ट हो गए। खैर, तो ये वैल्यूज याद कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब रही बात, अगर अगेन वही आप कंडीशन चेक करो, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो इन्फिनिट पॉइंट को क्रॉस कर रही है, नीचे भी बनाओगे अगेन आपको नजर आ रहा है 1:1 नहीं है। अब आपने इसका कोई पीस कंसिडर करना है, आपको ये कप भी पिक नहीं कर सकते, मैं सिर्फ इस कप को अगर पिक कर लूं अगेन ये 1:1 नहीं होगा,
मैं जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो मसला होगा। इसका मतलब मैं पूरा एक कप भी पिक नहीं कर सकता, वो भी वन टू वन नहीं होगा, तो मुझे हाफ कप पिक करना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूं, ये जो पॉइंट है इसके बाद से मैं सारा ग्राफ कंसीडर करूं, इसी तरीके से ये वाला इसके बाद पूरा कंसीडर करूं, तो एक मुझे नीचे मिल जाएगा, एक मुझे ऊपर मिल जाएगा। अब जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो वो वन टू वन टेस्ट, मतलब वन टू वन होगा बिल्कुल फंक्शन। तो या तो मैं माइनस पाई से लेके जीरो तक ये वाला पूरा हिस्सा कंसीडर कर सकता हूं, ये मेरे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं ये वाला पूरा हिस्सा और ये वाला पूरा हिस्सा पिक कर लूं, ये है जीरो से लेके पाई तक, ये मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा ऑप्टिमल रहेगा, ये थोड़ा अच्छा हिस्सा रहेगा, मैं आसानी से इसको पिक कर लूं। तो हम क्या करते हैं सैग के केस में, हम बाकी सब चीजों को मिटा देते हैं, जो ऑप्टिमल है, जो हमारे लिए काफी फायदेमंद है, हम उसको कंसीडर करते हैं। और हमारे लिए फायदेमंद ये दो चीजें, अगर आप सैग का ग्राफ इतना देखोगे ना तो आप ऑब्जर्व करोगे जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा, दरमियान वाले में तो ग्राफ नहीं है, इसी तरह नीचे, और ये चलता रहता है, ये ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये नीचे नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर। तो यहां से मैंने देखा, मैंने डोमेन क्या रिस्ट्रिक्ट की, अगेन जीरो से लेके पाई की है। ये जो मैंने आपको बताया था ना, तीन फंक्शन की आप देखोगे माइनस 90 और 90 के दरमियान की होगी, और तीन फंक्शन की देखोगे जीरो से लेके पाई की होगी। तो ये तीसरा फंक्शन आपने देख लिया कि जो सैक इनवर्स है उसकी डोमेन जो है वो भी आपने जीरो से लेके पाई रखी है। फर्क क्या है, इसमें जीरो भी शामिल है, इसमें पाई भी शामिल है। तो आप कहोगे सर कॉस इनवर्स और सैक इनवर्स तो सेम हो गया, सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि अगर आपको नजर आए कि पाई आप पुट नहीं कर सकते, आपने जीरो से लेके पाई कंसीडर तो कर लिया, लेकिन इस रेंज के अंदर एसिम्प्टोट आ रहा है, आप पाई अपॉन टू नहीं पिक कर सकते सैक के अंदर। ये बात आपको वैसे भी पता है, क्योंकि अगर आप सैक के अंदर 90 पुट करोगे ये बराबर होगा 1 अपॉन कॉस 90। अगेन ये चीज कैलकुलेटर में पुट करोगे एरर आ जाएगा, क्योंकि ये अनडिफाइंड फॉर्म है, कॉस 90 जीरो होता है। तो कॉस इनवर्स और सैक इनवर्स के डोमेन में दिखने में आपको फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक छोटा सा फर्क है, वो ये है कि एक्स कभी 90 नहीं हो सकता, डोमेन को नॉर्मली एक्स रिप्रेजेंट करते हो ना, तो जीरो से लेके पाई तक डोमेन है, आप पुट कर लो जो आपका दिल चाह रहा है पुट करने का, लेकिन आप बस 90 पुट नहीं करना, इसके अलावा आप जीरो से लेके 180 तक कुछ भी पुट कर लो, ये आपको फर्क नजर आएगा कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स। ठीक है, कोई सवाल होता साथ साथ पूछते जाना। तो अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि यार इसकी डोमेन क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर इसकी डोमेन है जीरो से लेके पाए, जिसमें पाए पॉइंट टू शामिल नहीं है। अब इस चीज को लिखने का एक और तरीका भी होता है, या आप अलग से बता दो पूरा, या इस तरीके से भी आप लिखते हो जीरो से लेके पाई बाय टू, यहां पे राउंड ब्रैकेट लगाओगे, यूनियन पाई बाय टू से लेके पाई, इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये मैं सेकंड ईयर में आप लोगों को ये वाली नोटेशन भी बताया करूंगा कि देखो जीरो से लेके पाई तक सब है, बस पाई अपॉन टू मसला कर रहे ना, तो आप लिखो जीरो से लेके पाई अपॉन टू, और फिर लिखो पाई अपॉन टू से लेके पाई, जिसमें देखो पाई अपॉन टू शामिल नहीं है, मैंने राउंड ब्रैकेट लगाई हुई, यहां पे पाई अपॉन टू शामिल नहीं है, राउंड ब्रैकेट लगाई है। आप इस तरह लिखो या आप इस तरह लिखो, ये एक ही बात है, एक चीज के दो तरीके हैं लिखने। मुझे नहीं पता बुक में क्या लिखा होगा, जो भी तरीका होगा देख लेना आप लोग। रेंज की बात की जाए तो जैसे आपने सैक इनवर्स सिंपल सैक फंक्शन में देखा था ना, उसकी रेंज क्या होती थी, या तो वन से ग्रेटर कुछ मिलेगा या माइनस वन से छोटा कुछ मिलेगा आपको। तो वही चीज है यहाँ पे कि या तो वाई वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी, या वाई वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू माइनस वन होगी। वन भी मिल सकता है, माइनस वन भी मिल सकता है, या फिर वन से ग्रेटर या माइनस वन से छोटा आपको मिले। ये रिस्ट्रिक्ट करने के बाद, वैसे अगर आपको याद हो इसकी डोमेन ये नहीं हुआ करती थी, इसकी डोमेन तो ये पूरा एक्सिस होता था ना, सिवाय 93 पाई अपॉन टू, इनके अलावा बाकी सब डोमेन होती थी, लेकिन आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया जीरो से लेके पाई के दरमियान, रेंज तो वैसी रहेगी, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को पता है। अब जब आप इसका इनवर्स निकालोगे ना, तो अब इसके इनवर्स में क्या होगा, जो इसकी रेंज थी वो इसके इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। और डोमेन क्या होती है, डोमेन के लिए आप एक्स का सिंबल यूज करते हो, ग्रेटर देन वन और लेस देन माइनस वन। अब ये चीज वो है कि अगर आप गलत कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आप फंस जाओगे। अब मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं आप मालूम करो सैक इनवर्स वन अपॉन टू, अगर कोई स्टूडेंट इसको कोशिश करेगा कैलकुलेटर से मालूम करने की, तो वो कैलकुलेटर में क्या करेगा, जाके पुट करेगा, जैसे इसकी टेक्निक होती है, अगर सैक इनवर्स का बटन कैलकुलेटर में नहीं, आगे जाके मैं बताऊंगा, अभी से देख लो, सैक इनवर्स का बटन कैलकुलेटर में नहीं है, तो अगर सैक इनवर्स 1/2 निकालना है तो आप कैलकुलेटर में लिखो कॉस इनवर्स और इसको रेसिप्रोकल कर दो। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2। आप देखोगे इस चीज की वैल्यू नहीं आपको मिलेगी, कॉस इनवर्स 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब आप सोचोगे खराबी कहां पे हुई है, मतलब सैक इनवर्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैं क्या गलत तरीके से निकाल रहा हूं उसको।
नहीं, तरीका आपका बिल्कुल ठीक है, ये वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि सेक इनवर्स के अंदर आप 1/2 पुट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि सेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है, 1 से ग्रेटर पुट करो या -1 से छोटा पुट करो। ये 1/2 जो है ये तो 1 से छोटा है, 1 से बड़ा तो नहीं है, ये 1 और -1 के दरमियान आता है 1/2, 0.5। इसका मतलब ये आपको अलाउड ही नहीं था पुट करना। जब आप गलत चीज पुट करोगे तो जो सही मेथड है वो भी आपको गलत आंसर देगा, क्योंकि आपने स्टार्ट ही गलत किया है उसका। तो याद रखना सेक इनवर्स के अंदर कभी भी आप जैसे कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स था, वहां पे आप 1 और -1 के दरमियान ही पुट किया करते थे, जबकि सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में 1 और -1 के दरमियान पुट नहीं करोगे, या तो 1 से ग्रेटर या -1 से छोटा। तो ये रिवर्स अपोजिट है एक दूसरे के पूरे। साइन इनवर्स जो है वो बिल्कुल अपोजिट है कोसेक इनवर्स का, और ये जो सेक इनवर्स है ये बिल्कुल, आप सेम ही कर लो, एक ही चीज है दोनों के अंदर। कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में आप पुट किया करते थे -1 से लेके 1 के दरमियान, जबकि ये चीज आप सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में नहीं पुट कर सकते, या तो 1 से ग्रेटर या -1 से। तो अब अगर कोई आपको फंसाने की कोशिश करे कि यार इस चीज का आंसर कैलकुलेटर में मिल नहीं रहा, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा, अब जो इसकी डोमेन हुआ करती थी वो इनवर्स की रेंज बन जाएगी। तो रेंज क्या होगी? 0 से लेके पाए, जिसमें पाए अपॉन 2 शामिल नहीं है। वाई नॉट इक्वल टू पाए अपॉन 2, क्या मतलब इसका? कि सेक इनवर्स आप कैलकुलेटर में कुछ भी पुट कर लो, आप सेक इनवर्स के अंदर यहाँ पे 2 पुट कर लो, 20 पुट कर लो, -20 पुट कर लो, जो भी डोमेन में वैल्यूज आती हैं वो सब आप पुट कर लो सेक इनवर्स के अंदर। आपको जितने भी आंसर मिलेंगे वो 0 और पाए के दरमियान मिलेंगे, और आपको पाए अपॉन 2 भी नहीं मिलेगा। सारे आंसर 0 और पाए के दरमियान मिलेंगे, और पाए अपॉन 2 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पाए अपॉन 2 इसलिए नहीं मिलेगा, पाए अपॉन 2 आपको कब मिलेगा? वैसे अगर आप देखो पाए अपॉन 2 आपको कब मिलता है, जब आप अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहो ना तो आप ये कर सकते हो। आप सेक इनवर्स के अंदर ना कुछ बड़ी वैल्यू पुट करो, लेट से मैं सेक इनवर्स के अंदर पुट करता हूँ 2000, तो आप देखो आपका आंसर जो है वो 90 के बहुत करीब होगा, करके देख लेना। आप सेक इनवर्स मतलब सेक इनवर्स कैलकुलेटर में कैसे पुट करोगे? कॉस इनवर्स 1/2000। तो जब आप ये कैलकुलेटर में पुट करोगे देखना आपका आंसर 90 के करीब आ रहा होगा, लेकिन 90 नहीं, कभी भी 90 नहीं होगा। 90 उस वक्त होगा जब ये चीज इतनी बड़ी हो जाए कि इनफाइनाइट हो जाए, इसको इस तरह समझो, या दूसरी लैंग्वेज में ये वैल्यू बहुत बड़ी आप पुट कर दो जो कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, इन्फिनिटी को नंबर नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब 90 आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप बड़े से बड़ा नंबर पुट करो सेक इनवर्स के अंदर, 90 के करीब वैल्यूज मिलेंगी, लेकिन 90 आपको कभी नहीं मिल रहा होगा। अगर 1/0 पुट कर दे तो 1/0 कैसे कैलकुलेटर में पुट करोगे मेरे भाई? 1/0 को चीज ही नहीं है ना, अनडिफाइंड जाएगी, 1/0 पुट ही नहीं कर सकते ना, चीज ही गलत हो जाएगी पूरी। जो रेंज जो आपने लिखी ऐसे नहीं ले सकते कि अपना स्क्वायर ब्रैकेट 0 कॉमा पाई और राउंड ब्रैकेट लगा दे, फिर राउंड ब्रैकेट पाई पे क्यों लगा रहे हो? क्या पाई आंसर नहीं मिल सकता? मिल सकता है पाई, क्यों नहीं मिल सकता? जब तुम सेक इनवर्स के अंदर -1 पुट करोगे तो सेक इनवर्स -1 किसके बराबर होगा? कॉस इनवर्स -1 के। मतलब अगर -1 को रेसिप्रोकल करोगे तो -1 नहीं आएगा। कॉस इनवर्स -1 क्या होता है? पाई के बराबर। तो सेक इनवर्स के रिजल्ट में तुम्हें पाई मिल सकता है, इसी तरह सेक इनवर्स के केस में तुम्हें 0 भी मिल सकता है। अगर तुम यहाँ पे 1 पुट करोगे तो सेक इनवर्स 1 किसके बराबर होगा? कोसेक कॉस इनवर्स 1 के। जब रेसिप्रोकल करोगे कॉस इनवर्स 1 कैलकुलेटर में चेक करना, 0 आंसर आ रहा होगा। तो 0 और पाई दोनों वैल्यूज मिलेंगे तुम्हें। मैंने तो ग्राफ से बता दिया ना कि ग्राफ में 0 भी शामिल है, ग्राफ में पाई भी शामिल है। ग्राफ से जब बता दिए फिर इतना चेक करने की क्या जरूरत? जैसे इसका ग्राफ है ना, कोसेकेंट का भी आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा। मैंने वही बताया था एसिम्प्टोट का फर्क होता है। यहाँ पे एसिम्प्टोट जो है ना वो आपको 0 पे 180 पे इस पे मिल जाओगे। तो एक 180 हम मार कर लेते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से -180 मार कर लेते हैं। तो एक आपको फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये -1 है, तो एक आपको इस तरह मिलेगा, अच्छा जी, एक आपको नीचे मिलेगा, इसी तरीके से एक आपको यहाँ पे नीचे मिल रहा होगा पूरा, यार देख लेना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप लेबलिंग करना चाहो तो क्या कर सकते हो? ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। अच्छा, आपको एसिम्प्टोट पाए पे मिलता है, इसी तरह यहाँ पे माइनस पाए पे, और एक एसिम्प्टोट आपको 0 पे मिल रहा है। 0 पे भी अगर आप देखो तो एसिम्प्टोट है ये। अब मतलब वही है कि 1:1 नहीं है, 1:1 कौन सा हिस्सा बनाए? तो ये नेचुरल सी बात है, सब स्टूडेंट कहेंगे कि सर आप अगर इसको पिक करेंगे, क्या आप लोगों को क्या लगता है कौन से वाले हिस्से को पिक करें? जितने भी हिस्से आप लोगों के सामने, कौन सा वाला सही रहेगा जिसमें एंगल्स भी अच्छे हों?
माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू तक, यही चेक करना चाह रहा था। आप जीरो से लेके पाई पिक नहीं कर सकते क्योंकि मसला वो ये, आप पूरे कप को पिक नहीं कर सकते क्योंकि पूरे कप को पिक करोगे अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो वो इन्फिनिट पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो जैसे आधा आधा पिक किया था सेम वही है। अच्छा ये जो है ना ये आपको 90 पे मिल रहा होगा, ये जो है ये आपको माइनस 90 पे मिल रहा होगा, ये बिल्कुल ये जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि कैलकुलेटर में अगर आप कॉसेक पाई अपॉन टू पुट करोगे तो आपको आंसर वन मिल रहा होगा, वेरीफाई करके देख लेना। इसी तरह अगर आप कॉसेक माइनस पाई बाय टू पुट करोगे तो माइनस वन मिल रहा होगा, चाहो तो वह कॉसेक को कैसे कैलकुलेटर में निकालोगे, वन अपॉन साइन। तो खैर अब रिस्ट्रिक्ट क्या करना है, बेस्ट पीस कौन सा रिस्ट्रिक्ट करने का कि आप माइनस 90 से लेके 90 तक बाकी सबको आप हटा दोगे, यहाँ बस इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को रखोगे, दैट्स इट। तो अगर आप देखो ये माइनस 90 से लेके 90 आपने कंसीडर किया, वही मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि सेम चीज आप लोगों को यहाँ पे भी नजर आई थी, सेम वही इसकी डोमेन होगी, ये जो प्रिंसिपल कोसेकेंट फंक्शन है ना इसकी डोमेन यहाँ पे क्या है, माइनस 90 से लेके 90। आप लोग आओगे सर ये तो बिल्कुल साइन वाली है, साइन इनवर्स वाली, और सिंपल प्रिंसिपल साइन की डोमेन है ये, लेकिन प्रिंसिपल साइन की नहीं है। अगर आप ऑब्जर्व करो एक वैल्यू इसके अंदर शामिल नहीं है, जीरो। अगर आप देखो जीरो पे आपका एसिम्प्टोट मिला, ये कभी भी ग्राफ जीरो पे क्रॉस नहीं करेगा, इसी तरह यहाँ पे भी जीरो पे क्रॉस नहीं करेगा, हमेशा उसके पास ही रहेगा ये, उसका मतलब आप जीरो पुट नहीं कर सकते। और ये आपको पता है कॉसेक जीरो का मतलब क्या है, वन अपॉन साइन जीरो, अगेन अनडिफाइन हो जाएगा ये, तो जीरो पुट नहीं कर सकते। बाकी आप माइनस 90 और 90 के दरमियान कुछ भी पुट करना चाहो कर। और अगर रेंज की बात करें, रेंज तो मैंने पहले भी बताया था, जैसे ग्रेटर देन वन मिलती थी या आपको लेस देन माइनस वन मिला करती थी, तो सेम वही मिल रही है आपको भी, उसमें तो कोई फर्क नहीं है जो आपने वहां देखा। अब इनवर्स के ऊपर आ जाओ, तो इनवर्स में क्या होगा, जो इसकी डोमेन थी, जो इसकी रेंज थी, वो इसकी इनवर्स की डोमेन बन जाएगी, तो ये चीजें मिल रही होंगी। अगेन वही चीज है कि आप कॉसेक इनवर्स के अंदर हमेशा वन से ग्रेटर ही कुछ पुट कर सकते हो या माइनस वन से छोटा पुट कर सकते हो, वन और माइनस वन के दरमियान कॉसेक इनवर्स के अंदर कुछ नहीं पुट कर सकते, याद रखना। जैसे सेक इनवर्स की डोमेन थी, सेम इसकी भी वही डोमेन है, फर्क है रेंज के अंदर। इसकी रेंज थी जीरो से लेके पाए, जबकि इसकी डोमेन ये थी ना, तो इसकी रेंज क्या होगी, माइनस 90 से लेके 90, और अगेन वही बात जिसमें जीरो शामिल नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोसेक इनवर्स के केस में आपको जीरो मिल जाए आंसर में, कभी नहीं मिलेगा आपको। माइनस 90 और 90 के दरमियान सब मिल सकता है, लेकिन जीरो नहीं आपको। अब मुझे कंक्लूजन देने दो, कंक्लूजन ये है कि टोटल 36 वैल्यूज हैं। आप लोगों का असाइनमेंट क्या है कि सब चीजें मैंने समझा दी हैं, अगर कोई स्टूडेंट कर सकता है बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी और मेरे पास भी एक तस्वीर आ जाएगी। आप लोग क्या करना, ये मैंने एक जगह पे करवाया है लेकिन डिटेल में शायद नहीं है फिर भी, बल्कि आप लोग कोई स्टूडेंट करे तो बहुत अच्छी बात है, सब करो तो बहुत अच्छी बात है, कि आपके पास बेसिकली तीन किस्म के फंक्शंस हैं, एक है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक है प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 6 6 टोटल 18 है, हर फंक्शन की एक डोमेन एक रेंज, तो हर फंक्शन के अंदर दो दो चीजें आपको याद रखनी, टोटल 18 है, 18 2 36, टोटल 36 वैल्यूज है, रट्टा माना इम्पॉसिबल है। क्या आप एक कॉलम बनाओ डोमेन का, एक कॉलम बनाओ रेंज का, सबसे पहले आप पुट करो साइन एक्स, फिर आप लिखो प्रिंसिपल साइन, मैंने बताया था इनके सिंबल में फर्क है, सिंपल साइन एक्स को आप इस तरह लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, इसमें एस स्मॉल होगा, प्रिंसिपल को आप हमेशा कैपिटल से लिखोगे, कुछ बुक्स फॉलो कर रही तो कुछ नहीं कर रही होती, और साइन इनवर्स को आप इस तरीके से लिखोगे। तो आप क्या करना, सबसे पहली रॉ होगी, अच्छा जिस भी फॉर्मेट में आप बनाना चाहो बना लो, सबसे पहले साइन, फिर प्रिंसिपल साइन, फिर इनवर्स साइन, इनके सामने आप इनकी डोमेन नेम लिख दो, फिर ये कॉस प्रिंसिपल कॉस कॉस इनवर्स, करते करते 36 वैल्यूज हैं, ये अपने पास के लिख लो कि जितने भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए। अब छोटी छोटी बातें हैं जो एमसीक्यू लेवल पे तंग कर रही होती हैं बच्चों को, उन छोटी छोटी बातों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि कैलकुलेटर में अगर आपके पास ये तीन चीजें आ जाए, आपके पास कैलकुलेटर में आ जाए कॉट इनवर्स कैसे निकालना है उसको डिस्कस करते हैं, आपके पास कैलकुलेटर में आ जाए सेक इनवर्स, मतलब अगर कैलकुलेटर से निकालना, और अगर आपके पास आ जाए कॉसेक इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स के बटन हैं, जिस भी वैल्यू पे आपको बोला जाए आसानी से निकाल लोगे, लेकिन इन पे हम कैसे निकालेंगे, तो इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर से सेक इनवर्स निकालना है, सेक इनवर्स का बटन नहीं है, आप क्या करोगे, जस्ट कैलकुलेटर में जाओगे कॉस इनवर्स लिखोगे, जिस वैल्यू का निकालना है सेक इनवर्स उस वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर देंगे, सेम कॉसेक इनवर्स के साथ भी करोगे, साइन इनवर्स एक्स का निकालना था तो वन अपॉन एक्स कर देना। अब मामला थोड़ा डिफरेंट है,
कॉट इनवर्स अगर आपको निकालना हो तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में लिखोगे टेंजेंट इनवर्स 1/x। आप लोग कहोगे सर ये तो सेम ही बात है, फर्क क्या है? लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, इसके बारे में बताऊंगा मैं, सब चीजें बताता हूँ। पहले देख लो कॉट इनवर्स x निकालना है, अगर यहाँ पे जो भी x निकालना है अगर वो पॉजिटिव है तो आप जैसे इनके फॉर्मूले यूज कर रहे थे वैसे इनके फॉर्मूले यूज कर लो कि कॉट इनवर्स x को टेंजेंट इनवर्स 1/x कर लेना। लेकिन अगर यहां पे x नेगेटिव है तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/x सेम, बस आप इसके अंदर पाई ऐड कर दोगे उस वक्त जब x आपका नेगेटिव है। तो दो मैंने फॉर्मूले, अच्छा जीरो तो पुट नहीं कर सकते ना, दो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए। सबसे पहला क्या बताया आप लोगों को कि कॉट इनवर्स एक्स बराबर है टेंजेंट इनवर्स 1/x के उस वक्त जब एक्स यहां पे पॉजिटिव है। अब एग्जांपल देके भी बताऊंगा। और ये चीज जो है ये बराबर है इसके जब एक्स लेस देन जीरो, मतलब अगर कॉट इनवर्स कुछ नेगेटिव होगा तब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। इन पे हम आते हैं बाद में, पहले मैं एक जरा कंफ्यूजन हल कर दूं यहाँ पे। तो कंफ्यूजन ये है कि अगर टेंजेंट इनवर्स की मैं बात करूं तो आपने टेंजेंट इनवर्स की डोमेन पढ़ी थी, या टेंजेंट इनवर्स की डोमेन सब रियल नंबर है, और आपने टेंजेंट इनवर्स की रेंज पढ़ी थी माइनस पाई अपॉन टू से लेके पाई अपॉन टू। तो नॉर्मली एमसीक्यूज आया हुआ है, मैंने देखा हुआ भी है कि आपसे ये सवाल पूछा जाता है, कोई तुक नहीं है इसकी, खास तौर पर लिखने की तो ये सेंस नहीं है, लेकिन ये सवाल आमतौर पर देखा है मैंने एमसीक्यूज में, क्योंकि मसला आपकी सिंध बोर्ड के अंदर जो पूरा टेबल उन्होंने बनाया हुआ है ना उसमें टेंजेंट 90 का आंसर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, गलती की हुई उन्होंने, तो कभी टेंजेंट इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी आया हुआ होता है। अब बोलते हैं कि बताओ क्या आंसर है। तो अगर ये सवाल आपके पेपर में आए ना तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, 90 पाई अपॉन 2। अब एक छोटी सी बात सुन लो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टेंजेंट किस एंगल के ऊपर इन्फिनिटी होता है। करेक्ट तरीका क्या है, टेंजेंट किस एंगल पे अनडिफाइन होता है। अब देखो वैसे तो बहुत एंगल है, 90 270 450, इसी तरह आप करते रहो आगे 630, इन सब पे टेंजेंट जो है वो अनडिफाइन होता है। लेकिन जब आपसे इनवर्स का सवाल पूछा जाता है तो आप एक ही आंसर बताते हो, क्योंकि अगेन वो फंक्शन की बात है ना, मल्टीपल आंसर तो नहीं बताते। तो आप यहां पे कौन सा आंसर बताओगे, आप हमेशा यहां पे 90 बताओगे। अगला सवाल बच्चों का हो सकता है, सर टेंजेंट इनवर्स की रेंज में तो 90 शामिल ही नहीं था, आप तो 90 पे राउंड ब्रैकेट लगा देते, तो ये 90 कैसे आ गया? वो इसलिए आया क्योंकि जो आपने वैल्यू पुट किया वो कौन सा रियल पुट किया है। मैंने तो आपको बोला था कि रियल पुट करो, आपने वैल्यू इतनी अजीब सी पुट किया। इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है। मसला एक जगह मैं सुन रहा था वो कह रहे थे कि इन्फिनिटी रैशनल नहीं है, शायद इरेशनल होगा। इन्फिनिटी कोई नंबर रियल नंबर है ही नहीं, इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है, इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है जो लिमिट के अंदर आप पढ़ सकते, वैसे आप नहीं पढ़ सकते इसको। तो जब आपने कोई रियल नंबर पुट नहीं किया यहाँ पे तो फिर आंसर में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इसके अंदर नहीं आ रहे होंगे। तो इसलिए आप ये आर्गुमेंट मुझसे नहीं कर सकते कि सर 90 तो शामिल ही नहीं था, इसके आंसर में 90 कैसे आया। तो मेरा जवाब ये होगा कि भाई ये कौन सी आपने रियल वैल्यू पुट की जिसके आंसर में आपको मिल रहा है। तो ये रियल कुछ नहीं है, लेकिन बिल्फर्ज अगर आपसे पूछा, ये सवाल भी सिंपल पूछ लिया जाए कि टेंजेंट इनवर्स और इसके अंदर जो वैल्यू पुट की जा रही है वो अनडिफाइन है, तो उसका आंसर क्या होगा, आप बोलोगे 90। या इस तरह भी पूछ जा सकता है कि टेंजेंट कब अनडिफाइन होता है, और ऑप्शन में आपको जस्ट 90 नजर आ रहा है, बाकी 45 है 30 है ये सब नजर आ रहे हैं, तो आप इसका 90 बोलोगे। तो डिफरेंट एंगल से बात पूछी जा सकती है, इवन आपको 90 270 450 ये भी दे दें फिर भी आप 90 लगाओगे, अनलेस ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने प्रिंसिपल एंगल लेना होता है। प्रिंसिपल एंगल कौन सा होगा जो इसके अंदर आएगा, ऑल्दो ये इसके अंदर आता नहीं है लेकिन हम जो यूज कर रहे होते हैं वो 90 यूज कर रहे होते हैं कि टेंजेंट 90 पे अनडिफाइन है। तो अगर टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी पूछे तो बता देना पाई बाय 2। सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंदर जो मैंने डोमेन बताई थी वो तो मैंने बताया था 1 से ग्रेटर या माइनस 1 से छोटे ही पुट करोगे, इसमें तो 0 वैसे भी नहीं पुट कर सकते। रही बात कॉट इनवर्स 0 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने दोनों चीजें लिखी है उसमें 0 शामिल नहीं है, या तो 0 से ग्रेटर या 0 से छोटे। तो कॉट इनवर्स 0 अगर आप टेंजेंट इनवर्स की टेक्निक से लगाओगे तो फिर वही मसला हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 1/0। अगर इस तरह सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में तो इसका आंसर नहीं आ सकता, कैलकुलेटर में अगर आप टेंजेंट इनवर्स 1/0 पुट करोगे कैलकुलेटर तो एरर देगा। लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइन, और टेंजेंट अनडिफाइन कब होता है, 90 के ऊपर। तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, कॉट इनवर्स 0 90 होता है। अगर आप इस वाले मेथड से कैलकुलेटर में निकालोगे तो कैलकुलेटर आपको वैसे एरर दे देगा, थोड़ी सी इस बात को याद रखना। और वैसे भी हाँ बस सही है, इतना काफी है, कॉट इनवर्स का ग्राफ थोड़ी ना आपको याद होगा, तो इस वाली टेक्निक से खुद ही याद कर लो कॉट इनवर्स 0 जो है वो 90 की डिग्री के बराबर, क्योंकि 0 इनके अंदर शामिल नहीं होता। तो एक तो मैंने ये बात बता दिया।
अच्छा दूसरी बात एकदम से मेरे जहन में आई है अभी, ये काफी देर से आ रही थी, कल भी आ रही थी, मुझे मौका नहीं मिल रहा था बताने का। ये बात आप लोगों के बुक के अंदर डिस्कस है, मैं छोटी सी चीज बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा इसके अंदर। जैसे आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा था ना, एक लाइन होती है जिसको आप कहते हो वाई इज इक्वल टू एक्स, ये एक लाइन होती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये जो अभी अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने प्रिंसिपल साइन, प्रिंसिपल कॉस, प्रिंसिपल टेंजेंट, इनके ग्राफ डिस्कस किए थे, इनके इनवर्स के मैंने डिस्कस नहीं किया आप लोगों से, क्योंकि इनवर्स के ना पूछे जाते हैं और वो थोड़े मुश्किल भी होते हैं, दैट्स वाई वो टॉपिक से बहुत हटने वाली बात होती है, वो मैंने कभी डिस्कस नहीं किया। हाँ इनवर्स के डोमेन रेंज मैंने डिस्कस किए जो एमसीक्यूज में जो आपसे पूछी जा रही हो। ग्राफ इनके मुश्किल होते हैं समझना, ड्रॉ करना पड़ता है, याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इनका ग्राफ आता कैसे है ये सवाल बुक में लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ सकते हैं। कि ये एज्यूम कर लो, ये लाइन थोड़ी देर भूल जाओ, ये वैसी मैंने बनाई हुई है। आप सिंपल जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन था ना उसको ड्रॉ, प्रिंसिपल साइन फंक्शन क्या था अगर आपको याद हो, ये 90 होता था, अगर आपको याद हो 90 और माइनस 90 के दरमियान आपने कंसिडर किया था ना, तो एक इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो ये पॉइंट है माइनस 90, ये था 90, अगर आपको याद हो तो साइन को आपने माइनस 90 और 90 तक कंसिडर किया था, बाकी मिटा दिया था। तो ये सिंपल ग्राफ है प्रिंसिपल साइन का। जब आप इसका इनवर्स निकालते हो ना तो एमसीक्यूज में क्या पॉइंट पूछा जा सकता है, जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालते हो, ये ग्राफ से रिलेटेड पॉइंट है, कि जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा ना तो जो इसके इनवर्स का ग्राफ होगा वो जस्ट रिफ्लेक्शन होगी अबाउट y इज इक्वल टू x। रिफ्लेक्शन का मतलब लेट से आपने मिरर रखा हुआ है, y इक्वल टू x, इस लाइन के अराउंड आपने मिरर रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे मिरर रखा होगा और कोई चीज आपको ऊपर नजर आ रही है तो जब आप उसको मिरर में देखोगे सेम चीज वो नीचे भी नजर आ रही होगी, आप इसको आप कहते हो रिफ्लेक्शन, जो चीज ऊपर है सेम चीज नीचे भी नजर आ रही होगी। तो कोई भी फंक्शन है ना वन टू वन, उसका जब आप इनवर्स निकालते हो तो उसका इनवर्स क्या होता है, जस्ट रिफ्लेक्शन होती है y इक्वल टू x लाइन के अबाउट। जैसे आपने देखा था x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हुआ करती थी, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होती थी, सेम यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है वो अबाउट क्या होगी, y इज इक्वल टू x। तो देखना ग्राफ आपका इस टाइप का हो जाएगा। चलो मैं वैसे ही बना देता हूँ, ये जो ऊपर चीज थी ये नीचे नजर आ रही होगी, सेम जो नीचे नजर आ रही थी वो आपको ऊपर इस तरह नजर आएगी यूं करके। तो अगर मैं इनवर्स साइन का ग्राफ बनाऊं, ये थोड़ा अजीब सा बना है ऑब्वियसली, अगर आप ग्राफ में देख लो तब समझ आ जाएगी, तो अगर मैं इसको मिटा दूं ना, ये इनवर्स साइन का ग्राफ होता है। तो जस्ट आपने क्या किया, क्या पॉइंट में समझाना चाह रहा हूं, जो साइन का ग्राफ था उसको आपने रिफ्लेक्ट करवा दिया अबाउट y इज इक्वल टू x। इसका बहुत देसी एक मैथमेटिकल तरीका भी होता है कि अगर साइन अंदर आपको पता है ना कि साइन x के अंदर जब आप पाई अपॉन टू पुट करते हो तो आंसर 1 आता है, तो आप जाके ग्राफ में ड्रॉ कर देते हो, आप बस इसकी पोजिशन चेंज कर दो, इसको इस तरह कर दो 1, π/2, तो इस तरह आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो ये मजीद अगर आप सर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, जो इनवर्स होता है ना उसके अंदर अगर 1 पुट करते हो तो पाई अपॉन 2 आता है, क्योंकि मैंने बताया था चीजें इंटरचेंज हो जाती है। खैर इस तरह भी आप इनवर्स के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो टॉपिक से हट जाएगी बहुत बार, बस इस पॉइंट को याद रखो, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स कैसे आता है, जस्ट आप उस फंक्शन को रिफ्लेक्ट करवा देते हो अबाउट y इक्वल टू x। मजीद सर्च करना है, बुक में भी है, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा, ये वाली बात काफी अच्छे से फंसी हुई थी। अगर नहीं समझ आया तो बस एक ऐप जो मैंने बताई है ना डेस्मोस के नाम से, उसमें साइन का ग्राफ ड्रॉ करना, प्रिंसिपल साइन के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, लगा सकते हो लगा दो, उसमें ऑप्शन होता है वैसे। खैर सिंपल साइन का ग्राफ ड्रॉ करो, फिर साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना, और फिर y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करना, सिंपल y इक्वल टू x। तो आप खुद देखोगे कि साइन का ग्राफ अगर ऊपर से इस तरह नजर आ रहा है तो इनवर्स का क्या होगा, नीचे से इस तरह नजर आ रहा होगा, एग्जैक्ट y इक्वल टू x दरमियान में होगा, बिल्कुल जो चीज ऊपर होगी वही चीज नीचे नजर आ रही होगी। मेरे पास टाइम होता तो मैं यहाँ पे भी करवा देता, लेकिन ये आप लोग खुद भी देख सकते हो इसको। अच्छा अब इस पे आ जाओ दोबारा, ये चीजें कहां से आएंगे, देखो सिंपल सी डेरिवेशन है, इसको कभी इस तरह नहीं लिखना कि मैंने अभी बताया था कि sec इनवर्स को कभी ये नहीं बोलना कि ये बराबर होता है 1/cos inverse है, ये टोटली गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। असल क्या होगा, जरा डेरिवेशन करते हैं छोटी सी है, कि sec इनवर्स x के रिजल्ट में आपको एक थीटा मिलेगा, मतलब एक एंगल मिल रहा होता है, दोनों तरफ आप sec अप्लाई करो, या देसी लैंग्वेज में sec इनवर्स को उधर ले आओ तो sec हो जाएगा। sec किसके बराबर होता है, 1/cos के, cos को उधर ले जाओ, x को नीचे ले आओ, सिंपल लैंग्वेज में इस तरह समझ लो, ये जाएगा cos इक्वल टू 1/x, यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालो, ये जाएगा cos इनवर्स 1/cos। तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, sec इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 1/x के, ये आपके पास डेरिवेशन आ गई। सेम डेरिवेशन यहाँ पे भी कर सकते हो, cosec inverse x बराबर हो जाएगा sin inverse 1/x के। तो मैंने आपको जस्ट फॉर्मूले नहीं बताया, साथ बता भी दिया प्रूफ कैसे करना है, तो ये आपको इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा।
लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट है, जो कि ट्विस्ट आपको बाकी कोई नहीं बताएगा। ज्यादातर कितने जगहों पे मैंने देखा, उन्होंने जस्ट ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, आगे ये डिस्कस ही नहीं की थी, उन्होंने जस्ट बोला कॉट इनवर्स भी इसी के बराबर होता है। उसकी रीजन, जो बुक है सिंध बोर्ड की, न्यू बुक जो आई थी उसमें टोटली गलत चीज लिखी हुई थी, जो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। उन्होंने बोला हुआ था कि कॉट इनवर्स -1 -45 होता है, जो कि टोटली गलत बात है। और माशाला दो जगहों पर उन्होंने मिस्टेक की हुई थी न्यू बुक के अंदर, तो न्यू बुक बनाई है उसके अंदर ही मिस्टेक है, एक्सरसाइज में भी की हुई थी, एग्जाम्पल के अंदर भी की हुई थी कि कॉट इनवर्स -1 को -45। और आप ये मिस्टेक करोगे अगर आप कॉट इनवर्स को इस तरीके से निकालोगे तो मिस्टेक कर दोगे। तभी मैंने करेक्ट बात बताई है आपको दोनों अलग अलग, और अब मैं आपको रीजन भी बताने लगा हूं कि अलग अलग क्यों है दोनों ये, कि अगर यही काम अगर आप ये जो प्रोसेस है अगर इस पर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, दिखने में आपको फर्क नजर नहीं आ रहा होगा। जैसे कॉट इनवर्स एक्स बराबर है थीटा के, लेट कर लो आप, ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, कॉट बराबर होता है 1/ टेंजेंट के, टेंजेंट बराबर होगा 1/ एक्स के, ठीक है, थीटा बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स 1/ एक्स के, बच्चे भी खुश टीचर भी खुश, कॉट इनवर्स बराबर है टेंजेंट इनवर्स एक्स के। बजायद कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ पे इस बात का जवाब नहीं दे पाएगा कि यार ये दोनों इक्वेशन ठीक हैं तो फिर ये मैंने दोनों अलग अलग कहां से बनाई है, किसी के पास कोई जवाब है इस चीज का? दिखने में तो लग रहा है दोनों इक्वल हैं, तो इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है, ये वाला फॉर्मूला आप कहां से लाए उठा के, किसी के पास कोई जवाब हो ही नहीं सकता। नॉर्मल स्टूडेंट कोई भी इस बात का जवाब दे नहीं सकता, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कॉन्सेप्ट है, सीख लो, नेक्स्ट नहीं है, बहुत ईजी है क्योंकि सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। ये जो आपको दोनों जगह थीटा नजर आ रहा है ना मासूम सा, ये आपको दिखने में सेम लग रहा है कि यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे भी थीटा, लेकिन फर्क है इसमें, जो आपको कोई मैथ का स्टूडेंट है वो देख पाएगा इस फर्क को, क्या फर्क है। अगर आप देखो ये कॉट इनवर्स है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका एंगल आएगा, मतलब ये रेंज है, मतलब कॉट इनवर्स का जो भी आंसर आएगा वो थीटा होगा ना, तो एक्स यहाँ पे आपकी डोमेन है और थीटा जो है वो रेंज है, जो भी रिजल्ट में एंगल मिलेंगे। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, कॉट इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई, अभी डिस्कस किया था, जिसमें पाई अपॉन 2 शामिल नहीं है लेकिन उसको फिलहाल छोड़ दो, 0 से लेके पाई होती है कॉट इनवर्स की, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो थीटा वो भी है ये क्या? नहीं, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था टेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेके π/2, ये मसला आ गया इसके अंदर। अब दिखने में थीटा सेम लग रहा था लेकिन दोनों में फर्क है, ये बाकी में नजर नहीं आएगा आपको, देख लेते हैं। sec इनवर्स की अगर आपको रेंज याद हो ना, तो sec इनवर्स की रेंज क्या हुआ करती थी, मैं खुद भूल गया हूं, cos इनवर्स की याद है ना, हाँ sec इनवर्स की रेंज होगी 0 से लेके पाए, जाके देख लेना, सेम cos इनवर्स की रेंज भी क्या होती है 0 से लेके पाए। तो दोनों जगह जो थीटा नजर आ रहा था ये सेम था, यहाँ पे 90 शामिल नहीं है लेकिन फिलहाल उसको इग्नोर करो, अगर आप ऑब्जर्व करो दोनों की रेंज सेम है 0 से लेके पाए, तो यहाँ पे कोई मसला नहीं होता था, तभी सेम ही फॉर्मूला होता था। इसी तरह अगर आप कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स की देखोगे, कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है -90 से लेके 90, सेम साइन इनवर्स की भी तो ये होती थी, तो तभी आपको वहां पे दो फॉर्मूले नहीं मिलते थे, यहाँ पे जीरो शामिल नहीं है लेकिन वो इतना बड़ा मसला नहीं है, जीरो वाले केस को वैसे मैंने अलग से बताया था, जीरो वैसे भी आप पुट नहीं कर सकते, वो अनडिफाइन हो जाएगी पूरी चीज, तो जीरो तो वैसे मैंने अलग से आप लोगों को बता दी, लेकिन वैसे अगर आप देखो तो सेम ही है, कोई फर्क तो नहीं है इनके अंदर, तभी आपने इनके देखे थे कि फॉर्मूले भी सारे सेम है, लेकिन फर्क इसमें इसलिए आता है कॉट का फॉर्मूला इसलिए अलग है, मैं पहला जवाब दे रहा हूँ, कॉट का इसलिए फॉर्मूला अलग है क्योंकि ये मसला है, यहाँ पे थीटा कुछ है यहाँ पे थीटा कुछ है, ये पहली बात। अब दूसरी बात कि जब तक आप ये जो मैंने लिखा हुआ है ना एक्स पॉजिटिव हो तो ये आपस में बराबर है, ये मैं कहां से लाया बात कि भाई एक्स अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, अगर आप कॉट इनवर्स के अंदर कुछ भी पॉजिटिव पुट करोगे तो कैलकुलेटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा, याद रखो कॉट इनवर्स के अंदर कुछ भी पुट करोगे जीरो से लेके पाए है ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देगा, क्योंकि कॉट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थोड़ी ना पॉजिटिव होता, तो जब भी आप कुछ पॉजिटिव पुट करोगे रिजल्ट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। सेम टेंजेंट इनवर्स के अंदर भी जब आप कुछ पॉजिटिव पुट करते हो रिजल्ट में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है, नहीं यकीन आता करके देख लेना, टेंजेंट इनवर्स के अंदर कुछ पॉजिटिव पुट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, अगर कुछ नेगेटिव पुट करोगे तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा होता है। तो मैं इसको इस तरह लिखवाता हूँ आपको कि अगर आप कुछ पॉजिटिव पुट करोगे तो कॉट इनवर्स का आंसर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और टेंजेंट इनवर्स का आंसर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तभी जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये दोनों बराबर थे, इनमें कोई मसला नहीं था, ये दोनों थीटा बराबर होंगे आपस में, आप इस इक्वेशन को इक्वल कर सकते हो जब तक आपने पॉजिटिव कुछ पुट किया। मसला कब होता है? जब नेगेटिव पुट करोगे। अब क्या मतलब नेगेटिव का? अगर मैं नेगेटिव पुट करूंगा, मुझे पता है जब भी मैं कॉट इनवर्स के अंदर कुछ नेगेटिव पुट करूंगा आंसर हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आप यार कॉट इनवर्स का ग्राफ देख लो,
कैलकुलेटर में जाना, डेस्मोस जो ऐप बताइए उसमें कॉट इनवर्स को ड्रॉ करना। इसका ग्राफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है या सेकंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ होता है, आप निकाल के देख लेना। मतलब एक्स जो भी इसकी रेंज है, जो भी आपको आंसर मिलेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, करके देख लेना। ग्राफ देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा, या तो ये पूरी चीज बता दी। इस तरह अगर आप टेंजेंट इनवर्स का देखो तो टेंजेंट इनवर्स में क्या होगा, अगर आप कुछ नेगेटिव पुट करोगे तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा होता है, माइनस 90 से लेके 90 ना, तो इसको ब्रेक करो 0 से लेके 90 और 0 से लेके माइनस 90। तो अगर कुछ पॉजिटिव पुट करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, और अगर टेंजेंट इनवर्स के अंदर कुछ नेगेटिव पुट करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा होगा। यहां पे फर्क आ गया कि अगर आपने कुछ नेगेटिव पुट किया कॉट इनवर्स के अंदर, तो ये तो अपना आंसर इसका असूली तौर पर सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए था, लेकिन अगर आप कॉट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स के केस से निकालोगे, टेंजेंट इनवर्स अपना आंसर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में देगा, दोनों में फर्क आ गया। यही गलत कॉन्सेप्ट किया था सिंध बोर्ड की न्यू बुक में, उन्होंने तभी बोल दिया था कॉट इनवर्स माइनस वन माइनस 45 के बराबर है। हालांकि आपको पता है कॉट इनवर्स की रेंज ही 0 से लेके पाए है, माइनस 45 कैसे आ सकता है, सेंस ही नहीं बना रही है बात। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये वाला फॉर्मुला यूज किया, कॉट इनवर्स माइनस वन उन्होंने निकाला टेंजेंट इनवर्स माइनस वन जो कि माइनस 45 होता है, ये मसला है। तो अब इस चीज को अगर आपने ठीक करना है तो आप कैसे करोगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ यहाँ पे नेगेटिव पुट किया, कॉट इनवर्स कुछ नेगेटिव पुट किया, तो ये बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे भी कुछ नेगेटिव आ रहा होगा और आपको मिलेगा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको क्या करना है, आपको उसको शिफ्ट करना है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो अगर इसी की एग्जांपल में लेता हूं, अगर कॉट इनवर्स माइनस वन है और आप इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे टेंजेंट इनवर्स माइनस वन, तो इस पे आपको आंसर मिलेगा माइनस 45, जबकि आपको पता है ये टेंजेंट इनवर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन कॉट इनवर्स में आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल ही नहीं सकता, सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। आप क्या करोगे, इस माइनस 45 के अंदर पाई ऐड कर दोगे, मतलब 180 ऐड कर दोगे, माइनस 45 यहां पे होगा ना, तो आप क्या करो इसके अंदर 180 ऐड कर दो, यहां पे आ जाएगा, ये असल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप देखो मैंने क्या किया, मैं जस्ट पाई ऐड किया, तो जब भी एक्स नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट से निकल के आ जाओगे आप फौरन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव एंगल आई, ऐसा नहीं क्योंकि पॉजिटिव लिया है, टेंजेंट इनवर्स में नेगेटिव मिलेगा ना आपको, तो जब भी नेगेटिव एंगल आप उसको ऐड करके पाए यहां पे ले आओगे और करेक्ट आपके पास आंसर मिल जाएगा। ये ग्राफ नजर आ रही है आप लोगों को स्क्रीन या नहीं? यस सर, आ रही है। यस सर, बस सही से। तो असल में बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब आप किसी इनवर्स को ड्रॉ करते हो ना, अभी आपने देखा है जो सेक मसला किसका था, कॉट इनवर्स का था। अगर आप कॉट इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, एक सेकंड, इसका फंक्शन भी होगा यहाँ पे, कॉट इनवर्स का फंक्शन, हाँ ये कॉट इनवर्स है, देखना 0 से लेके पाए आपको आउटपुट मिलेगा इसके अंदर, ये ग्राफ है 0 से लेके पाए। मैंने तभी कहा था देखो आपको ना ये स्केलिंग में 0 पाई नहीं मिलेगा, पाई नहीं मिल रहा होता, पाई की जगह 3.14 आपको नजर आ रहा होगा, दैट्स इट, और नजर नहीं आ रहा होगा आपको। अगर आप खुद ड्रॉ करना चाहो तो वो खुद ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं एक लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, ये सिंपल लाइन होगी y इज इक्वल टू पाई, तब आपको नजर आएगा कि यार ये पाई से ऊपर नहीं जा रहा, पाई कहाँ, ये इस आपको नजर आ सकता है। अब जरा गौर से देखो, ये ग्राफ है कॉट इनवर्स का, आपने भी पढ़ा है कॉट इनवर्स की रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है कि आउटपुट उसका क्या आएगा, मैंने बताया था 0 से लेके पाई, मतलब कभी नेगेटिव आउटपुट नहीं आएगा। तो देखो ये कॉट इनवर्स का पूरा ग्राफ है, ये 0 से ऊपर रहेगा हमेशा, और ये वैल्यू पाई है, पाई से हमेशा नीचे रहेगा। आप देखो कभी भी ये, कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अगर आप जूम करोगे ना एक सेकेंड, तो आपको नजर आएगा यार इनमें फर्क है कुछ, ठीक है। तो तभी मैंने बताया था कॉट इनवर्स का आंसर हमेशा आपको 0 से लेके पाई के दरमियान मिल रहा होगा। अच्छा जी, अगर मैं यहां पे बात करूं टेंजेंट इनवर्स की, यहीं पे ना मैं टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ बनाता हूं, एक सेकेंड फंक्शन यूज कर लेते हैं ना, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब जरा टेंजेंट इनवर्स का ग्राफ देखो, ये देखो, ये टेंजेंट इनवर्स का ग्रीन वाला है। टेंजेंट इनवर्स के ग्राफ में कॉमन बात क्या नजर आ रही है, इसका ग्राफ ये जो है ना, ये 90 मतलब ये पाई बाय 2 है। अगर मैं ड्रॉ करूंगा तब आपको नजर आएगा y इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड का डिवाइड 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 का डिवाइड, ये रहा पाई डिवाइडेड बाय 2, और एक और लाइन बनाते हैं y इज इक्वल टू माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2, ये दो लाइन है। अगर आप देखो ग्रीन वाला टेंजेंट का ग्राफ है, देखो मैंने क्या बताया था टेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या है, मतलब क्या आउटपुट आपको मिलेगा, माइनस 90 से लेके 90 मिलेगा रेडियन के अंदर, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, मतलब अगर पॉइंट में कन्वर्ट करो ना तो माइनस 1.5 से लेके तकरीबन 1.5 तक आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये ग्रीन ग्राफ जो है, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पाई बाय 2 है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, ये देखो ये पाई बाय 2 लाइन है। तो देखो पाई बाय 2 से कभी भी ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, इसी तरह नीचे वाली लाइन जो मैंने बनाई है ये माइनस पाई बाय 2 की है, कभी भी आपका हमेशा माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के दरमियान आपको मिलता है।
तो अब देखो कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स के ग्राफ मैंने आप लोगों के सामने बनाए हुए हैं। जब तक फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाएगी, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है पूरा, जीरो से बाहर जाओगे ना कोई भी अगर आप पॉजिटिव एक्स पुट करोगे तो देखो दोनों के ग्राफ जो है ना वो आपको नजर आ रहे हैं कि ये दोनों जो है वो एक ही क्वाड्रेंट के अंदर है। मतलब रेड वाले ग्राफ की वैल्यू भी आपको पॉजिटिव मिल रही है, ग्रीन वाले की भी पॉजिटिव मिल रही है। ऑब्वियसली फर्क है इसके अंदर क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स के, लेकिन आपको असल बात यहाँ पे क्या नजर आ रही है, दोनों के आंसर आपको पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको मिल रहा होगा जीरो से लेके पाई बाय टू के दरमियान ही आपको दोनों ग्राफ नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एक्स नेगेटिव पे जाते हो, ये जीरो के बाद इस तरफ जब आप आ जाओगे तो एक्स नेगेटिव होगा। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो टेंजेंट के केस में आपको आंसर मिल रहा है जीरो से लेके माइनस पाई बाय टू के दरमियान, और कॉट के केस में आपको आंसर मिल रहा है पाई बाय टू से लेके पाई के दरमियान। मतलब वही इसमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मिल रहा है, इसमें आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है। तो ये बैलेंस कैसे होगा कि जस्ट आप ये टेंजेंट इनवर्स एक्स है ना, मैं क्या करता हूँ इसके अंदर पाई ऐड करता हूँ, जो चीज बताना चाह रहा हूँ नजर आएगी। अब ये पाई ऐड करने पे आपको अभी देखना नहीं वैसे ग्रीन ग्राफ को, जस्ट मैं क्योंकि मैंने असल चीज अगर बनाना चाहूँ तो ये बनाऊंगा वन अपॉन, ये बनाना चाह रहा हूँ मैं, इसको मिटा देते हैं। ये इक्वेशन मैंने लिखी थी कॉट इनवर्स बराबर है टेंजेंट इनवर्स वन अपॉन एक्स प्लस पाई। अब अगर आप देखो ये ऊपर वाले को छोड़ दो क्योंकि ये जाहिर सी बात है ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है ना कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स प्लस पाई, ये उसी वक्त वैलिड है जब एक्स आपका नेगेटिव होगा। तो जस्ट आप नेगेटिव एक्स को देखो, ये ग्रीन ग्राफ जो है और रेड वाला ग्राफ देखो एक दूसरे के ऊपर है, ये ग्रीन ग्राफ भी इसी तरीके से और इसके नीचे रेड वाला ग्राफ था। अब मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ कि कॉट इनवर्स और टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स प्लस पाई बराबर है उस वक्त जब एक्स नेगेटिव है, ये आपको नजर आ रहा है। जैसे एक्स नेगेटिव है देखो ग्रीन वाला ग्राफ और रेड वाला ग्राफ मिल चुके हैं, और अगर आप इसके अंदर जस्ट ये पाई हटा दोगे तो अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये ग्रीन वाला ग्राफ देखो पॉजिटिव एक्स के ऊपर देखो रेड ग्राफ के ऊपर आ गया। क्या मतलब इसका कि कॉट इनवर्स और टेंजेंट ऑफ वन अपॉन एक्स कब बराबर होंगे, जब एक्स पॉजिटिव होगा। तो मसला भी डिस्कस कर दिया और ग्राफ के जरिए से आपको बता भी दिया कि ये दोनों कब इक्वल होंगे और पाई ऐड करेंगे तो ये कब इक्वल होंगे, डिटेल में टॉपिक कम। अच्छा देखो बच्चों, अभी तक हमने ये तीन पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, अब मजीद मैं तीन पॉइंट डिस्कस करने लगा हूँ। ये एमसीक्यूज में काफी आते हैं, काफी पूछे जाते हैं, देख लो जरा क्या है। तीन किस्म के पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, साइन इनवर्स, साइन थीटा किसके बराबर होगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कॉस इनवर्स, कॉस थीटा, ये चीज पूछी जा सकती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है टेंजेंट इनवर्स और इसके अंदर लिखा होगा टेंजेंट थीटा, इस तरीके के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ज्यादातर इसमें पूछते हैं। बाकी आप मजीद तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर इनमें पूछे जाते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो असल में आपको देखना है कि नॉर्मली बच्चे क्या समझते हैं कि साइन इनवर्स को साइन से आप कैंसिल कर दो, आंसर जो है वो इसका थीटा के बराबर हो जाएगा। सेम इसमें कॉस को कॉस इनवर्स से कैंसिल करो थीटा, इसमें इस तरह करो थीटा, ये काम आप कर सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अगर जो यहाँ पे एंगल मौजूद है ना वो इनके इनवर्स की रेंज में आने चाहिए। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स लिखा हुआ है ना, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस 90 से लेके 90। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा एंगल लिखा हुआ है जो माइनस 90 और 90 के दरमियान है तो उसका आंसर वही होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए कि बताओ साइन इनवर्स साइन 30 किसके बराबर है, एक लंबा वाला तरीका क्या है कि आप साइन 30 की वैल्यू निकालो फिर साइन इनवर्स उस पर निकालो। उसका आसान तरीका क्या है कि आप इनको कैंसिल करो, रिजल्ट में आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। सेम अगर यहाँ पे बिलफर्ज अगर आपके पास 60 आ जाता तो आप रिजल्ट में 60 आ जाता कैंसिल करके। तो ये कैंसिल वाला काम आप उसी वक्त कर सकते हो जब आपके पास यहाँ जो थीटा है ना वो थीटा अगर इस रेंज के अंदर होगा तभी आप कर सकते हो। अगर इस रेंज के अंदर नहीं है तो मसला हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपके पास आ जाए साइन इनवर्स साइन 120 तो अब आप ये कैंसिल वाला काम नहीं कर सकते कि साइन को मैं साइन इनवर्स से कैंसिल कर दूं और मेरे पास आंसर 120 आ जाएगा। अब ये काम आप नहीं कर सकते। तो अब इसका हल क्या है, मैं आपको हल बता देता हूं कि इसका आंसर क्या लिखोगे, 120 तो इसका आंसर नहीं आएगा, ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो और फिर सॉल्व करके निकाल लो, ज्यादा बेहतर यही रहेगा। कैसे कि मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई हुई थी कि साइन 120 जो है ये क्या होता है, मैंने बताया था रेफरेंस एंगल निकालना, तो 120 का रेफरेंस एंगल निकालोगे 60 आएगा। तो साइन 60 क्या होता है, रूट 3/2, सेकेंड क्वाड्रेंट में बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। कैलकुलेटर के बगैर बता रहा हूं, अगर कैलकुलेटर है फिर तो मसला ही नहीं है, डायरेक्ट पुट करो कैलकुलेटर में आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेटर के बगैर अभी डिस्कशन हो रही है कि साइन 120 आपने निकाला, आपको पता है √3/2 है, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2।
अब आप क्या करोगे, साइन इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू निकालोगे। अच्छा अभी तक हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा है, हमने ये चीज नहीं देखी इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। आपके पास साइन इनवर्स 1/2 आ जाए, साइन इनवर्स रूट 3/2 आ जाए, सब आ जाए, आप कैसे निकालोगे? भाई इनके निकालने का एक ही तरीका होगा, वो क्या है कि आपको सबसे पहले रिवर्स पता होना चाहिए। मतलब आपके पता होना चाहिए कि साइन किस एंगल पे रूट 3/2 होता है, मैं विदाउट कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए साइन किस एंगल पे रूट 3/2 होता है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा आपको इनकी रेंज पता होनी चाहिए। चलो ये ना भी पता हो, बस आपको इतना पता हो कि साइन किस एंगल पे रूट 3/2 होता है, तो आपको अगर ये बात याद होगी तो आपको पता था कि साइन 60 जो है ना वो रूट 3/2 होता है। तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स रूट 3/2 क्या हो जाएगा, सिंपल 60 के बराबर हो जाएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरह निकाल दोगे। मैं इसी टॉपिक को मजीद डिस्कस करता हूं, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज निकालना हम सीखते हैं। लेट से आपके पास आ जाए साइन इनवर्स -1/2, आप फिलहाल माइनस को इग्नोर कर दो। अब अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे कॉन्सेप्ट आपको कंबाइन करने पड़ेंगे इसके अंदर। साइन इनवर्स -1/2 विदाउट कैलकुलेटर आपको चाहिए। आप सबसे पहले देखो -1/2 होता क्या है, भाई -1/2 नेगेटिव है ना, साइन कहां पे नेगेटिव होता है, साइन थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, इतनी बात तो आपको पता होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको साइन इनवर्स की रेंज भी पता होनी चाहिए, सब टॉपिक मैंने बताया था कंबाइन करने। साइन इनवर्स की रेंज सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि -90 और 90 के दरमियान होती है। तो पहले आपने देखा कि साइन नेगेटिव कहां पे होता है, साइन यहां पे भी नेगेटिव हो सकता है, साइन यहां पे भी नेगेटिव हो सकता है। फिर आपने रेंज देखी तो आपको नजर आया कि यार 0 से लेके -90 ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, साइन की रेंज क्या होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मतलब आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मिलना चाहिए। तो ये वो आपका राइट क्वाड्रेंट है, थर्ड वाला आप पिक नहीं कर सकते। तो इस चीज का जो भी आंसर होगा वो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, यहां तक आप पहुंच गए। अब इससे आगे कैसे पहुंचोगे, बहुत आसान तरीका है, आप माइनस को इग्नोर कर दो, जस्ट ये बताओ कि साइन इनवर्स साइन किस एंगल पे 1/2 होता है। आप अपने आप से पूछोगे कि साइन किस एंगल पे 1/2 होता है, आप बोलोगे 30 पे साइन 1/2 होता है। तो जस्ट क्या करो, अगर 30 पे 1/2 होता है तो -1/2 पे क्या हो जाएगा, -30°। इस तरीके से मालूम करोगे। तो पहले आपने क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया, जैसे क्वाड्रेंट डिसाइड हुआ फिर आप देखोगे नेगेटिव अगर आ गया तो नेगेटिव को इग्नोर करके वैसे सोचो किस पे होता है, फिर आप नेगेटिव लगा देना। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डिफरेंट तरीके हैं, तभी मैं सबकी एग्जांपल दूंगा और मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह विदाउट कैलकुलेटर निकाल रहा हूं, वो ट्रिक आप लोगों को भी आनी चाहिए। पॉजिटिव की तो डिस्कशन होती रहती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन इनवर्स लेट से 1/√2 आ रहा है, पॉजिटिव का तो कोई मसला नहीं है, आपको बता होना चाहिए साइन किस एंगल पे 1/√2 होता है, 45 पे, पॉजिटिव का तो नॉर्मली इतना मसला बच्चों को नहीं हो रहा था। अब चलो हम डिफरेंट फंक्शंस पे आते हैं। लेट से आपसे पूछ रहे हैं कॉस इनवर्स को वैल्यू दे दें, लेट से √2/2। अभी √2/2 क्या होता है, सिंपल 1/√2 होता है। तो अगेन आपको बताना चाहिए कॉस किस पे √2/2 होता है, 45 पे होता है। तो कॉस इनवर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 45 हो जाएगा। और कॉस के केस में आपको पता होना चाहिए इसकी डोमेन 0 से लेके π है, मतलब आप इन्हीं दो क्वाड्रेंट में एंगल दे सकते हो फर्स्ट और सेकंड में। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर कुछ नेगेटिव आ जाए, ये ट्रिकी है, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए -√3/2 का कॉस इनवर्स, ये अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए, अब अगेन आपके जहन में सबसे पहले क्या आना चाहिए, विदाउट कैलकुलेटर अगर आपको निकालना आपके जहन में क्या आएगा, सबसे पहले नेगेटिव है ये, कॉस किस एंगल पे नेगेटिव होता है, मतलब कॉस कहां पे नेगेटिव होता है, क्या होता है, 150। हाँ वैसे बिल्कुल सही बताया, 150 होगा इसका। प्रोसेस क्या करना है, आप सबसे पहले देखना है कॉस नेगेटिव कहां पे होता है, आपको पता होना चाहिए कॉस सेकंड में और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो इतना आपको पता चला है कि जो इसका आंसर होगा ना वो या तो सेकंड में होगा या थर्ड में होगा, इतना आपको बताना चाहिए। फिर आप आगे मूव करो, भाई कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेके π, इसका मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 180 तक आप जा सकते हो, इस वाले में तो आपको 180 से नीचे जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये वाला हो ही नहीं सकता। क्या डिसाइड हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही एंगल होगा, ये यहां तक आप पहुंच गए कि यार इस पूरी चीज का आंसर क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब बस रह गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना किस तरीके से, अब आखिरी चीज रहेगी, इतना आपको बदल गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप माइनस को जरा इग्नोर कर दो, आप सिंपल ढूंढो कॉस इनवर्स √3/2 कहां पे होता है, अभी आपको पता होना चाहिए कॉस 30 पे √3/2 होता है। तो आप क्या करो, सेकंड क्वाड्रेंट में जाके एक 30 का एंगल बना लो, आपको पता है कॉस 30 √3/2 होता है ना, आपको पता था कि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है, आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाके एक 30 का एंगल बना लो, बना लिया आपने, तो अब ये पूरा एंगल कितने का होगा, 150 का होगा। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 150। अब ये सारा प्रोसेस चल रहा होगा,
विदाउट कैलकुलेटर इनवर्स की आपने इस तरीके से वैल्यूज निकाल दी। अब मजीद को वैल्यू पिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉस इनवर्स माइनस 1/2 आ रहा है, सेम दोबारा ये काम करता है, ठीक है। नेगेटिव है, इसका मतलब सेकंड या थर्ड में होगा। कॉस इनवर्स की रेंज आपको बता दी कि थर्ड में आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब सेकंड में ही होगा। अच्छा माइनस को इग्नोर करो, कॉस 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, कॉस 60 1/2 होता है, तो आप क्या करो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ और 60 का एंगल बना दो। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। और भी ट्रिक आपको मार्केट में मिल सकती है, लेकिन ये वो तरीका मैं बता रहा हूं जो सबसे शॉर्टेस्ट है, जो अगर आपकी प्रैक्टिस में आ गया, क्योंकि नॉर्मली साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स इन्हीं का देते हैं ज्यादातर, तो अगर ये आपके जहन में आ गया आसानी से कर सकते हैं, तो आपको मसला नहीं होगा। पर अगर बाकी आ गए तो आप उनको कन्वर्ट कर लोगे, जैसे कॉट इनवर्स आ गया आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, तो वो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टैन इनवर्स ये अगर आपको आ गए ना, बाकी आप आसानी से निकाल सकते हो। सिंपल फंक्शन की वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, इनवर्स की आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब जरा टेंजेंट में जाते हैं जल्दी से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है टेंजेंट इनवर्स √3। देखो अगर पॉजिटिव है फिर तो मसला नहीं है, आपके जहन में जस्ट ये आना चाहिए कि टेंजेंट किस पे √3 होता है, टेंजेंट 60 पे √3 होता है, इतना पता होना चाहिए आपको। तो आप इसके आंसर में डायरेक्ट क्या लिख दोगे 60 डिग्री। रही बात अगर नेगेटिव आए तब क्या करना है, तब असल सवाल होता है। अब नेगेटिव आ रहा है, आपको ये पता होना चाहिए टेंजेंट नेगेटिव कहां पे होता है, सेकंड एंड फोर्थ में, मतलब आपका एंगल या तो सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा। वरना टेंजेंट इनवर्स और के टेंजेंट नेगेटिव ही नहीं होता ना, इन दो क्वाड्रेंट के अलावा नेगेटिव ही नहीं होता, इसी में होगा, तो या तो इसमें आंसर होगा या इसमें आंसर होगा, ठीक है। फिर आपके जहन में क्या आना चाहिए भाई, टेंजेंट इनवर्स की रेंज क्या होती है, -90 से लेके 90 तक। तो इसका मतलब इस वाली रेंज के जितने भी एंगल है वो इस वाले क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं सकते भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल इस रेंज के अंदर कैसे आएगा, नहीं आ सकता। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ही है जिसमें एंगल होगा इसका। आपने इतना इसको कहते हैं फिल्टर कर लिया कि आपको इतना पता चल गया इसका जो आंसर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, सिंपल इतना आपको पता चल गया। अब आप मजीद नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, आप जरा देखो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 कहां पे होता है, आपको पता होना चाहिए जब टेंजेंट 30 मालूम करते हैं तो 1/√3 आता है। अब देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते होंगे तो विदाउट कैलकुलेटर इनको भी निकाल लेंगे, तो टेंजेंट 30 क्या होता है 1/√3, इतना आपको पता चल गया। आप जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 का एक एंगल बना दोगे, जो भी आपने एंगल बनाया उसको बस नेगेटिव कर दो, क्योंकि नेगेटिव होते हैं ना यहाँ पे आपको पॉजिटिव वाला नहीं निकाल देते, क्लॉकवाइज ही आप जा रहे होते। तो जो आपने नेगेटिव एंगल निकाला टेंजेंट इनवर्स के केस में, जो भी नेगेटिव वैल्यू है ना हमेशा उसके रिजल्ट में कुछ नेगेटिव एंगल आपको मिल रहा होता है, तो उसका मतलब -30 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर। जैसे आपने यहाँ पे किया था साइन इनवर्स -1/2 कैसे निकाला था भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है क्योंकि साइन नेगेटिव या तो थर्ड में होता है या फोर्थ में होता है, साइन की रेंज बता रही थी कि यार फोर्थ में आपने डिसाइड करना है, तो साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है 30 डिग्री, तो फोर्थ में 30 डिग्री का बनाओगे तो वो क्लॉक वाइज क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। इस तरीके से आप नेगेटिव निकाल रहे हो। अगर बिलफर्ज इनके अलावा कुछ और आ जाए, लेट से आपको बोल दें कॉट इनवर्स -√3 निकालो, कोई मसला नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, बस इतना जहन में पता होना चाहिए कि अगर एक्स नेगेटिव है तो फिर कॉट इनवर्स का ये फॉर्मूला नहीं होगा, ये होगा सेम फॉर्मूला, बस पाई ऐड करना होगा। तो कॉट इनवर्स -√3 किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स, इसको रेसिप्रोकल कर दो -1/√3 प्लस पाई, बस। अब आपको अगेन टेंजेंट इनवर्स निकालना है और अगेन ये निकालना मसला नहीं है, इनफैक्ट यही ऊपर आपने निकाला था, तो आपको पता टेंजेंट इनवर्स -1/√3 क्या होता है, -30, उसके अंदर पाई ऐड कर दो, पाई मतलब 180 होता है ना, तो ये सिंपल क्या हो जाएगा 150 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा 150। तो कोई और आ जाए, और इन वाले केस में तो मसला भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, सिंपल सेक इनवर्स आ रहा है वो बराबर होगा कॉस इनवर्स 1/x के, और कॉस इनवर्स निकालने का तरीका मैंने बता दिया। इसी तरह कोसेक इनवर्स आए साइन इनवर्स में चेंज करना, साइन इनवर्स का तरीका बता दिया। तो विदाउट कैलकुलेटर की वैल्यू कैसे निकालनी वो मैंने आपको बताया। कोई सवाल यहां तक? नहीं। अब आ जाओ दोबारा टॉपिक के ऊपर। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि जो आप कैंसिलेशन कर रहे हो या डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन थीटा देख लेना अगर इस रेंज के अंदर है तो बेस्ट है, डायरेक्ट कैंसिल करना वही आंसर लिखना। जैसे अगर साइन इनवर्स साइन 60 है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, साइन साइन उसको कैंसिल करो, आंसर में 60 लिख दो। लेकिन अगर यहाँ पे 120 आ रहा है, अब आपको पता है 120 इसके अंदर नहीं आता, तो सिंपल एक तरीका क्या करो, मैनुअली निकाल लो, साइन 120 की वैल्यू निकालना सिखाई भी है, ये आ जाएगी। फिर आपको पता है साइन इनवर्स √3/2। अब अगेन जैसे मैं वहां पे आप लोगों को बुरा समझा रहा था कि पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन आपको पता है जो साइन इनवर्स की रेंज है वो फर्स्ट में होती है या फोर्थ में होती है, इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट के अंदर ही होगा, फर्स्ट के अंदर सिंपल 60 डिग्री होगा।
तो जैसे मैंने तरीका बताया आप उस तरीके से इसकी वैल्यू निकालना 60 आ गए। तो अगर यहाँ पे एंगल इजी है मतलब इसके अंदर है डायरेक्ट कैंसिल करोगे, अगर इसके अंदर नहीं है तो फिर ये टेक्निक काम नहीं आएगी। अगर कैलकुलेटर है फिर तो मसला नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये पुट करोगे वो तो तुम्हें 60 आंसर दे देंगे। अच्छा बाकियों का क्या होगा, जैसे इस केस में है अगेन थीटा के बराबर कैंसिल कर सकते हो उस वक्त जब थीटा यहाँ पे क्या होगा जीरो से लेके पाए, जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है ये वो वैल्यूज है जो बार बार आएंगी, इसलिए याद कर लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइन इनवर्स की रेंज ये होती है, कॉस इनवर्स की रेंज ये होती है। तो अगर पेपर में आपके पास सवाल आता है कॉस इनवर्स कॉस 170 डिग्री, अब देखो ये वैल्यू निकाल नहीं सकते आप, कॉस 170 विदाउट कैलकुलेटर नहीं निकाल सकते आप, लेकिन अगर आपको सिंपल ये बात पता होगी कि यार अगर यहां पे एंगल इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर है जीरो और 180 के दरमियान 170 आ, तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इनको कैंसिल करूंगा, मेरे पास आंसर 170 आ। ठीक है, तो ऐसे फालतू एंगल आ सकते हैं इस वाले केस के अंदर, इनके दरमियान कोई भी फालतू एंगल दे दे 43 दे दें आपको, अब आप बोलो 43 कैसे निकालो, मैं कुछ नहीं निकालो कैंसिल करो 43 लिख दो आप। लेकिन अगर इसके अंदर मौजूद नहीं है, लेट से आपके पास आ जाए कॉस इनवर्स कॉस माइनस 30 आ जाए, वैसे कॉस माइनस 30 जो है इसको आप ला तो सकते हो क्योंकि कॉस माइनस 30 सिंपल कॉस 30 के बराबर हो जाएगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट 30 हो जाएगा। चलो मैं कोई और एंगल देता हूँ, लेट से मैं आपको दे दूं 210, अब आपको पता है भाई 210 तो इसके अंदर नहीं आता, आप डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, इतना आपको पता चल गया। तो आप क्या करो मैनुअली सॉल्व कर लो, कॉस 210 डिग्री आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था किस तरीके से निकालते हैं, टॉपिक सारा क्लियर कर चुका हूं। 210 डिग्री का रेफरेंस एंगल जो है वो 30 होगा, कॉस 30 क्या होता है रूट 3/2, थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस रूट 3/2। और यहीं पे मैं हल में सिखाया था मैंने कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 कैसे निकालना है, बताया बता, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। तो हर केस में कैंसिल नहीं कर देना, हर केस में ये वैलिड नहीं है, उसी वक्त वैलिड है जब जीरो से लेके पाई के दरमियान होगा, तब आंखें बंद करके कैंसिल कर लेना। ठीक, और इसकी मैं एग्जांपल दे रहा, खुद ही समझ लेना, इसमें अगेन वही जो साइन इनवर्स के अंदर है ना, बस इसमें पाई और 90 शामिल थे, इसमें नहीं शामिल होंगे। तो अगर इसके अंदर एंगल मौजूद है तो डायरेक्ट कैंसिल कर दो, लेट से टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 45 इसके अंदर आता है कैंसिल करो डायरेक्ट 45 लिख। और अगर इसके अंदर नहीं आ रहा तो फिर वही लंबा काम आपको करना है कि पहले टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेना, जो वैल्यू आए उसका टेंजेंट इनवर्स ले लेना, वहां पे सिखा दिए मैंने, आपको पता चल जाएगा। तो ये तीन काम की चीजें हैं, ज्यादातर अगर एमसीक्यूज में कंफ्यूज नहीं कर रहे ना तो इसके अंदर ही वो आपको एंगल दे देंगे ताकि टाइम आपका बच जाए, लेकिन अगर थोड़ा कंफ्यूज करना चाहें तो इस टाइप की पॉसिबिलिटीज आपको दे सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं साइन को बाहर ले आता हूं, साइन इनवर्स को अंदर ले जाता हूं। अब यार कोई भी मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, आसानी से जो भी एक्स आएगा आप कैंसिल कर देना डायरेक्ट, क्योंकि अगर सिंपल फंक्शन बाहर है और इनवर्स अंदर है तब मसला नहीं है, अगर इनवर्स बाहर है सिंपल अंदर है तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। इसमें आपको ख्याल नहीं रखना, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपको कंफ्यूज ना कर दें, बस ये ध्यान में रखना, कंफ्यूज करने का मतलब ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स के अंदर आप जो भी एक्स पुट करोगे वो 1 से ग्रेटर ना हो, मतलब ये सिचुएशन में नहीं लिख देना, फिर तो आप बहुत बेवकूफ माने जाओगे। लेट से आपके पास आ जाए साइन इनवर्स 2, तो आप बोलो सर ने कहा था क्लास में कि अगर नॉर्मल फंक्शन बाहर है तो डायरेक्ट हम कैंसिल कर देंगे, आंसर 2 लिख देंगे, ये गलती नहीं कर देना। क्यों? क्योंकि इतना बेसिक पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 2 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इधर एक्स के अंदर आप 1 से ग्रेटर कुछ पुट ही नहीं कर सकते, बेसिक सी बात ये तो पता होनी चाहिए। अगर ये पता है That's it, आप बोलोगे भाई इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है, ज्यादातर देते नहीं है, लेकिन अगर दे दें तो बोल देना पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कोई भी अगर वैल्यू आ जाए, मतलब इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू अगर इस रेंज के अंदर है, जो कि आपको पता है कि साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो 1 और माइनस 1 के अंदर ही आप पुट करते हो, तो अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है, दैट्स इट, आप आसानी से कैंसिल कर सकते हो उसको। लेट्स से यहाँ पे 0.5 आ जाए, आंसर 0.5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाए, आंसर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0.1। अब देखो कुछ अजीब सी वैल्यूज भी आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 0.1, अब इसको विदाउट कैलकुलेटर साइन इनवर्स 0.1 निकाल नहीं सकते आप, लेकिन आपको किसने कहा निकालने का, आप डायरेक्ट इनको कैंसिल करो और आंसर में 0.1 लिख दो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो एक्स है वो इसके अंदर है, सेम इसका भी यही है, एक्स इसके अंदर होना चाहिए, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का आपको पता सेम है, और टेंजेंट के अंदर तो बच्चों मसला ही नहीं है, आपको पता है टेंजेंट इनवर्स के डोमेन सब रियल नंबर होती है, आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हो, यहाँ कोई मसला नहीं है, 1 से बड़ा छोटा ना हो, कोई भी रियल पुट कर दो, आपको हमेशा ये सेटिस्फाई होते हुए नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे एक्स रियल है, इधर तो घबराने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा अब मजीद और पॉइंट डिस्कस करते हैं, 3 पॉइंट और हैं।
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा बराबर होगा 90 के, कॉस इनवर्स एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स हमेशा बराबर होगा 90 के, सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स हमेशा बराबर होगा 90 के। इनके प्रूफ भी होते हैं, इनके प्रूफ सीख कोई खास बातें सीखनी नहीं है उसके अंदर, आप लेट अल्फा बीटा करके आसानी से कर सकते हो प्रूफ। चीज क्या है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर पेपर में आपके पास सवाल आ जाए कि बताओ साइन इनवर्स 0.25 प्लस कॉस इनवर्स 0.25, अब अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगी, ट्रिक नहीं फॉर्मूला ये, अगर ये नहीं पता होगा तो देखो साइन इनवर्स 0.25 तो नहीं निकाल सकते आप, साइन किस एंगल पे 0.25 था ये तो पढ़ा ही नहीं है आपने, विदाउट कैलकुलेटर तो नहीं निकाल सकते आप। हाँ अगर कैलकुलेटर होगा डायरेक्ट पुट करोगे तो 90 मिल जाएगा, लेकिन आपको बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स ऐड हो रहे हैं और इनके अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो सेम है, तो दोनों में एक्स एक्स सेम चीज लिखी हुई है, तो डायरेक्ट बच्चों इसका आंसर 90 डिग्री हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं आपने। सेम चीज टेंजेंट इनवर्स कॉट इनवर्स के अंदर भी यही है, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स के अंदर भी है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वंस आपने देखा कि इनके अंदर की वैल्यू सेम है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स ऐड हो रहे हैं, डायरेक्ट आंखें बंद करके 90 लिख देना। अगर टेंजेंट इनवर्स कॉट इनवर्स आ जाए अंदर की वैल्यू सेम है, डायरेक्ट 90 लिख देना, सेम सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए। तो कितने काम का फॉर्मूला है, मजीद आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था, आपने सिंपल पढ़ा था ना कि चलो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इसका बहुत छोटा सा प्रूफ है। आपने देखा था कि साइन के अंदर जब मैं कुछ नेगेटिव पुट करता था तो वो नेगेटिव बाहर आ जाया करता, बात याद है ना सबको पता होके। इसी तरह टेंजेंट के अंदर जब मैं नेगेटिव एक्स पुट करता था तो ये नेगेटिव बाहर आ जाया करता था क्योंकि ऑड फंक्शन है, जबकि कॉस के अंदर ऐसा नहीं होता था, वो पॉजिटिव ही रहता था। तो ये तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। इनवर्स के अंदर क्या ये प्रॉपर्टी है, क्या मतलब कि अगर मैं यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स पुट करूं तो क्या इस माइनस को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, क्या ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है इसका, देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मसला होगा ना, इसलिए प्रूफ करवा रहा हूँ। मैं वहां पे करवाता हूँ प्रूफ जहां पे कोई नई चीज सीख रहे हो आप, कोई नई ट्विस्ट आ रहा है उसके अंदर, तो चलो मजा भी आता है ना बताने का। अज्यूम कर लो साइन इनवर्स माइनस एक्स के रिजल्ट में कोई एंगल आएगा ना, अज्यूम कर लिया, जुगाड़ क्या है इसको दिल ले आओ, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस एक्स। इस माइनस को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दो, मैथ ने तो अलाउ किया हुआ है हमें। ये शिफ्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, जो माइनस साइन थीटा है आपको पता है माइनस साइन थीटा किसके बराबर था, सिंपल मैं इस माइनस को अंदर लेके जा सकता हूँ। ये बेसिक बात मुझे पता थी कि अगर माइनस बाहर है तो मैं इसको अंदर लेके जा सकता हूँ, अगर अंदर है तो बाहर लेके जा सकता हूँ, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब इस साइन को आप उधर ले जाओ, ये उधर उधर कुछ नहीं लेके जाते, दोनों तरफ साइन इनवर्स अप्लाई करते हैं, असल कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये साइन हो जाके साइन इनवर्स हो गया, ये माइनस है ना, माइनस को उधर ले जाओ, तो ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों इक्वेशन को देखोगे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये जो मैं फॉर्मूला लिखवा कि अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस एक्स आ जाए तो इस माइनस को आप बिल्कुल बाहर निकाल सकते हो, दोनों आपस में बराबर है। सेम काम इस तरह टेंजेंट के केस में भी प्रूव कर सकते हो, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होगा माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स के। जब बात कॉस की आती है तब थोड़ा ट्विस्ट आता है, कॉस माइनस एक्स करते अगर इस पैटर्न पे लिखे तो सुलन तौर पे इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, कॉस इनवर्स अगर आप माइनस फॉर एग्जाम्पल 1/2 निकालो, तो अगर आप कॉस इनवर्स माइनस 1/2 निकालोगे क्या आएगा, आपको 120 मिलेगा। ठीक है, तो क्या ये बराबर है कॉस इनवर्स एक्स के, मतलब कॉस इनवर्स माइनस 1/2 क्या बराबर होगा कॉस इनवर्स 1/2 के, नहीं, कॉस इनवर्स 1/2 जो है तो सिंपल 60 डिग्री होता है, इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं है। अच्छा बाकी केसेस में आपको नजर आएगा, बाकी का भी मैं प्रूफ बता देता हूँ। लेट से आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स को इजी वैल्यू लेते हैं माइनस 1/2, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 बराबर होगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 के, चेक करके देख लो। साइन इनवर्स माइनस 1/2 निकालना, आपके पास आंसर आएगा माइनस 30। ठीक है, साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, 30, 30 को माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस 30, इसका मतलब लेफ्ट और राइट यहाँ पे बराबर है, लेकिन इस वाले केस में लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होगी। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है 120, कॉस इनवर्स एक्स है 60, निकाल के दिखाया था आप लोगों को अभी, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और कॉस इनवर्स 1/2 फर्क है इसके अंदर, इसका मतलब कॉस के केस में ये वाली चीजें नहीं है। अब क्या करें हम, जरा उस पर आ जाते हैं, देखो ट्विस्ट आ गया ना, कॉस मसला कर रहे हैं यहाँ पे,
तो सिंपल इसका भी छोटा सा प्रूफ है कि आपको पता था कि इस चीज को आप लेट कर लो कॉस इनवर्स माइनस एक्स थीटा के बराबर है, कॉस थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा माइनस एक्स के, माइनस को यहाँ पे शिफ्ट करवा दो। अब देखो यहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते थे जो आपने साइन के अंदर किया था, ये नहीं कर सकते ना, ये ट्विस्ट है यहाँ पे कि आपको पता है अगर कॉस के अंदर नेगेटिव आता था तो वो नेगेटिव बाहर तो नहीं आता था, वो तो खत्म हो जाया करता था। इसका मतलब माइनस कॉस थीटा को आप इस फॉर्म में लिख नहीं सकते, अगर इस फॉर्म में लिख सकते तो फिर ये वो बराबर हो जाते आपस, मतलब माइनस को बाहर निकाल लेते, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, माइनस कॉस थीटा को लिखने का एक और तरीका होता है कॉस पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा। आपको मैंने अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट दिया था चैप्टर नंबर 10 में कि 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, कॉस है तो रिजल्ट में कॉस आएगा और ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वहां जाके देख लेना सारा कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, इस कॉस को उधर ले जाऊंगा तो ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, थीटा निकालूंगा, थीटा कैसे आएगा, थीटा को उधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस इनवर्स को उधर ले आओ तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस। तो ये अब इन इक्वेशन को अगर आप इक्वेट करवाओ तो आप इस नतीजे पे पहुंचोगे कॉस इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा माइनस कॉस थीटा को किसी और फॉर्म में भी आप लिख सकते हो लेकिन फिर लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होगी आपस में, दैट्स व्हाई मैंने माइनस कॉस को इसी फॉर्म में लिखा था। तो छोटा सा प्रूफ भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, माना डायरेक्ट ये फॉर्मूला बताया जाता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब आप ये वेरीफाई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो वेरीफाई कर लो। लेट से मैं कॉस इनवर्स के अंदर पुट करता हूं माइनस 1/2, आंसर मुझे मिलेगा 120 डिग्री। ये चीज क्या है, ये चीज है पाई माइनस कॉस इनवर्स, माइनस 1/2 था ना तो माइनस को इग्नोर करके 1/2 पुट करो यहाँ पे, कॉस इनवर्स 1/2 60 होता है, 180 माइनस 60 120, तो लेफ्ट और राइट आपकी बराबर आ गई। तो चाहो तो आप इस तरह प्रूव भी कर सकते हो, लेकिन ये मजीद तीन फॉर्मुले हैं इनको भी आप लोग ध्यान में रखें। अच्छा ये कुछ फॉर्मुले हैं जो न्यू सिंध बोर्ड की बुक में भी हैं और पंजाब बोर्ड की बुक में भी आपको मिलेंगे, ये फॉर्मुले एमसीक्यूज में काम आ सकते हैं, इनको रटना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है और सिंपल रटना है, कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, प्रूफ है इनके वो बुक में लिखे हुए होंगे लेकिन रट लो क्योंकि ये एमसीक्यूज में काफी काम आएंगे, मैं एग्जांपल भी दूंगा ना तो साथ समझ आ जाएगी आपको, तो जरा इन फॉर्मुलों को रट लो तो बेहतर है। ये है साइन इनवर्स ए प्लस माइनस साइन इनवर्स बी, वैसे अगर रटोगे नहीं ना तो लंबा प्रोसेस एमसीक्यूज के हिसाब से बड़ा पड़ेगा, तो बेहतर रट लो आसानी से, लेकिन उनको रटना इतना मुश्किल नहीं है, मैंने तो याद नहीं किया हुआ, मैं बताता हूँ किस तरीके से याद कर सकते हो, एक छोटा पैटर्न नजर आता है आपको उनके में 1 - a² तो ये इन दोनों के फॉर्मुले हो गए। अच्छा अब कॉस इनवर्स के देखो, ये होगा सिंपल कॉस इनवर्स, अच्छा ए बी, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, और अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो 1 - a² 1 - b। मैं इनकी एग्जाम्पल देके अप्लाई करके भी बताऊंगा आपको, सेम टेंजेंट के केस में इसका तो एमसीक्यूज ही मैंने देखा हुआ है, प्लस माइनस टेंजेंट इनवर्स बी, बहुत आसान है, बहुत टाइम बचाएगा आपका। अगेन वही बात को याद रखना, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव, जबकि डिनोमिनेटर में क्या होगा, उल्टा होगा कि अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव होगा। और आखिरी है 2 tan inverse a बराबर होगा tan inverse 2a/1 - a². अब मैं जरा आपको एक एग्जांपल देता हूँ और बताता हूँ कैसे आपके पास आ सकता है, एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल tangent केस में तो ये आता है काफी, आपको एग्जांपल दे दें कि बताओ tangent inverse 1/2 प्लस tangent inverse 1/3, इसका आंसर आपसे पूछे एमसीक्यू में। अच्छा आप खुद भी बना सकते हो, बहुत किस्म के सवाल बन सकते हैं इसमें से, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब वैसे अगर आप इसको सॉल्व करने लगो तो आपको लेट करना पड़ेगा, ये पूरा अल्फा लेट करना पड़ेगा, बीटा फिर इधर लाओगे टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा की वैल्यू आएगी, फिर पूरा दोनों तरफ अल्फा प्लस बीटा मतलब अप्लाई करोगे टेंजेंट, तो इतनी देर बाद जाके आपको आंसर मिल रहा होगा टेंजेंट इनवर्स के फॉर्म में, लेकिन अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपका बहुत टाइम बच जाएगा, तो बहुत काम के फॉर्मूले हैं, अगर रट सकते हो रट लो वरना फिर लंबा वाला तरीका बहुत मुश्किल है। तो डायरेक्ट आपको पता है टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, वही फॉर्म है ना, ए यहाँ पे 1/2 है, बी यहाँ पे 1/3 है, तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मुला यूज कर सकते हो, क्या होगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी, ए यहाँ पे 1/2 है, बी यहाँ पे 1/3 है, डिवाइडेड बाय 1 - देखो माइनस आप यूज करोगे क्योंकि इधर पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, ए मल्टीप्लाई बी, डायरेक्ट आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ऊपर वाली फ्रैक्शंस को अगर आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेना 6 आएगा तो ये हो जाएगा आई गेस 5/6, और नीचे जो है नीचे भी 5/6 हो जाएगा,
तो 5/6 ये फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेना, 5/6 जो है ये 1 हो जाएगा, सिंपल टेन इनवर्स 145 होता है। तो इस तरीके से आपके पास काफी इजी अंदाज से आंसर आ जाएगा। सेम इस टाइप की एग्जांपल आप लोग खुद बनाना चाहो बना लो बैठ के। अच्छा इसको याद करने का तरीका ही है, मैं अगर याद करना चाहूँ आसानी से कर सकता हूँ, बल्कि मुझे याद हो गया अभी, सुन लो। साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी लिखा हुआ है ना, तो मुझे पता है कि साइन इनवर्स जब एड होते हैं तो अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट में ही पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव है रिजल्ट में भी नेगेटिव होगा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल साइन इनवर्स ब्रैकेट डालना, ए लिखना, ए के साथ स्क्वायर रूट लगाना 1 - b², फिर दरमियान में पॉजिटिव, बी लिखना, स्क्वायर रूट लगा के 1 - a² कर देना। लेट्स से अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सवाल देता हूँ, साइन इनवर्स फॉर एग्जांपल को मुश्किल वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट ये वाली लेते हैं। चलो देखो अगर तो इजी आ जाए तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना, फॉर एग्जांपल खैर 1/2 तो यहाँ पे इजी होगा, 1/3 मुश्किल होगा, 1/2 तो आप निकाल सकते हो सिंपल, साइन इनवर्स 1/2 30 होता है, लेकिन साइन इनवर्स 1/3 क्या होगा, ये एंगल निकालना विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल थोड़ी ना आपके, कैसे निकालोगे आप। तो डेरिवेशन करने से बेहतर है सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और 1/2 भी इजी है, लेट से मैं 1/4 दे दूं, अब तो दोनों नहीं निकाल सकते, फंस गए आप। तो आप क्या कर लोगे यहाँ पे, सिंपल आप लिखोगे बराबर है साइन इनवर्स के ब्रैकेट, सबसे पहले लिखोगे ए, ए यहाँ पे क्या है 1/4, फिर लगाओगे स्क्वायर रूट 1 - b² का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो 1/9 है, दरमियान में पॉजिटिव, अब आप बी लिखो ब्रैकेट में लिखो 1 - a², इसका स्क्वायर करो 1/16 हो जाए। ये है बस, अब आपका काम क्या है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 9 - 9, 9 - 1, 8 ये हो जाएगा 8/9। वैल्यूज आपको इजी देंगे ताकि मसला ना हो आपके लिए, मैंने तो अपनी तरफ से बनाई है। तो ये 1/4 है, ये 8/9 है, इसको आप इस तरह लिख सकते हो √8/3, 9 का रूट 3 होता है ना, और इसको कैसे लिखोगे 16 - 1, 16 - 1, 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √15/16 को आप बाहर लिख दो 4, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा होगा, इसका आप साइन इनवर्स लोगे, ऑब्वियसली ये वैल्यू थोड़ी मुश्किल है लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। फॉर्मूले के बगैर लंबा प्रूफ है इसका, अगर शौक हो तो बुक में ना प्रूफ भी लिखा हुआ है, उसमें दोनों वैल्यूज को अल्फा लेट करते हैं, फिर वहां से साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, उस तरह करना चाह रहे हो उस तरह भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आप साइन इनवर्स के साथ जो प्रॉपर्टी लगाई है ये कोसेक इनवर्स के साथ भी लगा सकते हो, कोसेक इनवर्स -x बराबर होगा -कोसेक इनवर्स x के, और सेम जैसे कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला सेम इसी तरह सेक इनवर्स -x क्या हो जाएगा पाई -sec इनवर्स x, लेकिन यहां पे अगर आप कॉट इनवर्स लिखोगे तो कॉट इनवर्स -x जो है ना वो बराबर हो जाएगा पाई -cot इनवर्स x के, तो इस प्रॉपर्टी को भी जरा देख लो। ठीक है, किसी का कोई सवाल यहां तक, ये हमारा टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हो गया, बस एक ही टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला, मैं देख रहा हूँ और कोई छोटा पॉइंट तो नहीं रह गया जो आप लोगों को बताना होगा, सारी कहानियां बताई दी हैं मैंने, बस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड ही है। और कुछ एग्जांपल्स हैं मेरे पास, ये वाली तो बता दी आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो एग्जांपल कुछ देख लो इसी टाइप से, यही कॉन्सेप्ट है सारा। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए साइन कॉस इनवर्स 1/2 इस तरीके से आ जाए, ये आपको निकालना है विदाउट कैलकुलेटर पूछे जाएंगे, इसके डिफरेंट तरीके, लेकिन मैंने जिस तरीके से आप लोगों को मैथ सिखाई है ना, अगर वो आप मेरी बात मानोगे तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। वैसे तरीका होता है कि कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर लो साइन इनवर्स की फॉर्म में और फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, वो किसी बाकी सवालों में देख लेंगे, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्योंकि वैल्यूज ऐसी गिवन है जो काफी ईजी है, अगर मुश्किल वैल्यूज होंगे तो फिर वो दूसरा तरीका भी बता दूंगा वहां पे कर लेना। इस तरह आते तो बड़ा इजी है, आपको पता है कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है, सिंपल 60 होता है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा 60, कॉस इनवर्स 1/2 60 होता है ना, और साइन 60 क्या होता है, सिंपल √3/2 होता है, तो इसको तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई लंबा काम करने की इस पर जरूरत नहीं है। अगर वैल्यूज थोड़ी खराब आ जाए वो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, एक फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए कॉस टेंजेंट इनवर्स 2/3, अगर ये आ जाए, अब सबसे पहली बार टेंजेंट इनवर्स 2/3 निकाल नहीं सकते आप, आपको नहीं पता किस एंगल पे टेंजेंट 2/3 होता है, ये नहीं पता आपको, तो आपके पास एक ही हल है, आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज करो, जो टेंजेंट इनवर्स है इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो ताकि डायरेक्ट हम कैंसिल कर सकें। अब ये कन्वर्ट कैसे करोगे, बहुत आसान तरीका है, टेंजेंट इनवर्स 2/3 को ना आप लेट कर लो लेट से थीटा के बराबर, तो क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा बराबर हो जाएगा 2/3 के, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, क्योंकि अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता हो तो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर टू
बेस यहाँ पे 3, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 4 प्लस 9 रूट 13 हो जाएगा। जब आपके पास ये आ जाए आप आसानी से निकाल सकते हो। मुझे कॉस इनवर्स निकालना था, मतलब कॉस निकाल लो पहले। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे एंगल बनाने, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा सिंपल 3 अपॉन रूट 13। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इसको देखो, तो टेंजेंट इनवर्स 2 अपॉन 3 बराबर है कॉस इनवर्स 3 अपॉन रूट 13 के। तो आप क्या करोगे, जस्ट टेंजेंट इनवर्स की जगह पुट कर दोगे कॉस इनवर्स 3 अपॉन रूट 13। अब आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो जो आपके सामने लिखी हुई है, कॉस को कॉस इनवर्स से कैंसिल करो, डायरेक्ट 3 अपॉन रूट 13 आते हैं। इस तरीके से आप सॉल्व कर लो। कोई आइडिया सर? साइन है ना, तो साइन पाई बाय 2 से क्या होता है, रेशियो चेंज हो जाता है, तो वो कोस के बराबर हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्सीलेंट। इसका एक लंबा वाला तरीका है कि यहाँ पे अगर स्टूडेंट ने फॉर्मूला लगा दिया साइन अल्फा माइनस बीटा का, वो लंबा वाला तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है, 90 पे फंक्शन आपका चेंज होता है, तो साइन है तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। जो यहाँ पे अब देखो, ये पूरी चीज एंगल है, यहाँ पे नॉर्मली थीटा लिखा करते, ये पूरा एंगल है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पाई अपॉन टू माइनस, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होते हैं, तो ये पूरी चीज कैंसिल होकर रिजल्ट में एक्स मिल जाएगा। मेरे को एमसीक्यूज में छोटे छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेम ये वाला सवाल मेरे पास मौजूद है, इस पे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, थोड़ी सी लंबी लगेगी अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, तकरीबन सेम लेंथ होगी, इतना मसला नहीं होगा। ए यहाँ पे एक्स है और बी यहाँ पे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो और आप यहाँ पे पुट करोगे ना तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा यहाँ। लेकिन इस वाले केस में ना आप एक काम कर सकते हो जो कि हर सवाल में वैलिड नहीं है, इस वाले केस में हो सकता है क्योंकि वैल्यूज उन्होंने आसानी से दी है, वो ये कि आप ये वाली प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई अपॉन 2 के बराबर है। ये लग सकती है यहाँ पे क्योंकि बनावट ही ऐसी हुई है कि आप कोशिश करो साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर लो कॉस इनवर्स की फॉर्म में। तरीका मैंने अभी बताया था कि लेट कर लो थीटा है साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 कर दो। राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जरा बेस निकाल लो, बेस कैसे आएगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो सिंपल ये हो जाएगा, ये करके देख लेना, इजी काम है, हो जाएगा। तो अब बेस आपके पास देख लेना एक्स आ रही होगी, तो जब आप कॉस थीटा निकालोगे ना, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन वन, मतलब सिंपल कॉस थीटा एक्स के बराबर होगा। वहां से जब थीटा निकालोगे ना तो देखना थीटा आ रहा होगा कॉस इनवर्स एक्स, मतलब ये पूरी चीज जो है ना ये बराबर हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स के, तो डायरेक्ट आपको पता है इसका आंसर पाई अपॉन टू। लेकिन ये हर सवाल में वैलिड नहीं होगा क्योंकि मे बी कोई ऐसी वैल्यू हो जो कॉस इनवर्स, जो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ शायद वो एक्स ना आए आपके पास, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे लिखी हुई वो भी यहाँ पे होनी चाहिए ना, तब आप 90 लिखोगे। तो हर केस में वैलिड नहीं है, हर केस में वैलिड करना है तो ये वाला फॉर्म। अच्छा, इसके अलावा भी इनवर्स के अंदर ना फॉर्मूले डिस्कस किए जाते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले इस टाइप के ना डिस्कस किए जाते हैं, रट्टा मारने वाली बात है उनके, तो मैं रिकमेंड करूंगा बाकी कुछ फॉर्मूले याद ना रखो। अभी मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, एमसीक्यूज में उस टाइप की चीजें आ सकती हैं, तो वो मैं एमसीक्यूज में डाल दूंगा और आप लोगों के सामने सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग खुद ही समझ आ जाएगी भाई किस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो हर चीज का अगर फॉर्मूला मैंने लिखवाएं लग गया, ऑलरेडी साइन इनवर्स के फॉर्मूले जो लिखवाए हैं, इसका तरीका थोड़ा लंबा था इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूले याद कर लो, लेकिन इस तरह अगर करवाने लग गए तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाते हैं और प्रैक्टिकल बात है कि बच्चे भूल जाते हैं फॉर्मूले। अच्छा, आखिरी टॉपिक, और ये टॉपिक वैसे सब बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, ये फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड में 13.2 हुआ करती थी और पंजाब बोर्ड में चैप्टर नंबर 14 है, ये वैसे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जितना आप लोगों ने सीख लिया अब आपको इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। ये समझ लो कि जितनी बातें आप सीख रहे थे वो इसी के लिए सीख रहे थे, तभी ये टॉपिक सबसे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये टॉपिक सबसे पहले खत्म होगा क्योंकि डिटेल में हर चीज आपने सीख ली है यहाँ, इनवर्स कैसे निकालना है, डोमेन रेंज क्या होती है, हर चीज आपको पता है यहाँ पे। अब बस मैं एक टेबल लिखवा रहा हूँ छोटा सा, वो आपको सब पता है पहले से, जरा उसको देख लो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वैसे होती क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, एटलीस्ट एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो आप उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलोगे। लेट से आपके पास आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1, बहुत बेसिक सी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये, एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है उसको आप सिंपल बोलोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। हम क्या करते हैं, हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, सॉल्व करने का मतलब एक्स की वैल्यूज निकालते थे। यहाँ पे किसकी वैल्यूज निकालोगे, अगर थीटा आ रहा है थीटा की वैल्यूज, अगर एक्स आ रहा है तो एक्स की वैल्यूज निकालोगे आप, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब सॉल्व किस तरीके से करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएंगी आप उनको कन्वर्ट करोगे साइन कॉस टेंजेंट की फॉर्म में। पहले यहां पे मेरी बात सुन लो, ये टॉपिक सबसे मुश्किल टॉपिक है,
बेस्ट अगर आपने चीज सीखनी है, मैंने न्यू सिंध बोर्ड की जो बुक थी उसमें ये एक्सरसाइज 12.5 थी, मैंने 1 घंटा 45 मिनट का एक लेक्चर अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर, 2-3 महीने पहले किया था, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि जब आप सवाल सॉल्व करते हो कुछ कॉन्सेप्ट इसमें ना मसले आते हैं, वो मसले मैंने अपने पास नोट किए, मैं अभी भी हल्का फुल्का बता दूंगा मैं आपको, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने ये एक्सपर्ट बनना है ना इस फील्ड के अंदर, वो 1 घंटा 45 मिनट देख लो, चाहे आप सिंध पंजाब किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, जितने मसले हो सकते थे मैंने वहां पर डिस्कस कर दिए। तो 1 घंटा 45 मिनट की है, डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मुश्किल आसान छोटी बड़ी सबको डिस्कस किया हुआ, तो उसको सॉल्व कर लोगे तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। और फिर मेरी ये वीडियो देख लोगे, पहले सीख जाओगे आप, ये तो बस आपकी रिवीजन होगी, तो इग्नोर नहीं करना, वो काफी काम की वीडियो है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है मैं पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं करवा सकता ना, क्योंकि उस एक्सरसाइज में हर जगह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, तो बेहतर है सॉल्व कर लो, मेरी जितनी कोशिश होगी मैं यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन बेस्ट अगर आप सॉल्व कर लो काफी चीजें सीख जाओ। तो आपने करना क्या होगा, आपकी कोशिश होगी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको साइन कॉस टेंजेंट में कन्वर्ट कर, और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूं उनको यूज करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से हम जरा डिस्कस करते हैं, 3 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, या आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा, या आपके पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा। अच्छा, वैसे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनका पहला लेटर स्मॉल लिखा जाता है नॉर्मली, लेकिन साइन कॉस के केस में आप देखोगे अच्छा ये चीज इतनी फॉलो नहीं होती, कैपिटल प्रिंसिपल जो होते हैं ना उनका लिखा जाता है। इसी तरह इनवर्स के अंदर भी कैपिटल का वर्ड यूज होता है, इनवर्स के अंदर अगर स्मॉल साइन इनवर्स लिखा हुआ है, मतलब एस अगर स्मॉल लिखा हुआ है इसका मतलब ये रिलेशन है, इनवर्स साइन रिलेशन। अगर कैपिटल एस लिखा हुआ है इसका मतलब ये इनवर्स साइन फंक्शन। ये इतना फॉलो होता नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं देखो बुक में, कहीं पॉइंट्स इन बोर्ड की पुरानी बुक में भी मेंशन थे, तो ये मैंने एहतियातन बता दी। वैसे इतना कोई फॉलो नहीं कर रहा होता कैपिटल, इसमें क्या झगड़ने की जरूरत है। खैर, आप एज्यूम कर लो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसके अंदर या तो साइन आ रहा होगा, या कॉस आ रहा होगा, या टेंजेंट आ रहा होगा। आपने वहां पे सॉल्व करना होगा, सॉल्व किस तरह करोगे, लेट से अगर आपके पास इक्वेशन है आप क्या करोगे, जस्ट साइन इनवर्स ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। सही है, आप जाओगे अपने कैलकुलेटर में, अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं भी है तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स क्या होता है, 1 सिंपल 90 डिग्री होता है। नॉर्मली आप यहाँ पे रेडियन में निकालते हो, मैंने पहले ही बताया था रेडियन को प्रेफर किया। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आता है, वो ये है कि साइन और कॉस के अंदर ना 0 और 360 के दरमियान 2 ऐसे एंगल होते हैं जो उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं मैक्सिमम केसेस में। जैसे आपको पता है कि इस वाले केस में बस एक ही एंगल है, लेकिन मैं ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं जिसमें 0 और 360 के दरमियान 2 एंगल होंगे, जैसे साइन इनवर्स 1/2। इसके आंसर में 30 भी मिलेगा, इसके आंसर में 150 भी मिलेगा, क्योंकि 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी में साइन और कॉस के केसेस में आपको 0 और 360 के दरमियान 2 एंगल मिल रहे होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हर वैल्यू निकालनी है आपने। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में वैल्यूज इन्फिनिट होती हैं, क्योंकि आप 2π ऐड करते जाओ एंगल आता जाएगा। जैसे 90 है, मैं 90 के अंदर 2π ऐड करूंगा वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, फिर 2π ऐड करूंगा वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो इन्फिनिट एंगल है। तो आप इनको कैसे लिखोगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि यार 0 और 360 के दरमियान 2 एंगल निकाल लो, जब वो 2 एंगल आ जाएंगे ना उनके अंदर 360 ऐड करते जाना, दैट्स इट। तो हम जनरलाइज लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, 2 एंगल निकाले, दोनों के अंदर हम 2π ऐड कर देते हैं। जनरलाइज लैंग्वेज में अगर आपको याद हो 2nπ ऐड किया करते थे, क्योंकि सबको तो नहीं लिख सकते, तो हम जनरलाइज लैंग्वेज में लिख देते हैं कि भाई 2nπ हमने ऐड कर दिया। तो नॉर्मली आपके हैबिट क्या होनी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक केस में एक ही एंगल आता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में साइन कॉस के अंदर आपको 2 एंगल मिल रहे होते हैं। 0 से 360 का मतलब उसके पीरियड के अंदर, साइन कॉस का पीरियड क्या होता है, 0 से लेकर मतलब 2π पीरियड होता है ना, और 0 से लेकर 360 के बाद आप अगर आप दोबारा रिपीट करते हैं तो साइन कॉस का पीरियड होता है ना, उसके अंदर आपको ज्यादातर केसेस में 2 ऐसे एंगल मिलते हैं। हम आपको क्या बोलते हैं कि 2 एंगल को निकाल लो। तो मैं पहले को क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट एंगल, ये जो मैं जुमला लिखने लगा था उसकी मैं एक्सप्लेनेशन दी है, और अब मैं बोलूंगा सेकेंड एंगल। तो साइन के केस में पहला एंगल तो आपको कैलकुलेटर दे देगा, या जो मैंने टेक्निक्स आप लोगों को बताई थी कि विदाउट कैलकुलेटर किस तरह निकालोगे, पहला एंगल तो आपको ही मिल जाएगा। दूसरा एंगल कैसे मिलेगा, साइन के केस में आप 2π में से माइनस कर लेंगे, अभी याद करना खुद इतना मुश्किल नहीं है। कॉस के केस में पहला एंगल कैलकुलेटर आप खुद निकाल सकते हो, दूसरा सॉरी इसके केस में पाई से माइनस कर, दूसरा कैसे निकालोगे कॉस के केस में, सिंपल 2π में से माइनस करो। तो पहला एंगल कैलकुलेटर या आपने खुद निकाल लिया, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। 2π माइनस थीटा करोगे दूसरा एंगल आ जाएगा, जबकि टेंजेंट के केस में आप दूसरा एंगल नहीं निकालते,
उसकी वजह क्या है कि टेंजेंट का पीरियड है जीरो से लेके मतलब टेंजेंट का पीरियड पाई होता है। यार माइक्रोफोन ऑन है किसी का, ऑफ कर लो भाई। टेंजेंट का पीरियड जो होता है वो पाई होता है, तो जीरो से लेके पाई तक एक ही ऐसा एंगल होता है जो सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो टेंजेंट के केस में आप एक ही एंगल निकालते हो बस, कोई दूसरा एंगल आप निकाल नहीं रहे होते, और एक एंगल निकाल के आप जनरल सॉल्यूशन लिख देते। ठीक है, अब मैं एग्जांपल देके आपको सारी बातें बताऊं। जैसे ये वाला एग्जांपल जो है ना, इसमें अगर आप एक एंगल तो आपने निकाल लिया पाई अपॉन टू, जब आप दूसरा निकालने की कोशिश करोगे, दूसरा एंगल किस तरह निकालते हैं, पाई में से माइनस करते हैं, तो आप देखोगे जब पाई में से माइनस करोगे रिजल्ट में आपको दोबारा क्या मिल रहा होगा, पाई अपॉन। उसकी वजह यह है कि जीरो से लेकर 360 के दरमियान एक ही ऐसा एंगल है पाई अपॉन टू जिस पे आपको साइन की वैल्यू 1 मिलती है। तो मैंने बताया था कुछ स्पेसिफिक केसेस में दो एंगल नहीं आएंगे, वो सेम ही होंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में दो अलग अलग होंगे। तो आपने देख लिया एक ही एंगल आपको मिला पाई अपॉन टू, अब आप जनरल एंगल लिखोगे, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखोगे। कैसे, जस्ट आप क्या करोगे, पाई अपॉन टू लिखोगे, इसके अंदर आप 2n पाई ऐड करोगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या मतलब इसका, कि पाई अपॉन टू के अंदर आप 360 ऐड करते जाओ, रिजल्ट में जो भी एंगल मिलेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। इसी तरह अगर n आपका नेगेटिव होगा, -1, -2, -3, इसका मतलब आप सब्ट्रैक्ट करते जाओ, जो भी एंगल मिलते जाएंगे वो सेटिस्फाई कर जाएंगे, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है ना, आप इसके अंदर पीरियड ऐड करते जाओ। इसका साइन का पीरियड क्या होता है, 2 पाई, एन तो आपने खुद लगाया हुआ ना, एन की जगह 1, 2, 3 इस तरह पुट करोगे और आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। इस तरीके से आप जनरल सॉल्यूशन देते। मजीद एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। लेट से आपके पास आ जाए सिंपल इक्वेशन, ही ज्यादातर एमसीक्यूज में आती है, इतनी मुश्किल नहीं आती, ये आ जाए। आप क्या बोलोगे, साइन इनवर्स 1/2, पहला आंसर आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कैसे निकालना है। पहला आंसर होगा रेडियन के अंदर डील करना सीखते हैं, पाई अपॉन 6 होगा। दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया, बताओ पाई में से माइनस करेंगे, तो ये जब सॉल्व करोगे पूरी चीज किसके बराबर होगी, 5 पाई अपॉन 6 के बराबर। दोनों एंगल आ गए, अब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे। कैसे, पाई अपॉन 6 में आप ऐड करोगे 2n पाई, यूनियन 5 पाई बाय 6 में आप ऐड करोगे 2n। यूनियन का मतलब कि ये भी सॉल्यूशन सेट है, ये भी सॉल्यूशन सेट है, तो आप यूनियन लिखोगे ताकि दोनों सॉल्यूशन मिल जाए, पूरा कंप्लीट आपके पास एक सेट आ। ठीक है, अच्छा, ये पाई माइनस थीटा की भी वही लॉजिक है जो मैंने आपको बताई थी, कि जैसे अगर आपको एक एंगल मिल रहा है 30, तो दूसरा एंगल आपको यहां पे मिलेगा, क्योंकि साइन वाई वैल्यू होता है ना, तो वो कैसे मालूम करोगे, आप पूरे 180 में से ना ये वाला एंगल निकाल दो, तो 180 में से अगर मैं ये निकाल दूंगा तो पीछे क्या बचेगा, 150, तो तभी 180 में से मतलब पाई में से आपने निकाला हुआ था दूसरा एंगल आ रहा है, ये लॉजिक है। ठीक है, अब मैं कुछ नेगेटिव की एग्जांपल देता हूं। लेट से आपके पास ये चीज आती है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, आप क्या करते, आप लिखते साइन इनवर्स -1/2। कैलकुलेटर या वैसे मैंने आपको बताया हुआ क्या है इसका आंसर, -30 मतलब -5/6। अब एक आंसर तो आपको कैलकुलेटर मतलब आपने निकाल लिया, दूसरा कैसे निकालोगे, पाई में से माइनस करोगे, तो क्या हो जाएगा, --पॉजिटिव, ये हो जाएगा 7π/6। तो एक एंगल ये आ गया, एक एंगल ये आ गया, जनरल सॉल्यूशन आपको पता है किस तरह लिखोगे, -π/6 प्लस 2nπ, 7π/6 प्लस 2nπ। कोई मसला? नो सर। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक किस्म की इक्वेशन होती है जिनके जनरल सॉल्यूशन आप जिस तरह लिखोगे ना, वो एमसीक्यूज में शायद ना नजर आए। जैसे ये इक्वेशन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे क्या होगी, साइन इनवर्स 0, आपको पता है साइन इनवर्स का होगा 0 पे होगा, फिर आप दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, पाई में से माइनस करोगे जो कि पाई आ रहा होगा, ये दो एंगल आएंगे। आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, 0 प्लस 2nπ यूनियन पाई प्लस 2nπ, इस तरह लिखोगे। ये 0 लिखो ना लिखो बात एक ही है, लेकिन ये ऑप्शन आपको एमसीक्यूज में नजर नहीं आएगा। अब ये ऑप्शन एमसीक्यूज में नजर क्यों नहीं आ रहा, वजह क्या है कि ये फालतू लंबी चीज लिखी हुई है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, अगर आप n की जगह 0 पुट करोगे यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे n की जगह 0 पुट करोगे पाई मिलेगा, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे 2πमिलेगा, यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे 2π + π 3π। आप देखो रिजल्ट में आपको पाई के मल्टीपल मिल रहे हैं, 1π 2π 3π 4π ये मिल रहे होंगे, तो इसको अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं ना, सिंपल nπ, दैट्स इट। इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट nπ लिख दो, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप n की जगह 1 पुट करो, 1π 2π 3π सब मिल जाएंगे। तो दैट्स व्हाई एक स्पेसिफिक किस्म की इक्वेशन है जिसको आप इस तरह लिखोगे तो ये नजर नहीं आएगा ऑप्शन में, आपको ऑप्शन में ये चीज नजर आ रही होगी। ठीक है, सेम एक और भी है स्पेसिफिक इक्वेशन, cos थीटा इज इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे होगा cos इनवर्स 0, आपको पता है cos इनवर्स 0 90 पे होता है। cos के केस में दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं, 2π में से माइनस करते हैं, 2π - π/2, सॉल्व करोगे रिजल्ट आ रहा होगा 3π/2।
ठीक है। आप इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, पाई अपॉन टू कॉक के केस में भी टू एन पाई ऐड करते हैं, यूनियन थ्री पाई अपॉन टू प्लस टू एन पाई। अब देखो ये चीज भी सही है, बिल्कुल ठीक है, लिख सकते हो, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला भी है। क्यों? देखो आपको रिजल्ट में आ क्या रहा है, एन की जगह जीरो पुट करोगे पाई अपॉन टू आ रहा है, एन की जगह जीरो पुट करोगे थ्री पाई अपॉन टू आ रहा है, एन की जगह अगर वन पुट करोगे तो उसको सॉल्व करना फाइव पाई अपॉन टू आएगा, यहां पे एन की जगह अगर वन पुट करोगे तो देखना सेवन पाई अपॉन टू आएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये पाई अपॉन टू के ऑड मल्टीपल है, वन पाई अपॉन टू, थ्री पाई अपॉन टू, फाइव पाई अपॉन टू। इसका लिखने का एक आसान तरीका भी होता है, वो ये वाला है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आप लोगों से, जहां मैं ट्रिक्स बता रहा था, ये वाला डायरेक्ट ये लिख दो, एक ही बात है, एन की जगह जीरो पुट करोगे पाई अपॉन टू आएगा, एन की जगह वन पुट करोगे थ्री पाई अपॉन टू आएगा, एन की जगह थ्री पुट करोगे मतलब एन की जगह टू पुट करोगे तो फाइव आ जाएगा, थ्री पुट करोगे सेवन। तो इतनी लंबी करने से बेहतर है आप ये चीज लिख दो। तो मे बी आप ये सॉल्व कर रहे हैं एमसीक्यूज में, ये ऑप्शन नजर आ रहा हूं, तभी मैं कह रहा था कि उस लेक्चर को देख लो, उस लेक्चर में सारी ये छोटी छोटी बातें तो जो मेरे जहन में आ रही वो तो मैं बता रहा हूं, लेकिन मजीद आप देख लोगे तो बहुत बेस्ट। तो दो एंगल निकालने वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया, जनरल सॉल्यूशन लिखवाने वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया, कॉस की एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी है, अब एक टेंजेंट की एग्जांपल भी ले लेते हैं। लेट से आपके पास आ जाए टेंजेंट थीटा इक्वल टू रूट थ्री, या चलो माइनस कर लेते हैं ना, ताकि माइनस रूट थ्री, थीटा क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट थ्री, टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट थ्री निकाल सकते हो आप माइनस सिक्सटी के बराबर होगा, रेडियन के अंदर लिखोगे तो माइनस पाई अपॉन। टेंजेंट केस में आप एक ही एंगल निकालते हो, मैंने बताया, जैसे एक एंगल आ गया सॉल्यूशन सेट कैसे लिखोगे, इस एंगल के अंदर आप एन पाई ऐड कर दोगे। टेंजेंट के केस में एन पाई इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि इसका पीरियड जो है वो पाई होता है, साइन कॉस का पीरियड टू पाई होता है। आप हमेशा जनरल एंगल में पीरियड ऐड कर रहे होते हो क्योंकि पीरियड ऐड करने पे आपको वैल्यू रिपीट हो रही होती है ना, तो अगर आप इसके अंदर टू एन पाई ऐड करोगे ना, नुकसान ये होगा कि वैल्यू आप मिस कर जाओगे। सोचो अगर मैं इसके अंदर पाई ऐड करूंगा तो मुझे एक आंसर मिल रहा है, मतलब एन की जगह मैं वन पुट करूं तो पाई आएगा इसका आंसर, टू पुट करूंगा टू पाई आएगा तो मुझे ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पे 2n पाई कर देता ना तो मेरे पास पाई नहीं मिलता मुझे, मैं n की जगह 1 पुट करता 2 पाई आ रहा होता डायरेक्ट। तो अगर आप ये पुट करोगे तो नुकसान ही होगा कि चीजों को मिस करते जाओगे आप। दैट्स व्हाई हम कहते हैं n पाई ऐड करेंगे टेंजेंट के अंदर, जो इसका पीरियड है उसके साथ बस n लगा दिया। अब क्योंकि एमसीक्यू के अंदर होता है ना सॉल्यूशन कोई नजर ना आ रहा हो आपको, तो मुझे सारी पॉसिबिलिटी बतानी है। क्या मतलब? दो पॉइंट है कि ये जो आपके पास कुछ केसेस में नेगेटिव एंगल आते हैं, जैसे आपको पता है कॉस के केस में तो नेगेटिव नहीं आएगा, कॉस इनवर्स की रेंज जीरो से लेके पाई होती है, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव आ सकता है, कहां आया था नेगेटिव? जैसे इस केस में आया था, देखो नेगेटिव आपको एंगल मिल गया, या टेंजेंट इनवर्स के केस में आ सकता है, देखो नेगेटिव एंगल मिल गया। तो कितनी दफा ऐसा होता है कि मे बी, अच्छा एमसीक्यूज में जरूरी नहीं होता कि जनरल सॉल्यूशन आपसे पूछा होता है, मे बी आपसे कोई एक एंगल पूछ लेंगे, माइनस पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, कोई भी एक पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, लेकिन मे बी आपको माइनस पाई बाय 6 नजर ही ना आए एमसीक्यूज। अब इसका क्या चक्कर है? होता है कि नॉर्मली आप कभी नेगेटिव एंगल को ना पॉजिटिव कर देते, आप कहते हो यार नेगेटिव हमें पसंद नहीं है, इसको पॉजिटिव बना दो, तो मे बी एमसीक्यूज के ऑप्शन में आपको पॉजिटिव नजर आ रहा हो। क्या मतलब? ये जो माइनस पाई बाय 6 है, माइनस 30, ये इस तरह होता है, ये माइनस 30 है, मे बी एमसीक्यूज में पॉजिटिव पूछा हो आपसे, पॉजिटिव का मतलब 330, आप बेचारा माइनस 30 निकाल, अच्छा 7 पाई बाय 6 जो होता है 210 होता है, आपको 210 भी ऑप्शन में नजर ना आ रहा हो, ऑप्शन में 330 लिखा हो और आपको तो ये दो एंगल मिल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जनरल सॉल्यूशन से निकालो तब चलो शायद मिल सकता है ये लंबी करने के बाद, लेकिन इसका चक्कर क्या है? तो होता ही है कि कभी नेगेटिव होते हैं तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि यार इसको पॉजिटिव कर, तो ये बुक में आंसर आपको कभी पॉजिटिव के साथ मिलेंगे कभी नेगेटिव के साथ। तो पॉजिटिव करने का तरीका क्या होता है, असल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ, तरीका ये होता है कि बिलफर्स साइन के केस में दो एंगल निकाल, एक तो आपको कैलकुलेटर दे देगा या खुद निकाल लोगे, दूसरा निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पाई में से माइनस करना जो भी कैलकुलेटर दे रहे हैं, इससे तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। रही बात इसको अगर आपने पॉजिटिव बनाना हो तो मैं कैसे पॉजिटिव बनाऊंगा, जस्ट मैं क्या करूंगा, मैं ये पॉइंट लिखवाने लगा था, ये थोड़ी सी जगह इसके अंदर छोड़नी है कि अगर मुझे नेगेटिव एंगल मिल रहा है मैं उसको पॉजिटिव कैसे करूंगा, ये तीसरा कॉलम इसके लिए था, कॉस के केस में तो नहीं मिलेगा ठीक है, अगर साइन के केस में मुझे कोई नेगेटिव मिल रहा है तो क्या करो, ऐड कर दो टू पाई को, और अगर टेंजेंट के केस में कोई नेगेटिव मिल रहा है तो ऐड कर दो पाई को। अब इसका मतलब क्या, जैसे नेगेटिव मिल रहा था आपको ऑप्शन में नजर नहीं आया, आपने वैसे तो देखा 330 है, लेकिन ये 330 कैसे आया, डायग्राम से भी बना सकते हो, या वैसे आप सिंपल क्या करो, इस माइनस पाई बाय 6 के अंदर आप ऐड कर दो 2 पाई, 6 को 2 से करो 12, 12 पाई माइनस पाई, ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन 6, और 11 पाई अपॉन 6 से 330 होता है।
तो आपके पास एक एंगल हो जाएगा 7 पाई अपॉन 6, एक एंगल हो जाएगा 11 पाई अपॉन, तो मे बी आपको 11 पाई अपॉन 6 ऑप्शन में नजर आ रहा हूं। तो मैंने तो कंप्लीट बात बतानी है ना, कुछ भी दे सकते हैं। सेम टेंजेंट के केस में भी नेगेटिव आता, हाँ मे बी जनरल सॉल्यूशन इतना पूछते नहीं एमसीक्यूज में, शायद वो आपसे एंगल पूछ रहे हैं। अब माइनस पाई बाय 3 शायद आपको ऑप्शन में नजर ही ना आ रहा हो क्योंकि उन्होंने इसको पॉजिटिव बना दिया होगा। कैसे? जैसे आपको पता है ये माइनस पाई अपॉन 3 है ना। अच्छा, एक तो इस तरह माइनस 16 है, माइनस पाई बाय 3 आप लिख सकते हो, एक तो इस तरह नेगेटिव है ना, एक इस तरह पॉजिटिव आप मालूम कर सकते हो। एक तो ये होता है क्या, आपको अगर मैं पॉजिटिव बोलूं तो एक पॉजिटिव इस तरीके से आप कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा ना। लेकिन वो भी ऑप्शन में नजर नहीं आएगा क्योंकि टेंजेंट के केस में आपकी कोशिश क्या होती है, ऐसा एंगल निकालो जो 0 और 180 के दरमियान। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव करने का मकसद यहाँ पे क्या है, मकसद हमारा सिर्फ ये होता है कि जो दो एंगल आप निकाल रहे हो वो 0 और 360 के दरमियान मिले आपको, नेगेटिव ना हो या 360 से बड़ा ना हो, 0 और 360 के दरमियान मिल जाए। तो ये अभी अजीब सा मिल रहा था, मैंने इसको क्या किया, ऐड किया। अब देखो ये वाला दोनों 0 और 360 के दरमियान है। जितनी भी आपने एग्जांपल देखी है 0 360 के दरमियान है, कोई भी आपने सवाल देखा है 0 360 के दरमियान है। हमारी कोशिश क्या होती है 0 360 के दरमियान आ जाए, जब आ जाएंगे फिर हम 2n पाई ऐड करके जनरलाइज लिख देंगे। सेम टेंजेंट के अंदर हमारी कोशिश होती है 0 और 180 के दरमियान हमें को मिले। तो अब अगर मैं ये पूरा करूंगा ना, बात तो सही है 300 भी सही है माना जाएगा, लेकिन अगेन वो 0 और 180 के दरमियान नहीं है। तो 0 और 180 के दरमियान टेंजेंट के अंदर कैसे निकालते हो आप? सिंपल, मैंने जो आप लोगों को बताया था कि टेंजेंट में क्या होता है कि जो अगर यहां पे आंसर मिल रहा है इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 120। ये माइनस पाई बाय 3 था, हाँ, तो 120 हो जाएगा। तो अब ये 120 तो मैंने ग्राफ के जरिए से पूरा बना के निकाला है। वैसे अगर आपने नेगेटिव को पॉजिटिव करना, क्या करोगे? सिंपल, मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दे दी, एड कर दो पाई को। आप क्या करो इसके अंदर, जस्ट पाई एड कर दो, 3 को पाई से करो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 120 होता है। तो जब आपके पास पॉजिटिव आ गया, अब आप जनरल सॉल्यूशन में लिखो 2 पाई अपॉन 3 प्लस एन पाई, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट बता दिया मैंने, यहां तक आई होप बात समझ आ गई होगी, सवाल तो कोई नहीं पूछा। अब मजीद एक स्टेप आगे जाते हैं कि जो कॉस है ना, इसके केस में हमने देखा था कि दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं, 2 पाई में से माइनस करते हैं। दूसरा एंगल को इस तरह भी निकाल सकते हैं, देखो एमसीक्यूज में कुछ भी दे सकते हैं, मेरा काम है हर चीज बताना। दूसरा एंगल निकालने का ये भी तरीका है कि जो पहला एंगल आया इसको नेगेटिव कर दो बस। जैसे पहला एंगल यहां पे पाई अपॉन 2 आया था ना, तो दूसरा एंगल कैसे करो, पाई अपॉन 2 को नेगेटिव कर दो बस, ये दूसरा एंगल है। मे बी, क्योंकि देखो हम नेगेटिव में डील नहीं करते, लेकिन आ भी सकता है, मे बी ऑप्शन में आपको पाई अपॉन 2 नजर ना आए, क्योंकि जब एक ऑप्शन आता है ना आपसे पूछते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कौन एंगल सेटिस्फाई कर रहा है, एक एक एंगल लिखा हुआ, उसमें ना पाई अपॉन 2 नजर आए ना 3 पाई अपॉन 2 नजर आए, मे बी माइनस पाई अपॉन 2 मौजूद हो। तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये पॉसिबिलिटी निकालनी है। आपने सोचना है कि सर ने क्या बताया था, पहला एंगल आ गया, दूसरा एंगल निकालने के दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आपने एंगल निकाला, ये 3 पाई अपॉन 2 मिला, ये माइनस पाई अपॉन 2 मिला। अब देख लो एमसीक्यूज में जो भी लिखा है उसके मुताबिक सॉल्व कर लो। असल में माइनस पाई अपॉन 2 3 पाई अपॉन 2 एक ही एंगल है, ये क्वार्टर में एक ही एंगल है ना। अगर आप इस तरह जाओगे 3 पाई अपॉन 2, अगर इस तरह जाओगे तो माइनस पाई अपॉन 2, तो एक ही चीज है। अब एमसीक्यूज में नेगेटिव आपसे पूछा होगा तो ये ठीक हो जाएगा, अगर पॉजिटिव पूछा हुआ तो 3 पाई अपॉन 2 ठीक हो जाएगा। तो कॉस के केस में आप इस तरह नेगेटिव करके भी आसानी से निकाल सकते। जो मेरे जहन में बातें थी वो मैंने सारी बता दी है इसके अंदर। अब वो एक दो एग्जांपल हैं जो मैंने बताया था, पॉइंट में मसला होगा, बाकी और कुछ भी नहीं रह गया। अब इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, कुछ एमसीक्यूज भी मैं डिस्कस करूंगा, एमसीक्यूज में हम इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। बाकी मैंने आप लोगों को बताया, उस वीडियो को देख लो, बहुत फायदेमंद वीडियो है। सिंपल इक्वेशंस तो मैंने बता दिए, कुछ स्पेसिफिक इक्वेशन थी उसमें मैंने आपको बता दिया क्या होगा। बाकी एक दो मैंने अपने पास लिखी हुई वो भी मैं आपको बता दूंगा, बाकी उसको देख लो तो टॉपिक पूरा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। क्या जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं कौन से टॉपिक पे? यार वो इसी टॉपिक पे, जो न्यू बुक की फर्स्ट ईयर की पुरानी जो 13.2 हुआ करती थी, जो सब बच्चों की फजाए करती थी, पंजाब बोर्ड में वो चैप्टर नंबर 14 के अंदर है, 14.1 ही होगी शायद, और सिंध बोर्ड की पुरानी बुक में 13.2 थी, सिंध बोर्ड की न्यू बुक में 12.5 है वो। तो 12.5 के अंदर मैंने हर चीज की, 13.2 पुरानी बुक की भी वीडियो अपलोड है लेकिन उसको ना देखो, क्योंकि जो 12.5 की जो मैंने वीडियो बनाई थी ना उसमें मैंने हर चीज कवर कर दी थी, कुछ रह ही नहीं है उसके अंदर, सारा कॉन्सेप्ट कवर हो गया था। अभी उनमें से जो मैं बातें बता रहा हूँ उसी वीडियो में से बातें बता रहा हूँ, कि कुछ ऐसी एग्जांपल थी जिसके अंदर कुछ अजीब चीजें हो रही थी,
वो अजीब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके अंदर हर चीज कवर है। अगर वो वीडियो ना मिले ग्रुप पे पूछना ताकि बाकी को भी मिल जाए, तो उससे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। अब अजीब चीजें क्या है जरा मैं बताता हूँ क्या मतलब मेरा अजीब है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप की इक्वेशन है, साइन 2x इज इक्वल टू 1/2। नॉर्मली साइन x इज इक्वल टू 1/2 आता था। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स को उधर ले जाओ, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2 आपको पता है सिंपल क्या होता है, पाई अपॉन 6 होता है। दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं, पाई में से माइनस करते हैं, पाई में से माइनस करना 5 पाई अपॉन 6 आएगा। अब आपको जब इक्वेशन सॉल्व करने का बोला जाता है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं वो, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 यहां जाके होगा, ये हो जाएगा पाई अपॉन 12, यहां जाके होगा ये होगा 5 पाई अपॉन 12। तो एमसीक्यूज में आपको ये दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगर यहां पे कुछ और लिखा हुआ है तो आप उसको डिवाइड करोगे, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। ये एमसीक्यूज में आपको मे बी आपसे पूछ लें देन वैल्यू ऑफ 2x, अगर 2x की वैल्यू पूछे तो ये दो है, अगर x की पूछेंगे तो ये होगा। नॉर्मली x की पूछते हैं लेकिन मैं वैसे एहतियातन बता रहा हूँ। तो ये तो कोई नई चीज नहीं है सच, इसमें नया पॉइंट क्या है, ये तो सर आपने 2 से डिवाइड कर दिया बस। नया पॉइंट इनका जनरल सॉल्यूशन है। नॉर्मली जब बच्चे इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं, पाई अपॉन 12 प्लस 2n पाई, 5 पाई अपॉन 12 प्लस 2n पाई। ये गलत हो जाएगा कुछ केसेस में, ये गलत हो जाएगा कुछ केसेस में, ये एंगल को खा जाएगा। अभी देखो मैं डिटेल में जा नहीं रहा, ये वहां पे मैंने बताया हुआ है कि कौन से कुछ केस हैं जिसमें गलत होगा, कौन से कुछ केस हैं जिसमें एंगल मिस होंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये काम आप नहीं करना, 2n पाई ऐड नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जब देखो ये 2n पाई होता है ना, ये बेसिकली आप 2n पाई क्यों ऐड कर देते हैं, कि जो साइन का पीरियड था, सिंपल साइन का पीरियड 2 पाई हुआ करता था, तो आप पीरियड ऐड किया करते थे इसके अंदर। लेकिन अब जो आपके पास फंक्शन है वो साइन एक्स नहीं है, इसका पीरियड 2 पाई नहीं है, ये साइन 2x है। इसका पीरियड निकालने की शॉर्टकट क्या बताई थी, अगर साइन के अलावा कोई पीरियड कोई फंक्शन है कैसे पीरियड निकालते थे, 2 पाई डिवाइडेड बाय जो एक्स के साथ लिखा हुआ है। इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड 2 पाई नहीं है। तो आप हमेशा जनरल सॉल्यूशन में पीरियड ऐड करते हो, तो जब आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, अब आप पीरियड ऐड करोगे इस फंक्शन का, इस फंक्शन का पीरियड पाई है, इसका मतलब आप यहां पे एन पाई ऐड करोगे, ये करेक्ट तरीका होगा। अब होगा क्या, अगर 2n पाई करते सॉल्यूशन मिस हो जाते हैं आपके, या मे भी गलत आ रहे होते हैं, देख लेना ये सॉल्यूशन मिस हो रहे होंगे वहां पे, तो ये देख लेना वहां पे। तो इसलिए इस तरह लिखोगे इसका मतलब सारे सॉल्यूशन अब आपको मिल रहे होंगे। तो ये सिंपल लैंग्वेज में इस तरह भी बोल सकते हो, अगर आपने इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो जो 2n पाई था उसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इस तरह आ जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ी मुश्किल से एग्जांपल मैंने लिखी हुई थी, कोई 3x अपॉन 2 था कुछ यार, यहाँ पे नहीं है तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, नहीं है मेरे ख्याल में। ये इक्वेशन थी शायद, cosec 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन थी, इसको सॉल्व करना था। आप cosec इनवर्स कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको cosec इनवर्स 2 अगर आता है तो आसानी से आप कर सकते हो, या इसको आप रेसिप्रोकल कर देते हो, cosec होता है 1 अपॉन साइन, उस तरह भी कर सकते हो। तो ये पूरी चीज मतलब दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो, ये वन मतलब सिंपल कोसाइक क्या होता है, 1/ साइन होता है, साइन की वैल्यू निकालना 1/2 आ जाएगी, इस तरह भी कर सकते हो, या डायरेक्ट भी आप कर लो, मैंने आपको सिखाया है कोसाइक इनवर्स 2। कोसाइक इनवर्स 2 कैसे निकालोगे, ये सिंपल बराबर होगा साइन इनवर्स 1/2 के, और साइन इनवर्स 1/2 अगेन बहुत दफा डिस्कस हुआ है, 5/6 और दूसरा एंगल होता है 5/5। ये वैल्यू मिली है 3x/2 की, आपको निकालनी है एक्स की, कैसे निकालोगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइड होगा, तो सिंपल 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2π/18 जो के बराबर होगा π/9 के, इसको मल्टीप्लाई करो 2/3 से, ये हो जाएगा 10/18 मतलब 5/9, ये x की दो वैल्यूज आ जाएंगे। तो अब जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो इसके अंदर क्या ऐड करोगे, नॉर्मली हम क्या ऐड करते थे, 2n पाई ऐड करते थे, लेकिन आप 2n पाई ऐड नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि पीरियड ये नहीं रहा ना। अगर आप इसका भी पीरियड निकालोगे तो cosec का पीरियड 2π होता है, x के साथ क्या लिखा हुआ है 3/2, तो अगर पीरियड निकालो उसका पीरियड क्या आ रहा है 4π/3 आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अब इसका लिखोगे 4n π/3। अब जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो π/9 प्लस 4n π/3, सिंपल जो पीरियड है ना उसमें n लिख दो बस, 4n π/3 सेम, इसके अंदर भी क्या ऐड करोगे 4n π/3, ठीक है। या दूसरी लैंग्वेज में आपने इनको किससे मल्टीप्लाई किया था, 2/3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 2n पाई को भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, याद रहेगा। तो जब आपके पास कोई और फंक्शन हो, सिंपल x ना लिखा हुआ हो, पीरियड चेंज हो, तो जनरल सॉल्यूशन में ये फर्क पड़ता है। तो अगर ऑप्शन में जनरल सॉल्यूशन मांगा होगा तो फिर गलत हो सकता है, वरना x की वैल्यू तो आप निकाल लोगे, उसमें तो इतना मसला नहीं होगा।
ठीक है, तो ये वो पॉइंट था जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अच्छा ये पॉइंट जो है ये सॉल्व नहीं करवा रहा, सॉल्व करना चाहो तो ये बुक में मौजूद है, पंजाब बोर्ड में भी है, सिंध की न्यू बुक में भी है, सॉल्व करवाया हुआ है। मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे चार सॉल्यूशन आ रहे होंगे, एक होगा जीरो, एक होगा टू पाई, एक होगा टू पाई अपॉन थ्री, एक होगा फोर पाई अपॉन। इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने चैप्टर थ्री में भी दिया था, उसको आप बोलते हो एक्सट्रेनियस रूट्स। क्या होता है, मैंने बताया था जब आप किसी इक्वेशन में स्क्वायरिंग कर रहे होते हो तो ऐसा होता है कि ऐसी वैल्यूज आते हैं जो उसको सेटिस्फाई ना कर रही है। या ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जरूरी नहीं कि स्क्वायरिंग पे हो, ज्यादातर तो स्क्वायरिंग पे होता है, लेकिन शायद मे बी कि स्क्वायरिंग के बगैर भी ऐसा आ जाए कोई एंगल जो इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर रहे हो। तो बेहतर क्या होता है, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करो, जो वैल्यूज आई हैं उनको इक्वेशन में पुट करके देखो। जैसे यहाँ पे वैल्यू पाई अपॉन टू आई थी, इक्वेशन में पुट करो, साइन पाई अपॉन टू वन होता है, बिल्कुल होता है, दैट्स इट। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे फाइव पाई बाय सिक्स निकाला था, इक्वेशन में पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई हो रही है, हो रही है तो दैट्स इट, डायरेक्ट हो जाएगा। ज्यादातर उन सवालों में होता है जिसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, आप उनको कन्वर्ट करते हो, फिर कहीं स्क्वायरिंग कर रहे हो, ये तो सिंपल सा फंक्शन है ना, इसको तो इतना मसला नहीं होगा। इन टाइप के फंक्शन में ऐसे मसले होते हैं। तो देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी हम टेक्निक लगा के सॉल्व करेंगे, शो को देख लेना, ये चार एंगल आएंगे जिसमें से शुरू के दो एंगल सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे। अब अगर ऑप्शन में नजर आ गया तो आप लोग लगा कर आ जाओगे, लेट से ऑप्शन नंबर वन हो, या ऑप्शन नंबर बी हो, या ऑप्शन नंबर सी हो, और लेट से ऑप्शन नंबर डी में लिखा हो नन ऑफ दीज, तो आपको ये तीनों आंसर मिल रहे हो, तो लेट से आप कोई किसी एक पे लगा कर आ जाओ, या आपको नन ऑफ दीज पे लगा कर आ जाओ, ऐसा कुछ कर दो। हालांकि तीन आंसर नहीं है, यही एक आंसर है, ये दो आंसर नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोसेक के अंदर ना जीरो पुट कर सकते हो, ना टू पाई पुट कर सकते हो, और इवन कॉट के अंदर भी नहीं पुट कर सकते ना, हाँ कॉट के अंदर भी जीरो और टू पाई नहीं पुट कर सकते। तो ये सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं जब आप इक्वेशन में पुट ही नहीं कर सकते, वो तो अगली बात होगी ना, हम देखेंगे लेफ्ट और राइट बराबर है नहीं, आप तो पुट ही नहीं कर सकते इन वैल्यूज को, तो ये सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके, इसका मतलब ये दो वैल्यूज तो वैसे ही नहीं कर रही। तो इस वाले केस में ये दो सॉल्यूशन थे, फिर वो आप जनरल एंगल लिख दोगे, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, जो वैल्यूज आए चेक कर लेना सेटिस्फाई कर दिए हैं। अच्छा देखो एक पॉइंट है, या वीडियो देखोगे तो आपको उसमें समझ आ जाएगी, कुछ इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो जैसे एक इक्वेशन लिखी हुई है साइन फोर थीटा माइनस साइन टू थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा। अब इस इक्वेशन पे जो भी आप वो साइन यू प्लस साइन वी के फॉर्म में लगा रहे हो, जिस तरह भी आप सॉल्व कर रहे हो, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो एंड पे आपके पास दो इक्वेशन बन रही होंगी, एक होगी कॉस थ्री थीटा इक्वल टू जीरो, एक बन रही होगी टू साइन थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दोनों से आपको दो दो एंगल मिल रहे होंगे। फिर जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे, चार जनरल सॉल्यूशन आपके पास आ रहे होंगे। कभी ऐसा होता है कि जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करते हो ना, तो वो जो चार जनरल सॉल्यूशन है ना, वो बेसिकली वैल्यूज को रिपीट कर रहे होते हैं। मतलब असल में दो जनरल सॉल्यूशन है जिनमें आपको सॉल्यूशन मिल रहे हैं, बाकी दो में जो मिल रहे हैं ना वो रिपीट, मतलब जो मिल रहे हैं ना वो शुरू में आपको ऑलरेडी मिल रहे थे। यार अब मैं इसकी एग्जांपल देना चाह नहीं रहा, टाइम बहुत लंबा हो जाएगा, आपको जो मैंने वर्डिंग बोली है ना इसको खुद करना या उस वीडियो में देखना, वेरीफाई हो जाएगा कि दो जनरल सॉल्यूशन आपके लिए काफी होंगे। जो बाकी दो जनरल सॉल्यूशन है ना, वो कुछ नए एंगल नहीं आपको दे रहे होंगे, शुरू वाले वो ऑलरेडी आपको दे चुके होंगे, तो दैट्स व्हाई आप उन वालों को कंसीडर नहीं कर रहे होते। आप कहते हो यार कोई फायदा नहीं है इनका, ये जो एंगल दे रहे हैं वो शुरू वाले हमें ऑलरेडी दे रहे हैं, तो इन दो को कंसीडर करके हम क्या करेंगे। तो कुछ सवालों में ये भी सिचुएशन बनती थी। ये एमसीक्यूज में इतना नहीं कंफ्यूज होंगे ना, एमसीक्यूज में देंगे, लेकिन ये हम क्वेश्चंस में था तो इसलिए मैंने बता दिया कि जहन में हो आपके। दैट्स इट, सब चीजें खत्म हो गई हैं, ये टॉपिक भी पूरा खत्म हो गया। ये दो आखिरी एमसीक्यूज है मेरे पास, इनका जवाब आप लोग दे दो। एक लिखा हुआ है साइन टू टेंजेंट इनवर्स थ्री, ये निकालना है। एक ये सवाल है, जरा सोचो इस पे क्या करना है। अच्छा जी, एक ये प्रॉपर्टी आप लोगों को बतानी है, इसको भी नोट कर लेना, तो भी जरा डिस्कशन करते हैं, छोटी सी प्रॉपर्टी है। अच्छा किसी को पता है इस पूरी चीज का आंसर क्या होगा, किस तरीके से निकालेंगे टेंजेंट इनवर्स थ्री मल्टीप्लाई टू और इसकी साइन वैल्यू निकालना है, कोई आइडिया? आइडिया है, करेक्ट आंसर का पता नहीं, मगर ये कि टेन इनवर्स को हम साइन इनवर्स के अंदर चेंज कर दें तो शायद हम आंसर निकाल सकते हैं। साइन इनवर्स में चेंज कर देंगे तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? साइन और साइन इनवर्स वाली जो थी, अभी भी वैसे कर सकते हैं, एक ही टेक्निक लगेगी, डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, लेकिन कन्वर्ट करना जरूरी है, बाद में कर लो या अभी कर लो, कन्वर्ट तो करना है, क्योंकि इस पे असल में डबल एंगल फॉर्मूला लगेगा साइन टू थीटा वाला, तो अभी कन्वर्ट कर लो ज्यादा बेहतर है, वरना बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेंजेंट इनवर्स थ्री को कन्वर्ट करो साइन की फॉर्म में, ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थ्री, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन रूट टेन हो जाएगा। तो यहां से साइन थीटा निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स
थ्री अपॉन रूट टेन। तो सिंपल टेन इनवर्स थ्री की जगह आप ये पुट कर सकते हो, तो आप सिचुएशन क्या बनेगी, इस पूरी चीज को लेट कर लो थीटा के बराबर, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन टू थीटा, जो कि बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा के, सही है। तो आप वैल्यू पुट कर दो, थीटा बेसिकली टेंजेंट इनवर्स था ना, जिसको हमने कर लिया कि वो इसके बराबर है, तो अब यहां पे पुट कर दो साइन इनवर्स थ्री अपॉन रूट टेन, सेम कॉस के अंदर भी पुट कर दो। अब देखो कॉस के अंदर अगर आप थीटा की जगह ये साइन इनवर्स पुट कर रहे होगे ना, तो अगेन कैंसिल करने में मसला होगा, तो हम क्या करते हैं, हम इसको कॉस इनवर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, राइट ट्रायंगल तो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ था, कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे, सिंपल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो थीटा यहां से हो जाएगा कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट टेन, तो आप यहां पे बेसिकली पुट कर दो कॉस इनवर्स वन अपॉन रूट टेन। और ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर साइन बाहर है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैंसिल, ये हो जाएगा थ्री अपॉन रूट टेन, डायरेक्ट कैंसिल, ये हो जाएगा वन अपॉन रूट टेन, तो रूट टेन ये सिंपल टेन हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स, सिंपल सिक्स अपॉन टेन, फाइव अपॉन सॉरी थ्री अपॉन फाइव आंसर आ रहा होगा। तो ये प्रॉपर्टी लगा के आसानी से आप कर सकते हो, पहले भी बताई थी लेकिन एक और एग्जाम्पल मुझे मिली थी वो मैंने बता दी। आखिरी चीज है जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि इन राइट ट्राइंगल ये रिलेशन आपको नजर आता है, अगर अल्फा बीटा गैमा ट्राइंगल के अंदर है, ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो आपको नजर आएगा अल्फा प्लस बीटा राइट ट्राइंगल्स के, ये ध्यान में रखना, अगर अल्फा बीटा राइट ट्राइंगल्स के अंदर है, नहीं राइट ट्राइंगल किसी भी ट्राइंगल के अंदर है, अल्फा बीटा गैमा अगर ट्राइंगल के एंगल्स हैं, कोई रैंडम की बात नहीं हुई, अगर ट्राइंगल के एंगल्स हैं तो आप इस रिलेशन को हमेशा फॉलो करोगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा साइन गैमा के, आप इसको अलग भी लिख सकते हो, साइन बीटा प्लस गैमा बराबर होगा साइन अल्फा के, साइन अल्फा प्लस गैमा बराबर होगा साइन बीटा के। कैसे, सिंपल आपको पता ट्राइंगल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा सिंपल होता है 180। अगर आप अल्फा प्लस बीटा अलग करना चाह रहे हो तो गैमा को उधर ले जाओ, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दो, साइन अप्लाई कर दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपको पता है 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता, इसका आंसर साइन होगा, तो यहाँ पे एंगल हो यहाँ पे आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो पॉजिटिव होगा, तो सिंपल साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा साइन गैमा। यहीं से आप बना सकते हो साइन बीटा प्लस गैमा साइन अल्फा के बराबर, साइन अल्फा प्लस गैमा साइन बीटा के बराबर, बनाना चाहो तो बना लो आप लोग। अब इस सवाल दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दें साइन अल्फा 1/2 है, साइन बीटा 1/3 है, यहां से आप निकालो साइन गैमा, साइन गैमा कैसे आएगा, अगेन इजी कॉन्सेप्ट है, ये साइन गैमा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई करो साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो डायरेक्ट आपके पास साइन गैमा की वैल्यू आ जाएगी। साइन अल्फा आपको यहाँ पे पता है, साइन बीटा आपको यहाँ पे पता है। अब ये सवाल चैप्टर नंबर 10 में भी होता था कि जब साइन अल्फा साइन बीटा पता है लेकिन जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया इसमें कॉस अल्फा कॉस बीटा भी आ रहा है, अब ये कैसे निकालें, मेरे ख्याल में अब मसला होना नहीं चाहिए आपको, मैंने राइट ट्रायंगल वाली टेक्निक आप लोगों को सिखाई हुई है, आसानी से निकाल सकते हो। साइन अल्फा से आपके पास कॉस अल्फा आ सकता है, सिंपल राइट ट्रायंगल बनाओ, परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, ये क्या हो जाएगा सिंपल रूट 3 हो जाएगा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2, आसानी से निकाल सकते हो। इसी तरह साइन बीटा की क्या करोगे, 1 और 3, हाइपोटेन्यूज वाला वो लगाओगे रूट 8 आ रहा होगा, कॉस बीटा हो जाएगा रूट 8 अपॉन 3, जब ये वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे पुट कर देना साइन गैमा का आंसर आ जाएगा। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, उसमें दो पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले, कभी आपको टेंजेंट के सॉल्यूशन में 2nπ ऐड होता हुआ भी नजर आ रहा होगा, जैसे आप सिंपल को टेंजेंट की इक्वेशन सॉल्व करोगे ना, टेंजेंट x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 4, तो जनरल सॉल्यूशन इसका इस तरह लिखा होगा पाई अपॉन 4 प्लस nπ। लेकिन कितनी जगहों पे आप देखोगे, देखो अभी तो 2nπ नहीं लिख सकते, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो मैंने बताया था, ये तो सॉल्यूशन आप मिस कर रहे होगे। लेकिन कितनी दफा लोग टेंजेंट में दो एंगल निकाल लेते हैं, तो जब टेंजेंट के अंदर वैसे दो निकालने की जरूरत है नहीं, आप एक पीरियड के अंदर जितने एंगल होते हैं वो निकालते हो, टेंजेंट का पीरियड 0 से लेके 180 है, 0 से लेके 180 के दरमियान यही वो एंगल है जो सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बाद फिर आप जनरल सॉल्यूशन लिखते हो। लेकिन अगर कोई निकालना चाह रहा है तो मैं रोकूंगा नहीं, तो फिर जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, जैसे एक एंगल आपने निकाल लिया 45, आपको पता है मैंने बताया था अगर टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको जो वैल्यू मिल रही है सेम वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में भी मिल रही होगी, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा 225, मतलब सिंपल 45 में 180 ऐड करो तो आपके पास आ जाएगा 225। तो दूसरा एंगल अगर आप टेंजेंट के केस में निकालना चाह रहे हो तो आप पाई ऐड करते हो, पहला एंगल आपने निकाल लिया जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं, दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, पाई ऐड कर रहे होते हो, तो जब मैं इसके अंदर पाई ऐड करूंगा ये क्या हो जाएगा 5π/4 हो जाएगा, मतलब 225 डिग्री। अब जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो अब आप क्या करोगे, पाई अपॉन 4 के अंदर 2nπ और यहां पे लिखोगे 5π/4 + 2nπ,
जैसे आप साइन कॉस का लिखा करते थे, अब आप उस तरीके से लिखोगे। क्योंकि देखो पहले लॉजिक ये होती थी कि जैसे अगर आपने सिंपल एक रखा हुआ ना पाई अपॉन फोर, तो आपको पता था कि वैल्यू रिपीट कब होगी, जब मैं इसके अंदर पाई ऐड करूंगा, ये पूरा यहां पे आऊंगा तब वैल्यू रिपीट होगी, फिर मैं दोबारा पाई जाऊंगा फिर वैल्यू रिपीट होगी, फिर पाई जाऊंगा फिर वैल्यू रिपीट, तो तभी आप इसके अंदर एन पाई ऐड करते थे। लेकिन जब आप दो एंगल निकाल रहे हो तो फिर अब आप क्या करोगे, दोनों में अलग अलग अब टू एन पाई ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि लेट से अगर आपने सॉल्यूशन एन पाई के साथ लिख दिए, इसका मतलब आप चीजों को रिपीट कर रहे हो। रिपीट करने का मतलब अगर ये 45 है और आप इसके अंदर एन पाई ऐड कर रहे हो, एन की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो, तो पाई अपॉन 4 में जब पाई ऐड करोगे तो आपको आंसर मिल रहा होगा 225, जो कि ऑलरेडी यहां पे आ रहा होगा। अगर आप एन की वैल्यू 0 पुट करो तो 5 पाई अपॉन 4, यहां पे एन की वैल्यू 1 पुट करो तो यहां पे 5 पाई अपॉन 4, मतलब चीजें सेम आ रही हैं आपके पास, सॉल्यूशन रिपीट कर रहे हैं। यहां पे एन की जगह 2 पुट करो, यहां पे एन की जगह 1 पुट करो, सेम आंसर आ रहा होगा, तो फिर वो बेवकूफी हो जाएगी। तो अगर आप दो अलग अलग एंगल निकाल रहे हो तो फिर आप इन दोनों में 2n पाई ऐड किया करोगे। कि यार 45 ये है ना, मैं जब दोबारा पूरा 360 ऐड करूंगा तो वैल्यू रिपीट करेगी, इसका आप अलग से सॉल्व करो, और 225 का अलग से, कि यार ये पूरा 225 है, जब मैं दोबारा 360 ऐड करूंगा तो वैल्यू रिपीट करेगी। तो अगर आप दो एंगल निकाल लो टेंजेंट के केस में, तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन सेट लिखते हो इसका, 2n पाई ऐड करते हो। तो खाली अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखना चाहो तो ये भी ठीक है, पाई अपॉन 4 प्लस एन पाई, अगर दो एंगल निकाल के करना चाह रहे हो तो ये वाली बात भी ठीक है, दोनों केसेस ठीक है, दोनों मैंने आप लोगों को बता दिए। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, लेट से आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक जगह मेरे पास आई थी एमसीक्यू में, देखा था कि वो अंदाजन वैल्यू आपसे पूछना चाह रहे थे कोई। लेट से आपके पास आ जाए साइन इनवर्स, लेट से फॉर एग्जाम्पल 1/4। अब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, ऑप्शंस आपके पास लिखे हुए होंगे, अब कैलकुलेटर के बगैर आप कैसे वैल्यू निकालोगे ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखो साइन के केसेस में जो वैल्यूज आपको पता है वो कौन कौन से पता है, आपको 0 पता है, 1/2 जो के बराबर होता है 0.5 के, और 1/√2 बराबर होता है 0.707 के, फिर आपको मिलती है √3/2 जो के बराबर होती है 0.866 के, फिर आपको मिलता है 1। ये वैल्यूज हैं साइन कॉस के केसेस में जो आपको मिल रही होती हैं, जितने एंगल्स आप देख रहे होते हैं यही वैल्यूज आपको मिलती हैं। तो ये पॉइंट के फॉर्म में अगर आपको याद है आपकी लाइफ इजी है। अब आपसे देखो सवाल 1/4 पूछा जा रहा है, 1/4 का मतलब 0.25, इसका मतलब क्या है? आपको पता है भाई साइन इनवर्स 0.5 क्या होता है, मतलब साइन इनवर्स 1/2 पे आपको 30 डिग्री मिलता है, तो 0.25 मतलब 0.5 पे आपको 30 मिल रहा है, तो 0.25 पे आपको क्या मिलेगा, 15 डिग्री नहीं बोल देना क्योंकि इस हिसाब से फंक्शन नहीं चल रहा, लीनियर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, कि 0.5 पे आपको अगर 30 मिल रही है साइन की वैल्यू, तो 0.25 पे 30 से कम ही मिलेगी, ऑलमोस्ट 20 डिग्री 15 डिग्री के आसपास कोई वैल्यू मिल रही होगी। तो अगर इस वाले एमसीक्यूज के ऑप्शन में लिखा हुआ है लेट से 15 डिग्री या फॉर एग्जांपल 16 कर देते, मुझे नहीं पता एक्चुअली इसकी वैल्यू है क्या, चलो मैं निकाल लेता हूं, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स 1/4, तो वैल्यू हाँ 14.47 आ रही है। तो फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में लिखा होगा राउंड ऑफ, देख लेना मैंने पता नहीं क्या वैल्यू है, राउंड ऑफ करने के बाद 14.48 हो जाएगी, तो मे बी ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी में लिखा होगा लेट से 58.2, ऑप्शन सी में लिखा होगा 38.4, ऑप्शन नंबर डी में लिखा होगा 74.2। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए यार ये वैल्यू ठीक नहीं हो सकती, क्यों भाई 0.5 पे तो आपको 30। अच्छा देखो साइन के केस में अगर आप इसका ग्राफ देखो ना तो ये ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है, ये 90 पे जाके आपको 1 मिलता है, ठीक है 1 वैल्यू मिल रही होती है, तो 90 से पहले जितने आपके एंगल छोटे होते जाएंगे वैल्यू आपको कम मिलती जाएगी। तो आपको पता है 30 पे 0.5 मिल रहा है, तो 30 से किसी कम एंगल पे ही आपको 0.25 मिलेगा ना भाई। देखो एज्यूम कर लो कि यहां पे अगर मैं 30 की मार्किंग करता हूं तो यहां पे आपको तकरीबन वैल्यू मिल रही है 1/2, ये 30 डिग्री है एज्यूम कर लो, तो अगर मुझे वैल्यू चाहिए 1/4 तो मुझे पीछे आना पड़ेगा ना, तो एंगल वो 30 से कम होगा, 30 से ग्रेटर कैसे एंगल हो सकते हैं, तो आप वैसे ही कैंसिल कर देना, तो विदाउट कैलकुलेटर आप एस्टिमेट कर सकते हो उसकी वैल्यू क्या होगी। सेम चीज टेंजेंट के केस में भी आप कर सकते हो, टेंजेंट के केस में कौन कौन सी वैल्यूज, अच्छा कॉस का केस पहले देख लेते हैं, कॉस के केस में भी यही किस्म की वैल्यूज होती हैं सारी, लेकिन कॉस का ग्राफ आपको पता होना चाहिए इसका, जैसे जैसी एंगल पीछे आते हैं ना तो वैल्यू भी कम होती जाती है, कॉस के केस में ऐसा नहीं होता। कॉस का ग्राफ अगर आप देखो ना, कॉस का ग्राफ इस तरीके से होता है, ये 90 होता है और यहां पे वैल्यू 1 मिल रही है, यहां पे जैसी आप एंगल पीछे आते रहते हो ना वैल्यू बड़ी होती जाती है, यहां पे उल्टा होता है। तो लेट से अगर ये सवाल आता कॉस की फॉर्म में, अब मैं क्या करता, cos इनवर्स 1/4, मुझे पता है cos इनवर्स 1/2 क्या होता है, cos इनवर्स 1/2 जो है ना वो होता है यही
0.866. मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं 30 पे पास होऊंगा ना 30, तो आंसर मुझे 1 के पास मिल रहा होगा, मतलब 0.866 मिल रहा होगा अगर मैं 30 डिग्री के पास हूँ, मतलब मुझे वैल्यू जो है वो 0.866 मिल रही होगी, जबकि मैंने किसकी निकालनी है, मैंने 0.25 की निकालनी है। तो आप आगे आते जाओ, करीब आते जाओ, लेट से 0.5 आपको कब मिलता है, कॉस के केस में 0.5 आपको 60 पे मिलता है, 0.5 तकरीबन यहां पे होगी, तो 60 पे आपको देखो आपको तकरीबन मिल रहा होगा, तो 0.5 वैल्यू आपको 60 में मिल रही है, तो 0.25 आपको कहां पे मिलेगी, 60 से बड़े एंगल के ऊपर, यहां पे उल्टा है, जैसे देखो वहां पे था कि 0.5 30 पे 0.5 मिल रही है, तो 0.25 कब मिलेगी, आप कहते थे कि 30 से पहले आ जाओ, जितना पहले आते जाओगे वैल्यू छोटी होती जाएगी, कॉस में उल्टा होता है, जितना एंगल बढ़ता जाएगा वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो अगर 60 डिग्री पे आपको 0.5 मिल रहा है तो 0.25 कब मिलेगा, जब आप आगे जाओगे कॉस के केस में, तो आप ये बता सकते हो कि आसानी से एंगल जो है वो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं तकरीबन 75 के आसपास होगा। अब जरा निकाल के देखते हैं, कॉस इनवर्स 1/4 देखो 75.52 मालूम हो गया। तो कहने का मतलब यहां पर एस्टिमेशन आप कर सकते हो कि 60 से बड़े एंगल होगा, ये आपने इस तरीके से करना है। टेंजेंट के केस में भी यही होता है जैसे साइन का होता है ना, कि एंगल छोटा होता जाता है, टेंजेंट ग्राफ भी वैल्यू कम होती जाती है, टेंजेंट का अगर आप ग्राफ देखो इस टाइप का ग्राफ होता है ना, यहाँ पे अगर 90 है तो आप देखो जितना आप 90 से पहले आते जाओगे तो वैल्यू आपकी छोटी होती जाएगी। तो टेंजेंट के केस वैसे पूछते नहीं है इतना, लेकिन उसकी वैल्यूज अगर याद करना चाहो तो कर लो, एक जीरो होती है 1/√3, फिर 1 होती है, फिर √3 होती है, तो 1/√3 आई गेस देखते हैं, ये तो मेरे ख्याल में 1 point something अगर याद रखना चाह रहे हो रख लो, मुझे तो भूल गई है क्योंकि टेंजेंट का इतना आता नहीं है, तो ये वैल्यू तकरीबन 0.577 है, और फॉर एग्जांपल √3 जो है वो तो 1 point something कुछ होगी, 1.73। तो लेट से अगर आपके पास पेपर में सवाल आता है टेंजेंट इनवर्स 1/2, अब देखो 0.5 कितना करीब है, टेंजेंट इनवर्स 0.57 है ना ये, तो टेंजेंट इनवर्स 1/√3 30 डिग्री पे होता है, टेंजेंट 30 पे आपको वैल्यू मिलती है 0.57, तो 0.5 कब मिलेगी, 30 से थोड़े पहले आओगे, क्योंकि टेंजेंट और साइन के केस में जैसे ही आप एंगल से पहले आते रहते हो वैल्यू छोटी मिलती है, तो 0.57 पे अगर 30 डिग्री पे 0.57 मिल रहा है तो 30 डिग्री से पहले आपको 0.5 मिल रहा होगा, ऑलमोस्ट ये 25 और 30 के दरमियान होगा। हम निकाल के भी देख लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1/2 देखो 26.56, तो इस तरीके से आप आसानी से एस्टिमेट कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा तरीका बता दिया कि एस्टिमेशन आप किस तरीके से कर सकते हो, ये बेसिक बात। इसी तरह स्क्वायर रूट की एस्टिमेशन भी आपको पता होनी चाहिए, लेट से आ रहा है √17, अब आपको पता होना चाहिए √16 4 है, तो √17 4 point something ही कुछ होगा, 4.1 के आसपास ही होगा, बड़ा स्क्वायर रूट आ रहा है लेट से 260, आपको पता है 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, तो ये 16 point something ही कुछ वैल्यू आ रही होगी, एस्टिमेशन आप कर सकते हो आसानी से।